एक अखबार है, दैनिक भास्कर है और पत्रिका है, सभी अखबारों ने प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित किया है और वो पीड़ित है, वो अभी भी हॉस्पिटल में है। अभी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि इस मामले की सीआईडी सीबी से जांच करवाने का जो है आश्वासन मिला है और जिला कलेक्टर जोधपुर वहां पर मौके पर जाकर आश्वासन और 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ये किया है। अभी वर्तमान में तो अभी वर्तमान की स्थिति है और बाकी जो कोई साथी पूछना चाहे तो मैं आपको बता सकता हूँ। जय हिंद। जी शिवानंद जी। हाँ, मनोज जेना सर, इनका प्रश्न इन्होंने रखा है। अब आदरणीय बिंबाधर प्रधान जी से निवेदन है कि वो अपने आप को करके ये निवेदन है कि इसमें जो विस्टल ब्लोअर एक्ट है वो लागू किया जाए और आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा तुरंत प्रभाव से अपने 15-20 दिन में सभी साथी लिखकर मानवाधिकार नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सभी को लिखकर अपने भारत देश के संपूर्ण आरटीआई और ह्यूमन राइट्स के विस्टल ब्लोअर हैं उनकी सुरक्षा। सुनिए सुनिए सुनिए, अब आप होल्ड करिए। अब यहाँ पर स्वयं जब बिंबाधर प्रधान जी जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब हैं एनएचआरसी के, वो आपकी बात का जवाब देंगे। अब आप शांत रहिए, अब आपकी बात वो सुन लिए सर। इनके हाँ ग्रीवेंस का रिड्रेसल प्लीज करें। श्रीमान मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ, मुझे भी नहीं, अभी आप एक साथ मत बोलिए, एक बात को। मनोज जी मैं ये कहूंगा जो है ना, पहले हम सबका क्वेश्चन ले लेते हैं और मैं सभी का एक एक करके जो है ना, अभी जो नरेंद्र जी जो भी सवाल रखे इस मामले को सुना जाए सर। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ मनोज जी, आप ऐसे करिए, सपोज पहले हम क्वेश्चन ले ले और जैसे नरेंद्र जी ने ऐसे जो रखे हैं तो उस पर जरूर मानव अधिकार आयोग उस पर कार्रवाई करेगा। और मैं इसकी मानवाधिकार आयोग में दर्ज किया कर लिया गया है और उसके नहीं सुनो, आप ऐसे करो नरेंद्र जी, या तो मेरा नंबर मैं बता रहा हूँ, उस नंबर पे आप सिर्फ जो है ना या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप भी है, मनोज जी से आप अपना नंबर ले लेंगे, नहीं तो आप जो है ना मेरा नंबर नोट कर लीजिए 98101। जी आप लिख रहे हैं 98101582965। इसमें आप सिर्फ मेरे को जो फॉरवर्डिंग है आपका वही व्हाट्सएप कर लीजिए, मैं फिर उसको सेंट्रल रजिस्ट्री से लोकेट करके इसमें जरूर मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ हम लोग कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम सर, बालक हूँ। तो मैं अभी सभी एचआरडी से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी आपका जो सवाल है एक एक आपका विचार रखे और सवाल रखे, साढ़े तीन बजे सार अपना वो एड्रेस करेंगे, वो एड्रेस के बाद सार 10 मिनट हमको देंगे, वो जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर देंगे। तो अभी अपना वो व्यूज रखे और सवाल भी रखे। अभी अभी सार को फॉर्मली सुने ना, अभी सुनिए मेरा बात सुनिए, अभी सार को अभी फॉर्मल हम इनवाइट करेंगे एड्रेस देने के लिए, वो एड्रेस के बाद सार 10 मिनट हमको देंगे, हमारा जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन पर वो सब आंसर देंगे। तो अभी मैं आग्रह करूंगा कि जो एचआरडी है वो अपना बात रखे और सवाल भी रखे। सर मैं मेघराज सिंह उत्तर प्रदेश से। जी मेघराज जी बोलिए। सर बस मैं ये जानकारी लेना चाहता था, क्या ह्यूमन राइट डिफेंडरों के लिए या आरटीआई एक्टिविस्टों के लिए या कोई कॉमन मैन के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सुरक्षा संबंधी सभी चीफ सेक्रेटरियों को कोई निर्देश दिया है? यदि दिया है तो उसकी हमको कॉपी या उसके शासनादेश के बारे में अवगत करा दें आदेश के बारे में, और यदि नहीं है तो मेरी प्रार्थना है सभी आरटीआई एंड ह्यूमन राइट डिफेंडर की ओर से ये एक ऐसा आदेश जारी कर दें जो सभी चीफ सेक्रेटरी और यूनियन टेरेटरी को गृह मंत्रालय को, जिससे कि एक सर्कुलेट जारी हो जाए जिससे हम लोगों को उनको लेके हम बाड़मेर जैसी घटना ना हो, अमरा राय जैसे साथी के साथ
धन्यवाद सर। मेघराज जी, आपका आपका आवाज में कुछ इको आ रहा है, बट मैं जहां तक समझ पाया हूं, जहां तक आरटीआई एक्टिविस्ट का सवाल है, उसके लिए जो हमारी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, उसके लिए वो सक्षम जो है ना प्राधिकार है। और जहां तक एचआरडी का सवाल है, मैं चाहूंगा आप आज इस मीटिंग के बाद दो या तीन लोग आप लोग ने चुन लीजिए, आप लोग जैसे चाहेंगे, हम लोग सभी चीफ सेक्रेटरी, सभी डीजीपी और सभी स्टेट गवर्नमेंट को हमारे चेयरपर्सन के तरफ से जरूर हम ये आगाह करेंगे और लिखेंगे जो कम से कम हमारे जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर जो ग्राउंड लेवल पे, जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, उनका सही सुरक्षा वो प्रदान करें। मैं कहूंगा आप में से आप तीन रिप्रेजेंटेटिव चुनिए, आप इसका एक ड्राफ्ट करके मैं जो नंबर आपको दिया हूँ उस नंबर पे काइंडली मेरे को व्हाट्सएप करिए, और हम लोग जरूर जो हमारे जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं, जो जमीन पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके बारे में हम सभी राज्य सरकार को और यहाँ पर जो हमारे होम मिनिस्ट्री के होम सेक्रेटरी साहब को हम जरूर लिखेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, इतना बड़ा आश्वासन हमको बहुत सारे वो पावर देता है, बहुत धन्यवाद, आभारी है सर आपका। थैंक यू सर। कोई दूसरे नेक्स्ट कोई एचआरडी बोलेंगे? देखो मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के तरफ से मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आप निर्भीक होके जो भी आपके मन में शंका सवाल है, क्योंकि ये मौका नहीं मिलता है, फिर हम लोग अभी एंटीसिपेट कर रहे हैं, फिर ये जो ओमिक्रॉन का थर्ड वेव फोर्थ वेव, ये अच्छा ही है। मैं जो भी मनोज जी से और जो लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए सबकी साधुवाद दे रहा हूँ, सबको तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। इससे हम लोगों को हर दो महीना, तीन महीना, छह महीना में जरूर मिलना चाहिए। और जो भी अभी कुछ डिसरप्शन हुआ है कोरोना के पिछले अप्रैल महीना में जो सेकेंड वेव आया, हम लोग सब लोग इसका भुग चुके हैं। अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू भी कर लिया, और मैं यही चाहूंगा अभी आप निर्भीक हो कि जो आपके मन में शंका, डरने की कोई बात नहीं, मेरे तरफ से जो है ना खुला छूट है, मैं भले आपसे 10 मिनट बात करूं, बट आप निर्भीक होके कम से कम बहुत हद तक आपकी बात हमारे तक भी नहीं पहुंचती है। हम लोग जो ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में काम कर रहे हैं, बहुत हद तक जो जमीन की जो सच्चाई है वो मानव अधिकार आयोग तक नहीं पहुंच रहा है। हम लोग ने, आपको याद होगा, मई महीना में एक बार नेशनल लेवल पे सभी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर से बात किए थे, और जबकि अप्रैल महीना में जो सेकेंड वेव की जो प्रकोप था आप भली भांति सब लोग जानते हैं, उसके बाद फिर 29 जुलाई को भी हम लोग ने मिले नेशनल। बट कभी कभार क्या होता है, हम 11 बजे मीटिंग शुरू करते हैं, 1 बजे खत्म करते हैं, सबको ये मौका नहीं मिलता। मैं अब यही चाहूंगा, मेरे को कुछ बोलने से इससे अच्छा मैं आपकी बात सुनूं, और मेरे से जितना संभव हो सकता है मैं आपको ये आश्वासन देता हूं, मैं जरूर 100% कोशिश करूंगा। तो इसलिए आप निर्भीक होके मेरे सामने दिल खोल के बात रखिए, किसी को डरने की कोई बात नहीं। जी सर, सूरत मौर्य, सूरत गुजरात से बात कर रहा हूँ। प्लीज। जी सर, मेरा कहना ऐसा रहता है कि जब हम कोई कंप्लेंट आपके यहाँ पे भेजते हैं मानव अधिकार आयोग के अंदर में जांच के लिए, फिर उसी विभाग में वो आपकी जो कंप्लेंट की कॉपी रहती है, जिस विभाग में हम कंप्लेंट करते हैं उसी विभाग में जांच के लिए आती है कॉपी, तो वहां पर हमको सही न्याय और सही जांच नहीं हो पाती है। सुरेश जी, आपका आवाज थोड़ा दोबारा जो है ना इसका दोहराइए, आपका आवाज कट रहा था। सर, मेरा कहना ऐसा है कि जैसे हम आयोग के अंदर में जब कोई भी जांच के लिए कंप्लेन करते हैं, तो जो कंप्लेन की कॉपी है उसी विभाग में जाती है जहां पे कंप्लेन हमने जिस विभाग से कंप्लेन किए रहते हैं। अगर आपकी वो जांच की कॉपी संबंधित कलेक्टर या कोई इस तरह का अधिकारी करे जिससे उससे कोई संबंध ना हो, तो जांच उसकी सही हो सकती है और सही मायने में जो फरियादी है उसका निकाल हो सकता है। नहीं सुरेश जी, मैं आपको ये बताऊं, करीब हर दिन हम लोगों को यहाँ पर 600 से 700 कंप्लेंट करीब आता है, हर दिन की मैं बता रहा हूँ, भले सैटरडे हो संडे हो, आपका कहना सही है। और कभी कभार जब अब 600-700 कंप्लेंट हमारे पास, उसमें कुछ मान लीजिए तेलुगु में है, कुछ गुजराती में है, कुछ ओडिया में है, कुछ बंगाली में है, कुछ मलयाली में है,
और उसका भी कभी कभार हम सही समय पर अनुवाद भी नहीं कर पाते। तो मेरा आपसे, मैं अभी मीटिंग से शुरुआत से पहले मैं अपना मोबाइल नंबर दिया हूँ, और मैं तो यही चाहूंगा आप हो सकता कभी आप मेरे को फोन करेंगे, मैं रेस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा, बट आप मेरे को जरूर व्हाट्सएप करिए, एसएमएस करिए, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर भी इतने कैपेबिलिटी नहीं है या कैपेसिटी नहीं है जो हर दिन हम 700 कंप्लेंट का सही निपटारा कर पाए। जरूर लोगों की ग्रीवांसेस है और आपकी जो शिकायत है और हमारी निपटारा करने की जो आप सामर्थ्य कहिए या कैपेबिलिटी कहिए, उसमें मैं जब आया पिछले अक्टूबर में, मैं देखा 2003 का भी कंप्लेंट था और 23,000 की कंप्लेंट था। तो जब इस जून 2 तारीख तक हम वो 23,000 से घटा के 9,000 तक लाए हैं। अभी हम लोग शिलंग और गुवाहाटी गए हुए थे, शिलंग का करीब 19 केस जो है और गुवाहाटी का करीब जितने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से करीब 40-41 केस हमारे समक्ष रखा गया। तो ये कोरोना नहीं होता तो हम लोग करीब जो है ना आज लखनऊ कल भुवनेश्वर हमेशा जमीन पर जाते हैं। और आपकी बात सही है, अभी भी कमीशन के समक्ष 2012-13 का शिकायत भी लंबित है। तो मेरे को कहने में कोई जो है ना आपको लगेगा तो 2012-13 का शिकायत अभी सपोज कमीशन के समक्ष है तो फिर हम कहां तक जनता की शिकायत की दूर कर रहे हैं। जबकि मेरा ये कहना है, मेरा अनुभव कहता है ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर ये निपटारा होना चाहिए। तो सुरेश जी मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, मैं मेरा अभी मोबाइल नंबर भी आपसे दिया हूँ, तो मैं जब तक हूँ आप बेहिचक जो है ना ये कोशिश करिए। जरूर हम हमारे ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम 100% इसमें कमिटेड होके काम कर रहे हैं, हमारे साइड में भी कुछ कमी है, बट आप जो है जमीन पर जितने लोग हमारे साथी काम कर रहे हैं, यू आर द आईज एंड इयर्स ऑफ द कमीशन और यू आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द सिटीजंस। और कभी आपको जो है ना, कभी मैं तो यही कहूंगा, कभी आपको निराशा नहीं होनी चाहिए, कमी है सिस्टम में, आपका एक्सपेक्टेशन और हमारी जो उसको भरपाई करने की जो सामर्थ्य है उसमें जरूर गैप्स है। मान लीजिए अभी भी हिंदुस्तान पे हमारी जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, जो रूल ऑफ लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, दिस इज लाइक ए होली बुक फॉर ऑल ऑफ अस, और उसमें इतना ताकत है, हमको कभी जो है ना कभी हमको कमजोर तो महसूस करनी नहीं चाहिए। आप जैसे हमारे कुछ भाई अभी नागालैंड में काम कर रहे हैं, कुछ अरुणाचल में काम कर रहे हैं, काफी मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन पे श्रीनगर पे भी काम कर रहे हैं, बट कभी आपको हमको निराशा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कभी सिस्टम सपोर्ट करता है, कभी नहीं करता है, इसमें कभी किसी को निराशा नहीं होनी चाहिए, लोग भी पत्थर भी फेंकेंगे, बट उसके लिए आपको हमको निराशा तो नहीं होनी चाहिए। सर आज की तारीख में मेरा खाली यही आपसे रिक्वेस्ट था कि जैसे कि आपके विभाग में जो जिस विभाग की कंप्लेन आती है उस विभाग की कंप्लेन संबंधित विभाग के पास में न करके जो मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या एसपी हो, मतलब जो बड़े लेवल के अधिकारी हो जिसकी जवाबदारी बनती हो, वैसे अधिकारी अगर जांच करेंगे खुद उससे अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिलेगा। आपकी बात मैं समझ गया। मान लीजिए जो चौकीदार, जो अब मैं कहना नहीं चाहता हूँ बट अब इतनी बड़ी सभा में जो है ना, मान लीजिए मैं चोरी करूँ और मैं जो है ना खुद जांच करूँ, तो आपकी कहना सही है, बट कभी कभार क्या होता है ना, यहाँ पर हमारे सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं उनको इतनी ग्राउंड लेवल की समझदारी नहीं है। हो सकता क्योंकि मैं जमीन पर 26 साल जो है ना काम किया हूँ, तो हो सकता आपने किसी जिला के कलेक्टर के बारे में शिकायत किया है तो हम चीफ सेक्रेटरी को भेजेंगे, या किसी एसएसपी के बारे में शिकायत किया है तो हम डीजी पुलिस को भेजेंगे, या लेबर इंस्पेक्टर के बारे में भेजा है तो मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर को भेजूंगा। कभी कभार हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है उनको इतनी समझदारी भी नहीं होगा, जिसके चलते जिसके बारे में शिकायत आया फिर उसी को हम भेज रहे हैं भाई आप जांच करें। आपकी बात मतलब 100% जो है ना मैं मान रहा हूँ, बट ये हम जरूर कोशिश करेंगे जिसके बारे में शिकायत है उससे भले हम स्पष्टीकरण मांगे बट उससे तो जांच नहीं कराए। थैंक यू सर। थैंक यू।
सर अभी और कोई बोलेगा? एक कोई सुमेर जी हैं। नमस्कार देवेंद्र तक मैं आरटीआई एक्टिविस्ट राजस्थान के ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं और बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं अपने राजस्थान के जाने माने, उनसे जोड़ी उन्हें जोड़िएगा। हाँ तो उनको बताइए बोलें, वो जुड़े जुड़े हैं तो अपनी बात रखें। हेलो जी, मैं तो चाहूंगा लोग मेरे को ज्यादा क्वेश्चन पूछें। जी जी मेरे पास आने का कुछ नहीं है, बट मैं चाहूंगा जो है ना सुझाव आपके सामने देखना चाहता हूँ जिसपे आप संज्ञान लें। एक्चुअल के अंदर जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आपके अंडर में क्रिएट करके यहाँ पे काम कर रही है, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आप तक एक मतलब एक जगह पे जानकारी आ सके। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग सारी शिकायतें भेजते हैं दिल्ली, वहां से आप जैसा भी खुद बता रहे हैं कि रोज 600-700 आपके पास में शिकायतें आती हैं, इस पे आप काम नहीं कर पाते हैं। तो कुछ सिस्टम के अंदर यदि वहां पे आप बदलाव करके और हर स्टेट या जिले के अंदर अपने मतलब ऐसे प्रतिनिधित्व जो उन पे वाच करें जिनकी शिकायतें आई हैं, जो वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं या उनकी जो एक्यूज जो वहाँ पे शिकायत करना चाहता है वहाँ पे, ताकि दिल्ली पे इतना लोड ना आए और उसको थोड़ा सा बांट दिया जाए, ये मेरा आपसे निवेदन होगा। नहीं देवेंद्र जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए अभी भी हमारे हिंदुस्तान पे करीब 26 स्टेट में, सिर्फ 3 स्टेट में अभी हमारा मतलब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं है। और आप नागालैंड पे है नहीं, अरुणाचल पे है नहीं, और आप आंध्रा तेलंगाना को मांगेंगे तो जो है ना, जबकि एक ही अभी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो दोनों स्टेट का देख रहा है, अदरवाइज कहीं ना कहीं सब जगह पे एक ना एक कमीशन है लेकिन उसके अंडर के अंदर कोई वर्क नहीं कर रहा ना सर वो। सुनिए देवेंद्र जी, मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए आपका एक्सपेक्टेशन और मान लीजिए राजस्थान की जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, मेरा हक नहीं बनता मैं किसी संस्था के बारे में कमेंट्स करूं, मैं सिर्फ अपने बारे में कमेंट्स करने का मेरा हक बनता है। मैं जैसे सब ये आप जरूर कोशिश करिए, बहुत कुछ चीज जो है ना नेशनल लेवल पे इसका निदान नहीं हो सकता, बहुत कुछ चीज हम चाहते हैं कि आप हमें सजेस्ट करें कि हम किस तरीके से इसको। सुनिए राजस्थान से जो आवाज आप देखे होंगे, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, अरुणा शर्मा से लेके और आपका जो है ना जो आरटीआई का अभी जो मनरेगा में जो काम आप लोग ने सोशल ऑडिट कर रहे हैं, इसका गुंज तो राजस्थान से निकला। राइट सर, तो आज सोशल ऑडिट के जो मान लीजिए भारत सरकार ने एक नियम बनाया है और जो काम के अधिकार का है, तो इसलिए राजस्थान के धरती से जो है ना काफी कुछ हिंदुस्तान के लिए गुड गवर्नेंस का जो है ना सीखने को मिला है। थैंक यू सर। नहीं सर, आपका एक्सपेक्टेशन और किसी कलेक्टर का जो फुलफिल करने का जो है हमेशा गैप रहता है और ये हमेशा रहेगा, बट मेरा आपसे यही निवेदन है, बहुत कुछ चीज हम पंचायत लेवल पे कर सकते हैं, बहुत चीज हम गांव लेवल पे कर सकते हैं। हम कभी जो है ना हम कभी ये उम्मीद लगा के नहीं बैठे जो है ना कोई नहीं कर पा रहा है तो हमारे लिए भगवान है। आदमी जब मैं यही कहूंगा, जो चीज गांव में हो सकता है गांव में रखिए, जो चीज पंचायत में हो सकता है पंचायत में रखिए, जो तालुका तक जाना चाहिए तालुका में रखिए, जो जिला तक जाना चाहिए जिला पे रखिए। तो इसका एक हायरार्की बना हुआ है, बट कभी कभार क्या होता है ना, हमारी एक आदत हो गया है, हम एक पुलिंदा बना के रखते हैं और सेवा में हम वो जगह को खाली रखते हैं। मुख्य सचिव भर दिया मुख्य सचिव, आयुक्त उदयपुर प्रमंडल, उदयपुर प्रमंडल भर दिया, उसके बाद लिखेंगे जिला पदाधिकारी उदयपुर, जिला पदाधिकारी जो मिला। अच्छा कोई नहीं मिले तो जो है ना मान लीजिए एमपी साहब मिले, एमएलए साहब, सबको हम लोग देते जाए, हमारी आदत जो है ना। इससे क्या होता है, मैं तो आपसे यही आग्रह करूंगा, बहुत कुछ चीज आप अपने लेवल से निदान कर सकते हैं। राइट सर, और कभी जो है ना कभी मतलब हम ये नहीं कहें जैसे वो जो माए बाप जमाना था, जो कलेक्टर माए बाप है सरकार माए बाप है, उस दुनिया से हमको निकलना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यही मैं आपसे चाह रहा था कि स्थानीय लेवल पे लाइन पे रहिएगा।
देखिए निर्भीक होकर क्वेश्चन पूछे जो मन में आता है। हेलो, देखिए मेरे को जितना रैगिंग करना है ना, मैं चाहता हूँ लोग रैगिंग करिए। जयपाल जयपाल सिंह, भाषण देना नहीं चाहता हूँ जी। जयपाल सिंह जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, अपनी बात रखिए जी। जी सर, मेरा यही निवेदन है मानवाधिकार आयोग में। मैंने पहले भी, मेरे ऊपर जो बंदूक से हमला हुआ था मध्य प्रदेश जिला राजगढ़ में, उसके ऊपर भी मैंने जो कंप्लेंट की थी मानवाधिकार आयोग में, लेकिन उसमें भी कुछ कार्रवाई नहीं होती है। और जो बाहुबली जो थे हमारे ग्राम के, और यहाँ तक कि जिले के भी थे वो, और पूर्व सीएम के संबंधित थे, इस कारण जो खात्मा हुआ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी जब मैंने एक बार मेरे मीटिंग में भी रखा था, तो खात्मा रिपोर्ट कब आती? अभी 4 महीने पहले आती। उस घटना को 12 साल बीत जाते हैं उसके बाद में आती। तो ऐसा भी मतलब होता है कभी कभी, हम उसके बाद में छोटे छोटे, मतलब अब जैसे जागरूकता धीरे धीरे आती है, अरे अभी परिपक्वता की ओर हम जा रहे हैं। तो मेरा ये है कि हमारा जो चैनल है आदरणीय आज जो वेबिनार के माध्यम से, तो चैनल की जो स्पीड है और उसकी लाइन है, उसके माध्यम से मैं चाहता हूं कि कुछ नंबर, जैसे अभी आदरणीय ने कहा कि ये व्हाट्सएप नंबर है वो, और भी जानकारी के माध्यम से हम देश और जिले और प्रदेश को जागृत करें। और जो हमारे ऊपर जो आरटीआई कार्यकर्ता और हम जो जागरूक लोग, थाने जो पुलिस थाने में भी बहुत सारी घटना घटित हो रही, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। सुमेर जी जुड़ गए हैं, उनको बात रखने का मौका दिया जाए। सुनो जयपाल जी, सुनो जयपाल जी, आपका ये जो 12 साल के बाद जो भी है, और आप खुद मुझे बोल रहे दिया जाए। सुनो आप खुद बोल रहे हैं, आप मेरा मोबाइल पे जो है ना इसका डिटेल दीजिएगा, मैं जरूर आपके चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी साहब जो है, बट मेरे जी को जी। इस सभा में मैं बहुत कुछ बोलने का मन करता है, बट मैं जान पूछ के अपने को जो है ना जी जी, आप जब कहेंगे सो एंड सो इनसे रिलेटेड है, तो मेरा भी बंद हो जाती है सबके सामने जी जी। तो बट आप देखिए, आप ह्यूमन राइट्स डिफेंडर के नाते आप जब अपना जो है ना, जैसे मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आप अपने जान को अपने हथेली पर लेके आप घर से निकले जी, तो निर्भीक होके काम करिए। किसी को डरने का नहीं, डरने का है तो खुद अपने आप को डरिए, और भगवान से डरिए या अल्लाह से डरिए जी जी जी। श्रीमान, मैंने तो जब देश सेवा और समर्पण के लिए भाव था, मैंने सोचा कि अपने आप को देश की रक्षा कर रहा हूँ, और अगर मेरा अगर हाउती भी जाती है तो समर्पित, क्यों मेरे जाने से कई लोग जागृत होंगे, इस भाव से मैं जागा हूँ, और अपने जो लोग हैं जनमास उनकी सेवा के लिए तत्पर हूँ। लेकिन जब मेरे ऊपर एक घटना होती, जब मैं जागरूक व्यक्ति समस्या हल नहीं कर पाता, तो ग्रामीण क्षेत्र का आम से आम आप व्यक्ति कैसे लड़ पाएगा, मेरा यही था बस श्रीमान। नहीं नहीं सुनिए, सुनो सुनो जयपाल जी, आप मेरा मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप करो और जी, नंबर दीजिए श्रीमान। देखिए वो बाहुबली जो है ना, वो हिंदुस्तान के जो रूल ऑफ लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उससे वो बड़े नहीं है जी। मैं ये बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ छोटी मुंह में, अभी जी भी जी। हमारी जो है ना, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे ताकतवर है, समय समय की बात है, हम कभी उसको जो है ना नजरअंदाज करके, अभी जयपाल जी का जो दुखड़ा है उस पर हम कार्रवाई नहीं करते हैं, जयपाल जी को 12 साल इंतजार करना पड़ता। बट फिर भी मैं आपको यही कहना चाहूंगा, मेरा 35 साल का जो पब्लिक सर्विस का जो अनुभव है, अभी भी जो है ना कानून की जो भी है ताकत, वो कानून के हाथ कभी जो है ना वो छोटे नहीं है, कितने भी क्यों कोशिश नहीं करें लोग उसको छोटे करने का। तो इसलिए आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, आप सही रास्ता पर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना वो अंदर की जो ताकत है वो सबसे बलवान है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष महोदय नमस्कार, और यहाँ पर कोई गौर जी, नरेंद्र जी किनकी आप बात कर रहे थे? सुमेर गौर कहाँ से लोकेशन? सेवानंद जी, सेवानंद जी। हाँ जी साहब, अभी अभी 3 बज गए हैं, अभी सार को सार का थोड़ा वो कलेक्ट्रेट परिसर में हैं सभी साथियों के साथ, 150 लोग हैं और अपने बाढ़ में कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। हाँ, थोड़ा सा कॉपी व्हाट्सएप में शेयर किया। अभी अध्यक्ष महोदय ज्वाइन होने के लिए आपके 2 बार ट्राई किया था, लेकिन इन्होंने यहाँ से ज्वाइन नहीं किया, उसको नहीं नहीं ओके नहीं ओके किया गया, आपका नेटवर्क इशू रहा होगा। चलिए अपने आपको अनम्यूट करके शॉर्ट में आप अपनी बात रखें, 1 मिनट में, 1 से 2 मिनट में। गौर जी अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय मैं झारखंड से हूँ जी, बोलिए। अनम्यूट कर लें, ओप्पो A31 यही है ना सुमेर जी?
हाँ बोलिए मनोज जी सबको मौका दीजिए। शिवानंद जी मैं तो ये चाहूंगा जो बोलना चाहते हैं ना उनको हाँ, मौका दीजिए। जी सर बिल्कुल हाँ ओप्पो A31 बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। हेलो हाँ जी बोलिए। मैं सुमेर लाल शर्मा सर बाड़मेर से बोलिए। हेलो हाँ बोलिए सुन रहे हैं आप बोलिए आप फिर अपने आप को अनम्यूट कर लिए। हाँ हाँ अब आवाज आ रही बोलिए आप बोलिए सर। आवाज आ रही क्या मेरी? हम सब लोग सुन पा रहे हैं आपको सर। जी सर निवेदन ये है कि मैं बाड़मेर से हूँ और हमारे यहाँ एक साथी है आरटीआई एक्टिविस्ट उसका नाम है अमराराम गोदारा। उसके ऊपर 21 दिसंबर को एक जानलेवा हमला किया गया जिसमें उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, उनके गुप्तांग तोड़ दिए गए, उनके जो पीठ चीर दी गई है, पैरों में सरियों से 6 छेद कर दिए गए, 3 लेफ्ट साइड के पैर में और 3 राइट साइड के पैर में और पूरी हड्डियों का चूरमा बना दिया। ठीक है ना इस तरीके से। उनका नाम क्या है? अमराराम गोदारा निवासी ग्राम पंचायत चिमाड़ियों की डाणी पुलिस थाना गिड़ा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर। आप इसका FIR दर्ज किए हैं? हाँ जी FIR दर्ज किए हैं लेकिन FIR में भी सर एक गड़बड़ी हुई है। बताइए सर। गड़बड़ी ये हुई है कि FIR जो दर्ज की गई है पुलिस ने पर्चा बयान के तौर पर दर्ज की गई है। हालांकि जो बाद में दी है FIR वो उन्होंने शामिल पत्रावली तो की है लेकिन मुलजिम अभी तक केवल 4 मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं और बाकी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और FIR का नंबर है सर 270-270/2021 PS गिड़ा जिला बाड़मेर। ठीक है इतना ही मेरे लिए काफी है। मैं अपना नंबर भी आपको दिया हूँ उस नंबर पे जो है ना ये FIR का कॉपी मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं तो हम लोग से लेवल से जो होगा हम करेंगे। जी सर ठीक है ओके सर। हमने बताया था वही मामला है नरेंद्र जी। जी चलिए आगे बढ़ते हैं जेना जी अब कार्यक्रम को आगे आप बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ा टाइम 15-20 मिनट आपका सबका मैं टाइम लूंगा और अभी सेक्रेटरी जनरल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के आदरणीय बिंबादर प्रधान जी सब लोग को एड्रेस करेंगे। अभी मॉर्निंग सेशन में सर ये पूरा एक 1:45 तक चला। मॉर्निंग सेशन में हमने शुरुआत तो हुआ था कि हमारे बीच में थे मॉर्निंग सेशन में हमारे बीच में जो आदरणीय प्रवीण पटेल जी उसको मॉडरेट कर रहे थे तो माननीय राज्यसभा MP अमीबेन याग्निक जो सीनियर एडवोकेट है उनका एड्रेस था और की नोट एड्रेस लेलिन रघुवंशी जी जो PBSHR के वो दिए थे और ADR के जो को फाउंडर है जगदीप चोकल साहब उन्होंने भी एड्रेस किए थे। राहुल सिंह जी जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर गवर्नमेंट मध्य प्रदेश के वो भी एड्रेस किए थे। जस्टिस श्री राजीव लोचन मल्होत्रा जी जो फॉर्मर जज इलाहाबाद हाईकोर्ट के वो भी मॉर्निंग सेशन में सर एड्रेस किए थे। श्री विपुल मुद्गल जो CEO कॉमन कज के है वो भी मॉर्निंग सेशन में एड्रेस किए थे और लास्ट में आत्मदीप जी जो फॉर्मर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर मध्य प्रदेश थे वो भी मॉर्निंग सेशन में वो उनका बात रखे थे। और वोट ऑफ थैंक्स श्री वेंकट रमन जी ट्रस्टी फोरम फॉर जस्टिस मुंबई उन्होंने दिया था और कुछ जो डिफेंडर जो HRD वो आपने बात भी रखे थे मॉर्निंग सेशन ऐसे हमने 1:45 में उसको क्लोज किया। तो अभी फिर हम सेकंड सेशन में जो टेक्निकल सेशन में हम कुछ डिफेंडर को सुन रहे थे अभी थोड़े देर बाद फिर आप सबका सवाल फिर वो अपना विचार रखेंगे और ऐसे वैलिडेटरी हम 4:30 को करेंगे। अभी सार का एक प्रोग्राम में SG साहब का एक प्रोग्राम में फिर जाना है विज्ञान भवन को जाना है इसीलिए हम आग्रह करेंगे जो आपने थोड़ा एक मिनट अभी जो हमारा ये बहुत ये फॉर्चुनेट है कि आज जो नेशनल कन्वेंशन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर का हो रहा है जिसमें ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स है और RTI एक्टिविस्ट सब एक्टिविस्ट भी है और इसमें बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के जो चीफ फंक्शनर्स भी है सब लोग यहाँ पे जुड़े हैं।
और एक आज एक बड़े मौका है कि सब लोग, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और खुद सेक्रेटरी जनरल, जो आपने सुना होगा कितने पूरा प्यार से और कितने पूरा ओपन माइंडेड से आपके आह्वान कर रहे थे कि जो सवाल है आपका मन में आप पूछो, निडर होके पूछो, और जो उनके तरफ से मदद करना वो होगा वो जरूर करेंगे। तो हमारे लिए और क्या सौभाग्य की बात है कि जब वो खुद अधिकारी आके हमारा पीछे में वो है और वो कह रहे हैं कि हम काम करें, आप किसी को मत डरिए, आप खुद को डरिए, भगवान को डरिए और किसी को मत डरिए, और संविधान पर विश्वास रखिए, रूल ऑफ लॉ पर विश्वास रखिए, और जरूर ना जरूर ये काम ये एक बड़ी पुण्य का काम है। और जो ह्यूमन राइट डिफेंडर हम लोग जो काम करते हैं वो कोई छोटी काम नहीं करते, हमको कोई कोई डेमिगॉड भी बोलते हैं, कोई कोई भी ऐसे दूसरे फ्रीडम फाइटर भी बोलते हैं, इसलिए कि हम बहुत सारा जो लोग को चाहे गरीबी से हो, कुशिक्षा हो, ये बहुत सारा चीजों से उनको मुक्ति दिलाने के लिए काम करते हैं, जस्टिस दिलाने के लिए काम करते हैं। तो हमारा रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बहुत मायने हो जाता है। तो इसीलिए जो आज जो पॉइंट का हमने डिस्कशन जो करना था, हमारा जो रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और जो हमारा जो बहुत सारे हमारा जो डिफेंडर HRD जो चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं, उसका चैलेंजेस क्या है, उनके सामने क्या चैलेंजेस, जो काम करते हैं क्या चैलेंजेस है, और उनके लिए रिड्रेसल मैकेनिज्म है, अगर कुछ ऐसे घटना उन पर होता है तो वो कहाँ जाए, किससे कंप्लेन करे, कैसे रिड्रेस करे। जो सुबह में कहते अरे डिफेंडर जो अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे, ये सवाल हो जाता है। तो हमारा बीच साथ भी है, वो सब हमको मदद दे रहे हैं, वो सवाल रखेंगे। और आज जो नेशनल प्लेटफॉर्म में हम सब इकट्ठा हुए हैं, ये एक नेशनल HRD प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, सब लोग इकट्ठा होंगे, जो शक्ति बन के हम काम करेंगे, भारत माँ की सेवा करेंगे, सब देश के सेवा करेंगे, इसीलिए हम सबको एक होके आके काम करना है। और मैं लास्ट में और एक बार धन्यवाद दूंगा सेक्रेटरी जनरल साहब को, जो उनका बहुत 35 इयर्स के तजुर्बा है, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट में रहे हैं और सीनियर IAS ऑफिसर है, और ये फॉर्चुनेटली उनका NHRC में आना और हमारे लिए एक भी बहुत बड़े वरदान भी है। तो आज वो हमारे सामने बात रखेंगे, और मैं सार को रिक्वेस्ट करूंगा वो 10 मिनट फिर आखिरी उनका स्पीच में 10 मिनट देंगे, और हमारे जो डिफेंडर्स है वो अपना भी पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन करेंगे, ये सवाल आप जो करेंगे पूरा टू द पॉइंट क्वेश्चन करेंगे, जैसे एक दो सवाल हमने लिया तो वो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सर। मैं अभी आदरणीय सेक्रेटरी जनरल NHRC श्री बिंबाधर प्रधान जी से आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, वो अपने बात रखेंगे सर। धन्यवाद मनोज जी, जबकि आप ही में से कोई साथी मेरे लिए दो चार पेज का कुछ बनाया है, बट मैं कोशिश करूंगा, मैं पहले अंग्रेजी में बोल देता हूँ, क्योंकि आप ही में से कोई साथी एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर जो भाई है वो मेरे लिए दो चार पेज का कुछ बना है। मैं बोला मैं कुछ नहीं लिखूंगा, और आप अपने जो दिल की जो बात है आप लिखिए, मैं सबके साथ शेयर करूंगा। अभी इस प्लेटफॉर्म पे करीब हमारे बीच जो है ना 49 भाइयों ने या बहन ने जुड़े हुए हैं, तो जो अंग्रेजी में बना हुआ है मैं तो उसको सिर्फ पढ़ के आपको सुनाऊंगा, बट इसलिए मैं नहीं चाहता था मैं कुछ बोलूं, और बट आप ही में से कोई एक साथी इसको मेरे को बना के दिए, इसलिए मैं चाहता हूँ जो है ना, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, बट फिर भी जो भाई ने बनाया है मेरे लिए वो मतलब जो है ना वो अपने दिल की। तो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय थॉट्स टुडे इन दिस वेबिनार। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अप्रिशिएट्स the important efforts by all human rights defenders being made to protect, promote and advance human rights in India and beyond. As you know, the commission is a statutory public body constituted on 12th October 1993. It was given a statutory authority
by the Protection of Human Rights Act 1993. The National Human Rights Commission is therefore responsible for the protection and promotion of human rights with human rights, that is the rights relating to life, liberty, equality, and dignity of the individual guaranteed by the Constitution or embodied in the international covenants and enforceable by courts in India. National Human Rights Commission is an embodiment of India's concern for the promotion and protection of human rights. Pursuant to the Clause 12, subsection H and subsection I, which relates to National Human Rights Commission's function to spread human rights literacy among various sections of the society and promote awareness of the safeguards available for the protection of these rights through publications, through media, through seminar, through other available means, and to encourage the efforts of civil society, non-governmental organizations, and institutions working in the field of human rights. We are committed to support each one involved in the area of protection and promotion of human rights. In our country, human rights defenders serve and pursue the interests of rights holders, victims of violations, ecological justice, and society as a whole. States have the primary responsibility to ensure human rights defenders are able to carry out their work freely without fear in a safe and enabling environment. Human rights defenders are principal actors in a modern state democratic structure to make authorities accountable to the people for justice and sustainable development. The legal mechanism and protection of defenders is crucial to ensuring that they can live and work in a secure and supportive environment and be free from attacks, reprisals, and unreasonable restrictions. A legal recognition and protection of defenders also contributes to the broader goal of upholding human rights and promoting democracy, good governance, sustainable development, and respect for the rule of law. India has been recognized as promising. India has been recognized as promising a growing economy with successful living experience of the largest democracy in the world. India has an active and vibrant civil society with millions of human rights activists striving to respect, to protect, to promote, and to fulfill the human rights, social and ecological justice rights, and fundamental right freedoms from grassroots to the international level. Social movements in India have reached history of fostering socio-economic, political, and cultural development and playing a major role in promoting, protecting, and strengthening human rights. Human rights defenders are working to hold the governments to account for its decisions and actions and to advocate for policies that advance human rights, protect environment, and challenge exclusion. Our Constitution has guaranteed for the human rights and freedoms, protection of socio-economic and ecological rights, respective governance institutions and actors are accountable to provide an enabling ecosystem to protect and promote rights of everyone. Yet, there are miles to go, and we should all must work together
to ensure that the long-held gaps are fulfilled in future to promote a better environment for our human rights defenders, brothers and sisters, and among those who work with commitment and a passion for advancing rights and justice, and often risking their lives and livelihoods. I will repeat again, those who work with commitment and passion for advancing rights and justice, and often risking their lives and livelihoods. Yes, we admit. I have no hesitation on behalf of the Commission to admit that we do not have a specific policy to serve the mandate of our Constitution and UN declarations comprehensively for the protection of our human rights defenders, brothers and sisters. We all need to think and work together on this direction. And such a demand must come from you. Each one of you must compel the National Human Rights Commission or the State Human Rights Commission to bring out a comprehensive policy or a comprehensive law for your protection, those who are working at the ground level. From you and several others who are working in the area of human rights, this demand must come from each one of you loud and clear. On its part, the Commission has in recent months taken several actions for promoting more protections for vulnerable sections. You must have seen several advisories, approximately 23 during the pandemic time, 13 last year and 10 last year and 13 this year by the Commission. We have issued these advisories to central and state governments in the past couple of months, and you must implement these advisories on the ground level. You must act as our eyes and ears for implementation of these advisories. This is my request to each one of you. Please go through those advisories. Please translate into your local language and please implement those advisories. It will be a greater help for those marginalized sections. This is my sincere request to each one of you. We at the Commission are also thinking of recognizing your contribution, whether in our Foundation Day, that is 12th October, or during the World Human Rights Day, that is the 10th of December. We must have some award at the national level and also at the State Human Rights Commission level to recognize your contribution for this cause of human rights. We are thinking on those lines. I will also request maybe a group of four or five representatives must meet our chairperson and request for two things: a policy for the human rights defenders, two, a national award and the state level award for the human rights defenders who are working at the grassroots level, risking their lives. This will be my request from the Commission side. Please make a representation and make it repeatedly. Meet the chairperson, meet the Secretary General, whoever may be, because the individuals will come and go, but the institution will remain. Please make a policy for our human rights defenders, and we must recognize their contribution by instituting a national award to be given either on the Foundation Day or on the World Human Rights Day, that is 10th of December. With these words, and during May, we had met at the All India level. Again, on 29th July, we had met All India level.
if things are going to improve, I can assure you, we will have a bigger meeting. If Corona gives us that kind of a respite in the plenary hall of Vigyan Bhavan, I can promise you, if things are okay, we will meet physically in Vigyan Bhavan before March 2022. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरा इतना सुंदर से आपने अपना बात को रखा और खासकर हमको इतना भरोसा दिलाया कि हमने जो सोचा नहीं था, जो मांगा नहीं था, आपने हमारी तरफ से मांग दिया कमीशन को। आपने बहुत बहुत धन्यवाद है। दो बात आपने अच्छी तरह कहा कि पॉलिसी फॉर एचआरडी है, ये तो बहुत जरूरी है सर। हमने बहुत बार हमने इस पर भी सेमिनार किया, डिमांड भी दिया, डेमोन्स्ट्रेशन भी किया, सब कुछ किया कि ह्यूमन राइट डिफेंडर के लिए एक एक्ट होना चाहिए, एक पॉलिसी होना चाहिए। अभी तो व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट अभी भी संसद में पारित नहीं हुआ है, तो इस पर भी बहस अभी है, तो आपने भी उस पर भी हमको आगाह किया, बहुत सारा धन्यवाद। दूसरा भी आपने कहा कि एक नेशनल अवार्ड होना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि क्योंकि चैरिटी काम से बहुत सारा अवार्ड मिल जाता है, ये भी दिखते हैं, लेकिन जो सच में जो सिस्टम को करेक्शन करने के लिए और जो गुड गवर्नेंस को ग्रास रूट में पहुंचाने के लिए जो चाहिए, क्योंकि अभी 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये 75 इयर्स बहुत बड़ी बात है। 75 इयर्स में बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन 75 इयर्स में अभी हम देख रहे हैं बहुत सारा अभी भी सुधारने को बाकी है। तो आपने ये हमको आह्वान किया कि ये एचआरडी के लिए एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के तरफ से एक अवार्ड भी एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, जो एक रिकॉग्नाइज्ड एचआरडी को देने से हम लोग जो काम करते हैं, जो ये क्षेत्र में आते हैं, तो हमको भी ये प्रेरणा मिलेगा। क्योंकि आपने भी सही कहा कि हम लाइफ और लाइवलीहुड दोनों को रिस्क में डाल के काम कर रहे हैं, एचआरडी ये दोनों को रिस्क में डाल के कर। अगर थोड़ा अप्रिसिएशन जो जिस पर जो सिस्टम पर हम भरोसा करते हैं, जो इंस्टीट्यूट पर भरोसा करते हैं, अगर वहां से हमको थोड़ा मिल जाए तो ये हमारे लिए और भी बड़ी खुशी की बात होता है। हम हंस हंस के भी वो अपना जान दे सकते हैं। तो ये आपने बहुत आपने अच्छा बात बोले। अभी मैं सार को बहुत तो धन्यवाद देंगे, फॉर्मल तो वोट ऑफ थैंक्स शिवानंद भाई को मैं बोलूंगा, नहीं तो प्रवीण भाई, दोनों में से कोई सार को धन्यवाद दे। और मैं आग्रह करूंगा कि कोई अगर एचआरडी अपना सवाल पॉइंट पर सवाल पूछेंगे जी, तो अफसर गौर जी हाथ जो है ना, प्लीज अफसर भाई प्लीज। सर नमस्कार। हाँ जी अफसर गौर पहले अपनी बात रखें। जी जी हाँ बताइए। जी नमस्कार सर। सर मेरा एक समस्या है, 4-5 साल से चल रहा था एनएच जो होता है ना सर, एनएच से रिलेटेड, उसमें क्या हो रहा था, एनएच पे बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही थी 4-5 साल से, उसको मुद्दे को मैं उठा रहा था संबंधित विभाग से। उसमें 20 लोगों की सर मौतें हो चुकी है जो ऑन रिकॉर्ड पे है, तो उसके संबंध में हमने एनएचआरसी को भी एक लेटर दिया था, जिसपे एनएचआरसी ने एनएचए के जो चेयरमैन साहब है उनको डायरेक्शन जारी किया था कि भाई आप इसको मामले को 8 हफ्तों में देखो और इस पे कार्रवाई करो, बट उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया है, जिसपे मैंने दोबारा फिर वो डाला है कमीशन में। तो सर अभी कल भी मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट में मौत हुआ है मेरे गांव से, मेरे साथ लड़का पढ़ने वाला था, तो सर मैं चाहता हूँ उस पर थोड़ा सा अगर थोड़ा सा संज्ञान ज्यादा ले लिया जाए, क्योंकि ये दिल्ली से हरिद्वार जाने वाला मेन हाईवे है और तीर्थनगरी जो हरिद्वार है उसका मेन हाईवे है, हजारों की संख्या में लोग आते जाते हैं। देखो अफसर भाई ये बात आप सही कर रहे हैं, जो रोड सेफ्टी जो है, हम रोड सेफ्टी तो बनाते हैं, और सपोज हम यमुना एक्सप्रेस वे में हम कहेंगे जो नहीं हम एयरक्राफ्ट भी लैंड कराएंगे, तो कभी कभार क्या होता है ना, जब मान लीजिए मैं ड्राइवर हूँ, मैं आज रात भर भी ड्राइव किया हूँ, और फिर कल सुबह 5 बजे आप कहते हैं जो है ना भाई चलो अब जो है ना दिल्ली चलना है जी। तो मैं भी एक ह्यूमन बींग हूँ, मैं कल रात भर आपका गाड़ी चलाया हूँ और आज भी सुबह 5 बजे जो है ना, कम से कम मेरे को भी तो रेस्ट मिलना चाहिए। जी जी जी। और हम लोग क्या करते हैं, ये जो अभी आजकल जो नए जो प्लास्टिक के जो डब्बा जो निकला है गाड़ी जो है ना,
हम तुरंत जैसे देखते हैं मतलब रास्ता पे कोई नहीं है तो 100 या 80 या 90 उसी स्पीड पे जाते हैं। और मैं तो यही कहूंगा, देखिए जो एक्सीडेंट होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो है ना रोड बना है जो है ना गाड़ी के लिए, बट कभी कभार, अब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, हम लोग भी जब सरकारी पदाधिकारी या हमारे जो ड्राइवर, जब किसी जमाने पे जब लाल बत्ती लगता था तो हमारे ड्राइवर सोचता था ये रास्ता तो मेरा ही है जी। तो आप ऐसे देखे होंगे, हम लोग काफी ऑफिसर लोग और काफी वीवीआईपी को भी दिल्ली के रास्ते पर भी सुबह सुबह 5 बजे लाल बत्ती क्रॉस करके हम जाते हैं। तो फिर अब जो है ना, तो मैं यही कहूंगा, देखिए ये चीज हम लोग ने जरूर जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड और सरफेस ट्रांसपोर्ट जो है उनके साथ जरूर ये इशू को लेंगे। बट सवाल सर पता क्या हुआ है, इसमें हाईवे की अनियमितताएं हो रखी है, जो संबंधित कंपनी है उन्होंने एज पर मंत्रालय के द्वारा बनाए गए जो ड्राइंग है उसके हिसाब से काम नहीं कर रखा है। वो जो पत्राचार से उन्हीं के पत्रांकों से हमें सूचना मिली है उससे साबित होता है। बट क्या कर रहे हैं वो... मैं समझ गया, देखो अभी काफी लोग और क्वेश्चन करने वाले हैं। सुनो भाई, आप मेरे मोबाइल पे आपकी जो रेफरेंस जो है ना, आप मेरे को एक व्हाट्सएप करो, मेरे को सर नंबर चाहिए। अब दोबारा आप लिखो 9810158296 जी, ठीक है। आप मेरे को SMS कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, फिर के बाद क्या बताएं जी सर। 98 थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ 101 जी सर, 298 409 101 जी, 58 298 6 298 6 जस्टिस राजीव लोचन मेहरोत्रा जी वापस जुड़ चुके हैं, उन्होंने हमसे वादा किया था 3 बजे वापस आने के लिए। तो सर स्वागत है, हार्दिक स्वागत है आपका। बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं और मैं भी जानता हूँ बहुत ही अच्छे। शिवानंद सर, मैं एक क्वेश्चन रखना चाह रहा था। मेघराज जी थोड़ा सा जस्टिस साहब हमारे बीच में हैं। सर संक्षिप्त है और सभी के लिए है सर। सर जी मुझे भी जगह दिया सर, जैसे कोई सर एक्सक्यूज मी सर, कोई सर ह्यूमन राइट डिफेंडर है और वो काम कर रहा है, बार बार आगाह कर रहा है शासन प्रशासन को, और अगर उसके विरुद्ध फर्जी मुकदमा बन जाता है और फिर वो कंप्लेन करता है NHRC को, तो NHRC डिस्पोज कर देती है कि ये मामला कोर्ट में चला गया, लेकिन वो बार बार आगाह करने के बाद उसको फर्जी मुकदमा बना करके उसको मतलब प्रोसेस पनिशमेंट उस प्रक्रिया में उलझा दिया जाता है, जिससे कि वो जो मेन मुद्दा है, जो समस्या है गांव की, चाहे प्रदूषण की हो चाहे सैनिटेशन की हो, उन समस्याओं को लेकर के जो करप्शन की हो, उन मुद्दों से भटक करके उनको उन प्रक्रिया में उलझा करके पुलिस स्वयं फर्जी FIR दर्ज करा करके उनको मतलब प्रताड़ित करने लगती है। तो मैं चाहता था कि एज ए ह्यूमन राइट डिफेंडर उनको अगर NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में सचिव साहब हैं, अगर उस पर एक कोई विशेष कर दे और हम लोगों की जो जांच हो, चाहे SSP या चीफ सेक्रेटरी या DGP, उन प्रकरणों को संगीनता से लें, क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पूर्व 6 महीना पहले मैं मांग करता रहा प्रोटेक्शन की, और मैं कहता रहा कि ये व्यक्ति मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करवा सकता है, ये खुद अपनी माँ को काट करके ताऊ को फंसा चुका, एक इसने चोरी की मोटरसाइकिल जला करके दूसरों को आगजनी में फंसाया, और उन्हीं को बाप बेटे को गवाह बना करके फर्जी यानी कि छेड़छाड़ का मुकदमा 354B का दर्ज करा दिया गया, और पुलिस ने एफिडेविट दिए भी कोई सब निग्लेक्ट कर दिया और चार्जशीट में कुछ नहीं जोड़ा, यानी कि प्रोसेस इज पनिशमेंट। तो उसको रोकने के लिए मेरा निवेदन था, सभी ह्यूमन राइट डिफेंडर शायद पूरे देश के, चाहे 29 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी हैं, उनमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन समस्याओं से प्रताड़ित ना हो रहा हो। तो मेरा यही निवेदन था माननीय सचिव साहब से कि हम लोगों को लिए कोई विशेष अगर आपके यहाँ से रिलीफ मिल जाए और हम लोगों की विशेष आवेदनों को संज्ञान लिया जाने लगे, तो हम आपके सदैव और पूरा ह्यूमन राइट डिफेंडर एंड RTI डिफेंडर RTI एक्टिविस्ट बी ऑब्लाइज्ड फॉरएवर एवर। थैंक यू सर। सुनो भाई मेघराज, मैं आपकी बात समझ लिया और मैं चैट बॉक्स में मेरा नंबर भी दिया हूँ। देखो जहां पर फर्जी मुकदमा होता है, आप जानते हो, अब मेरे को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि
मैं जानकारी रखते हुए भी मैं भारी प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ चीज बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं बिहार में करीब 16 साल काम किया हूँ, मैं जमीन हकीकत जानता हूँ, थाना की क्या हालात, और बिहार और यूपी में थाना में कोई अंतर नहीं होगा। मैं थानेदार जब बन जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ जो है ना, मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ कुछ माने नहीं रखता। और मैं बहुत कुछ जो है ना सोचते हुए भी, मतलब मेरे मन में काफी कुछ है, बट मैं अभी ऐसे कुछ पद पर मैं कुछ बोलूं और आप जाके कहीं कुछ इसका जो है ना मतलब इसमें फिर जैसे कहते हैं ना मतलब नुक्ताचीनी करेंगे, तो मैं मेरा जो अनुभव है, मैं जमीन हकीकत देखा हूं, और मैं बोलूं तो फिर जो है ना, जब मान लीजिए हम कलेक्टर बन जाते हैं या एसडीओ बन जाते हैं या हम थाने का बन जाते हैं या कहीं पदाधिकारी बन जाते हैं, हम जब सिनेमा हॉल जाएंगे तो हम चाहते हैं सिनेमा के मालिक हमको मुफ्त में सिनेमा दिखाएं, और हमारे घर के या हमारे थाना के सामने में मान लीजिए कहीं समोसा का दुकान है तो हमारी जब तक वो थाना खुला रहेगा वो मुफ्त में हमको समोसा खिलाए। जमीन हकीकत यही है। अभी हम में भी वो नहीं आया है, भाई मेरे सामने कोई दुकानदार अपना दुकान खुला है, वो भी अपना रोजी रोटी करेगा, बट हम किसी थाना में है या किसी अनुमंडल पे है या किसी जिला में है, ये तो हमारा अधिकार नहीं बनता है जो हम मुफ्त में भी खाते रहे। तो मेरे को बहुत कुछ बोलने के लिए है। तो आप जो बोल रहे हैं, आप जो काम सच्चाई से कर रहे हैं, आप निर्भीक हो करिए, फर्जी मकदमा कितना करेगा। मतलब मैं तो यही कहूंगा, मतलब आप जानते हो ये सिर्फ ऐसे नहीं है, तमिलनाडु में जब आपका जब कोरोना का जब था, तमिलनाडु थाना ने बाप बेटा दोनों बिजनेसमैन को उठाया और इतना मार मारा है तो दोनों का लाइफ वहां पर खत्म हो गए। तो ये नहीं है जो है ना, ये सिर्फ यूपी में है, बिहार में है, उड़ीसा में है या यहाँ पर नहीं। कभी कभार क्या होता है, आप मेरे खिलाफ लिखेंगे जो ये तो चोर है, तो फिर हमारे बर्दाश्त से बाहर होता। हम देखते हैं मेघराज कैसे कह सकता बी प्रधान चोर है, हम देखते हैं मेघराज का कैसे जो है ना कितना ताकत। तो जो लोग कुर्सी पर रखते हैं कभी कभार वो कुर्सी का जो एक नशा होता है ना, उसमें भी अंधे हो जाते हैं। तो मेरे को बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट मैं जो है ना मैं नहीं चाहता हूँ जो है। तो कभी आप मेरे फोन नंबर में दिया हूँ, और क्योंकि अभी मेरे कुर्सी का भी कुछ पाबंदी है, अदरवाइज हम लोग, मैं कभी ये नहीं कहूंगा जो है ना, भले हम पदाधिकारी हो या सिटीजन्स हो, और हम में भी कुछ ऐसे ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है जो रियल इस्टेट एजेंट के पास जाते हैं, चंदा लेते हैं, तो हमारे में भी कहां नियत कहां है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं जो सिर्फ एक तरफ जो है ना, हम जब किसी के तरफ एक अंगूठा दिखाते हैं तो मेरे तरफ भी दो अंगूठा है। तो मैं यही कहूंगा, कभी हमारे मन में ये नहीं रहना चाहिए जो आई एम ओके यू आर नॉट ओके। हमको ये हमेशा ये होनी चाहिए, नहीं मेघराज जी जो बोल रहे हैं उसमें कुछ दम है, मेरे को कार्रवाई करनी चाहिए। रविंद्र जी कुछ बोलेंगे? यस सर, मैं प्रधान सर से एक छोटा सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ। नागालैंड इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, अरुणाचल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर द डिफरेंट स्टेट्स। अभी आपने कहा जो वहां स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है, अभी 12 लोग कुछ दिन पहले ही मारे गए हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती है जब लोगों को इस तरीके से मारा जाए, और ह्यूमन राइट डिफेंडर उस सर्कमस्टेंसेस में काम कैसे करेंगे? द रियलिटी इज नॉट कमिंग आउट, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? थैंक यू सर। मैं बताता हूं आप सर, मैं फिर दिल के खोल के बात करना चाहता हूं, क्योंकि यस सर, वेलकम सर, जनरल के रूप में नहीं बोल रहा हूं। सर देखिए, सच्चाई आप भी जानते हैं, और किसी जमाने में त्रिपुरा की चीफ मिनिस्टर साहब ने, आपको याद होगा पहले जो एक होता है ना सर डिस्टर्ब्ड एरिया, तो पहले वो डिस्टर्ब्ड एरिया की जो है ना उसको पहले हटाए, उसके बाद फिर जो आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट वो भी हट। तो जहां तक सर इसमें कहने के लिए मैं काफी समय भी ले सकता हूं, बट मैं सेक्रेटरी जनरल के रूप में नहीं बोल रहा हूं, मैं एक सिटीजन के नाते बोल रहा हूं। जहां तक नागालैंड और अरुणाचल का स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात है, वहां के जो चीफ मिनिस्टर है वो उनका निर्णय होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जहां तक अभी जो मिस्टेक इन आइडेंटिटी कही है, और जो है ये अभी इसमें एक कमिटी भी बना हुआ है, और वो कमिटी का क्या रिपोर्ट होगा इसमें मैं कुछ कहूंगा नहीं। जहां तक सवाल है कमीशन का है,
हम लोग ने इसका सुओमोटो कॉग्निजेंस लिया है और होम सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग ने नोटिस जारी किया है। बात यह सही है, जहां पर आर्म फोर्स की बात आता है वहां पर आप भी जानते हैं भली भांति, इस वेबिनार पे जितने लोग जुड़े हुए हैं डिफेंस फोर्सेस का जब कुछ आता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी कुछ जो है ना रिजर्वेशन है। सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ बीच में, क्या मुझे बोलने का अवसर मिलेगा सर? जरूर मिलेगा। तो प्रवीण भाई मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, जहां तक नागालैंड अरुणाचल की स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात है, हम अपने चेयरपर्सन को भी आगाह किए हुए, आप चीफ मिनिस्टर को जरूर लिखिए और डेफिनेटली, मतलब मेरे को तो, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मेरे को भरोसा है नागालैंड अरुणाचल में जरूर स्टेट ह्यूमन राइट्स खुलेगा। और जहां तक ये जो 14 आदमी और ये जो अभी जो इंसिडेंट हुआ है, ये दुखद इंसिडेंट, हमारे पास बंदूक है इसका मतलब हमको ये लाइसेंस नहीं मिला है जो हम किसी का भी जान ले ले। और जहां तक इसमें जो भी जांच की इंक्वायरी या कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठा है, हम उनके रिपोर्ट का इंतजार करें। और एनएचआर से भी इसका सुओमोटो लिया है और ऐसे नहीं है जो है ना कमीशन इस पे कार्रवाई नहीं किया। उसी दिन सुबह 11 बजे कमीशन ने होम मिनिस्ट्री में जो हमारी होम सेक्रेटरी जो अजय वाला साहब है उनको नोटिस जारी किया हुआ। ये सर सुरमे जी आप कुछ बोलेंगे? सर जस्ट अ मिनट, व्हाई आर डिस्टर्बिंग मिस सुरमिति लता? सर शिवानंद जी आप थोड़ा देखिए सर हमारे ऊपर सर। नहीं नहीं शिवानंद जी नहीं सुरमि लता, एनीवे सर। हां ओके अब प्रधान सर मैं इसकी सप्लीमेंट्री में बात कर रहा हूं। जब सवाल ये आता है, असम की बात कर रहा हूँ, असम में तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है और आपको शायद पता भी होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी पिटीशन फाइल है, वन असम राइफल मैन जो सोल्जर इसने एनकाउंटर किलिंग्स किए हैं इन हंड्रेड्स, एक दो नहीं, और बबलू इज द एडवोकेट जो इसको क्लोज डोर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर बंद कमरे में सुनवाई हुई है, डिटेल एफिडेविट फाइल किए, उसने कहा है कि ऑफिसर्स के नाम के साथ किसने किसने किसको मारना है, इस प्रकार का जो पूरा, दैट इज एन एंटायर थिंग, यू कैन गेट द रिकॉर्ड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो दिस इज अलाउड, और जो ये एक दिन का नहीं है, करीब 2 साल ये नाटक चला है। मैं मेरा एक कश्मीर का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, श्रीनगर का। मैं राजौरी से मुगल रोड होके श्रीनगर आ रहा था, रास्ते में बिफोर सुप्रीम श्रीनगर 20 किलोमीटर पहले पुलिस की चेकिंग थी, पुलिस मतलब बीएसएफ सीआरपीएफ सब थे। जो ट्रैवल टैक्सी वहां ज्यादातर इनोवा चलती है, तो उसके अंदर एक लड़के को जो उतारा, उसके पास हैंडबैग था छोटा सा जिसको पिट्ठू बैग बोलते हैं, उसमें कुछ कपड़े उसके थे, तो उसको खोल के दिखाया, इसको दिखाओ, तो वो दिखा रहा है। तब तक तो वो पुलिस वाले ने, पुलिस मतलब जो सीआरपीएफ, उसके कपड़े उठा के सड़क पे फेंक दिए। वो लड़के ने उतना ही कहा कि मेरे कपड़े क्यों फेंक रहे हैं, खराब हो जाएगा, मैं नई नई नौकरी मेरी लगी है तो मैं क्या करूं। तो उसको पकड़ के बाहर खींचा, बोला कि तुम बहुत आवाज करते हो और जरूरत से ज्यादा बात करते हो। फिर उसके बाद गाड़ी को बंद कर दिया दरवाजा और बोला चाहिए। मैं तुरंत उतर गया, फ्रंट सीट में बैठा हुआ था, मेरी वाइफ भी साथ में थी। मैंने उसको कहा, ये लड़के का दोस्त क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, आप इसको क्यों डिटेन कर रहे हो? तो बोलते आप अपना काम करिए। मैंने कहा मैं मेरा ही काम कर रहा हूँ, आई एम ह्यूमन राइट डिफेंडर, और मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट का कार्ड भी उसको दिखाया। उसके बाद में वो बोलते हैं कि ठीक है आप जाइए, ऐसे घटना तो यहाँ होती रहती है, वी विल इंक्वायर इनटू दिस मैटर, ये लड़का क्या कर रहा है, क्यों जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ये हमारा प्रेरोगेटिव है। हम कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपका भी साथ में नाम नंबर सब कुछ नोट कर रहा हूँ, मैं आपके खिलाफ अभी कंप्लेन फाइल करूंगा, मैं श्रीनगर पहुंचू उसके पहले आपकी कंप्लेन फाइल हो जाएगी। वो लड़के को उन्होंने छोड़ दिया, यदि हम साथ में नहीं होते वो लड़का को भी उठा के ले जाते, पता नहीं उसका क्या होता। दिस इज द रियलिटी। ये केस एनएचआरसी में कैसे आएगा? सवाल आता है कि लोगों में डर है। एक लास्ट एक बात करके बंद कर रहा हूँ, वहां पे मैंने जो एक पत्रकार मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे, उनको पूछा कि भाई आपने आवाज क्यों नहीं उठाया, हम लोग 4 आदमी यहाँ है, एटलीस्ट यू शुड हैव रेज द वॉइस, आप पत्रकार हैं। तो बोले यहाँ पब्लिक सेफ्टी एक्ट चल रहा है, एनीबडी कुछ भी उसमें बोले तो उसको पकड़ के अंदर कर देंगे, 2 साल तक सुनवाई नहीं। सच एंटी ह्यूमन एक्ट्स आर इन प्रैक्टिस इन कश्मीर,
आज भी चालू है। और फिर हम बोलेंगे कि लोग दूर क्यों हो रहे हैं, एलिनिएशन ऑफ द पीपल, एक तरफ सरकार है दूसरी तरफ लोग है, बीच में बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई है। तो दिस वॉल वी हैव क्रिएटेड, एनएचआरसी हैज डेफिनेटली अ रोल टू प्ले, दिस इज व्हाट आई बिलीव सर। थैंक यू सर। नहीं प्रवीण भाई, आई थिंक इसमें आने के लिए मेरे को आपसे वन टू वन मिलना होगा। आई एम रेडी सर। हाँ तो कभी आप दिल्ली आइए, और जो है ना मेरे को, क्योंकि आपने मेरे को बांध के रखा है एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पर अदरवाइज मेरे को बोलने के लिए कहा। देखिए अब मैं सिर्फ एक ही लाइन पे इसका जो है ना, मेरे मन की जो बात जो है ना, देखिए किसी जमाने में शायद किसी चीफ मिनिस्टर को पूछा गया था, ये आप बस्तर पे या नक्सल एरिया में जो है ना, आप आर्मी को क्यों नहीं लगा रहे, आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को क्यों लगा रहे। देखिए हमारी जो आर्मी जो है, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी जो ग्रूमिंग है, वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए, उनकी ग्रूमिंग कभी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए नहीं। तो मैं तो आपसे यही इतना ही आग्रह करूंगा, मान लीजिए मेरे हिंदुस्तान, आप भी उतना ही पैट्रियोटिक है, हम भी उतना ही पैट्रियोटिक है। हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के आवाम या ये जो सरकार कभी नहीं चाहेगा जे मेरा आर्मी मेरे आम आदमी के खिलाफ जो है ना बंदूक लेके खड़ा हो जाए। मेरा सिर्फ आपसे यही आग्रह है, मेरा जो आर्मी है या मेरा जो फौज जो है, वो तो कारगिल के चोटी पर जो है ना देश की सुरक्षा के लिए बना हुआ। अभी भी आप रात को चैन से शांति से सो रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी माँ और किसी बाप के बेटे के जो है ना, जो हिमालय की चोटी पर जो है ना आपकी और हमारी सुरक्षा कर रहा है। मैं इतना ही सिर्फ आपको कहूंगा, कभी मेरा जो आर्मी या फौजी जो है ना, वो हमारे सिटीजन के खिलाफ नहीं है, आपके खिलाफ नहीं है, हमारे खिलाफ नहीं है, बट हमारी जो ऐसे हम लोग ने ऐसे कर चुके हैं, हम आर्मी को कहेंगे जो आप मेरे सिटीजन के खिलाफ जो है ना बंदूक उठाइए, तो ये क्यों हो रहा है? और इसका जवाब आपके पास भी है। मैं कभी नहीं कहूंगा जो है ना हमारी जो है ना आर्मी जाके बस्तर के या कोरापुट मालकानगिरी में या मोटू जैसे जो ट्राई जंक्शन जो है, मतलब झारखंड ओडिशा और आंध्रा तेलंगाना का जो ट्राई जंक्शन है, वहां पर हम कभी नहीं चाहेंगे जो आर्मी वहां पर देखभाल करे। मान लीजिए आप देखे होंगे, मान लीजिए आपके बेटा कभी सीआरपीएफ में बीएसएफ में, आपका बेटा का जब डेड बॉडी जब आपके घर में आता है, आपके बाप के नाते आपको क्या गुजर रहा होगा? और 35 साल में कोई सीआरपीएफ बीएसएफ ज्वाइन करता है, थोड़ी वो जो बुजुर्ग जो बाबूजी और माँ जी है, क्या वो डेड बॉडी देखने के लिए जो है ना तिरंगा के साथ? मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा, हमारी जो फौजी है या हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनका बनावटी कुछ अलग है, और वो कभी नहीं चाहेंगे जो है ना वो आपको मारने के लिए उतार हो जाए या मेरे को मारने के लिए उतार हो जाए। मैं तो आपसे यही कहूंगा, कभी आप अकेले से मेरे से मिलिए, इसमें हम लोग बहुत देर तक चर्चा भी कर सकते। यस सर। मैं आपने जो बात कहा आर्मी की, सॉरी ये नक्सल एरिया की, मैंने छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा तीनों स्टेट में काम किया है, नक्सल एरियाज में भी काम किया है, और मनोज भाई बहुत अच्छे से सब चीज जानते भी है। लोगों की जो प्रॉमिस किया जाता है वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं किए जाते। दो चीज कहूंगा मैं, थोड़ा सा आउट ऑफ टाइम है मगर ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ये 47 पेज रिपोर्ट, नक्सल एरिया के अंदर शांति क्यों नहीं है, उसके ऊपर बात हुई। आई विल शेयर दैट डॉक्यूमेंट विद यू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ, यस सर, सर मैं आपके पालामू डाल्टनगंज में भी खुद गया हूँ, मैं आपके मोटू एरिया में जो है ना, मैं किसी सिपाही को साथ में लेके नहीं गया हूँ सर। जो मैं आप जो है ना, मैं क्योंकि सर कहने के लिए बात काफी है और काफी लोग जो है ना, करीब 50 लोग जुड़े हुए हैं इस वेबिनार पे। yes, सर जो जंगल की बात करें, जल की बात करें, जमीन की बात करें, फॉरेस्ट कर्मचारी की बात करें, जो पटवारी है उसकी बात करें, या जो तेंदुपत्ता के जो ठेकेदार है, हम लोग सर एक लेवल पे एक्सप्लोइटेशन के लिए बैठे हुए, हम तो हर लेवल पे एक्सप्लोइटेशन करने के लिए बैठे। हम जल का भी जो है ना एक्सप्लोइट कर रहे हैं, हम जंगल का भी एक्सप्लोइट कर रहे हैं, हम जमीन का भी एक्सप्लोइट कर रहे हैं। जो आदिवासी जिस जंगल पे जिस जमीन पे कितने जेनरेशन से वहां पर वो जंगल जमीन और जो है ना उस पे जो रह रहा था, हम आज क्या कर रहे हैं? हम वहां पर माइंस एस्टेब्लिश कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट ला रहे हैं, हम उसको बेघर कर रहे हैं।
हम उसको कह रहे हैं आप कलकत्ता जाके अपना रिक्शा चलाइए, इसमें कौन जिम्मेवार है सर? सर हमने कैन डिस्कस अदर डे बट लेट मी सर जो नक्सलवादी सर आज हो रहा है अब इसको कौन क्रिएट कर रहा है? और उसमें सर अब आइडियोलॉजी नहीं रहा, उसमें आज भी हम कोयला के जो खदान में जाके हम रंगदारी कर रहे हैं, हम ठेकेदार से रंगदारी कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है तो हम वहां पर जो है ना डंपर को जला रहे हैं। तो सर बोथ हुए, इसलिए जो है ना ये कहना है जो सिर्फ इसी साइड पे लोग बंदूक लेके बैठ गए उस साइड में सब लोग ठीक, हम ये ठीक ठीक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ सर, आइडियोलॉजी का भी ताजिया उड़ाया। आई नो सर एंड आई हैव वर्क फॉर अबाउट 20 इयर्स इन ट्राइबल एरियाज, 20 साल का मेरा अनुभव है, आई गॉट हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज। सर आदिवासी आज ऐसे एक तरफ डेविल है दूसरे तरफ डीप सी, वो बीच में एक तरफ स्ट्रेट एक्टर्स है दूसरे तरफ नॉन स्ट्रेट एक्टर्स है, वो दोनों के बीच में वो जो खाई है उसमें कभी सर आदिवासी मेरा गरीब कभी दिल्ली में एक विज्ञान भवन में प्रोग्राम आयोजन कीजिए ऑन दिस सब्जेक्ट, वी विल टेल एवरीथिंग वेरी ओपनली। नहीं नहीं सर आप पहले मेरे साथ आइए, सेक्रेटरी जनरल के रूप में बात नहीं करूंगा अभी मैं बंद करता हूँ सर, और भी लोग हैं। एक लड़की कुछ बताएंगे सुरमी लता बहन। हाँ जी धन्यवाद सर, हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर मेरे साथ है जो कि पुलिस द्वारा भी अत्याचार हो रहा है सर, हमारी कार्यवाही कोई नहीं कर रहा सर, हम इसके लिए आवेदन भी डाल चुके इसके बावजूद भी कोई नहीं सुनता सर। मेरे पिताजी के जमीन को किसी और के नाम से करवा दिया गया और उस पर ये लोग कब्जा जबरदस्ती कर रहे हैं और हमारे साथ मारपीट होती है। सुनो मैं नंबर भी दिया हूँ चैट बॉक्स में भी दिया हूँ, अभी आपकी जो व्यक्तिगत जो भी है ना आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करो, क्योंकि अभी जो जनरल जो बातें हैं हम लोग यहाँ पर करें तो हो सकता है दूसरे को जो है ना, आपकी जो समस्या है आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर लो, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जी सर आज भी हमारे साथ यही हो रहा सर, इसीलिए हम बोल रहे थे सर। नहीं सुनो देखो मैं तो यही कहूंगा, मैं इसमें चैट बॉक्स में मेरा नंबर दिया हूँ, मैं दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ, आपकी जो जो आपका एप्लीकेशन है ना उसको आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करो। सर सर पुलिस वाले सर ऐसा कर रहे हैं सर। ठीक है तो सान ने बताया नहीं, ना नहीं सर ने बताया है आपको, आप उसी नंबर पर अपना आप लिखो पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे तो हम उनको समन्स जारी करेंगे। जी सर नेशनल कमीशन पे बुलाएंगे उनको। जी सर ठीक है कार्यक्रम में जैन जी कुछ बोलेंगे। जैन जी बोलिए जैन जी बोलिए, आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट हाँ जी हाँ अभी सुन रहा है। अच्छा अच्छा एक्चुअली मैं स्पेशली यहाँ पे माइनर रेप होता है उसके बारे में एनएचएस में केस करता हूँ। जैसे उड़ीसा में कुछ हुआ मेरे को सपोज यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे जस्टिस बच्ची को नहीं मिलेगा तो मैं एनएचएस में कर देता हूँ, बट आई फाइंड जो ज्यादातर केसेस जो है इमीडिएटली इट कम्स टू द आइदर टू ओडिशा ह्यूमैनिटी कमीशन को आ जाता है या तो 8 हफ्ता के अंदर उसको सॉल्व करके मेरे को उसको इंटीमेट देने के लिए आ जाता है। इसमें कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये जो छोटा बच्चों का रेप होता है ये गरीब बच्चों का रेप होता है उसके बारे में हम इसीलिए केस करते हैं कि ताकि जो है मुजरिम पकड़ा जाए प्लस इनको मुआवजा जो है 4-7 लाख रुपया 5-10 लाख रुपया जो है उनको जितना जल्दी हो सके मिले। लेकिन जब ये आ जाता है उड़ीसा ह्यूमैनिटी कमीशन में या तो डायरेक्ट आ जाता है चीफ सेक्रेटरी भाई इसके सॉल्व करके इसको इसका इंटीमेट कर दो जो मतलब जो कंप्लेंट दिया है उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा जो भी जो केसेस स्पेशली रिगार्डिंग द एट्रोसिटी पुलिस एट्रोसिटी एंड माइनर रेप केस इसके बारे में हम जब एनएचएस में केस करते हैं हम चाहते हैं एनएचएस ही कुछ हमें उसको रिलीफ दे। तो ये केस को कभी भी हम इतना गुजारिश कर रहे हैं ये सब केस को कभी भी स्टेट ह्यूमैनिटी कमीशन में ट्रांसफर न करके इमीडिएटली इसके ऊपर समन जारी किया जाए चीफ सेक्रेटरी को रिगार्डिंग द कंपनसेशन एज वेल द पुलिस एक्शन, यही मैं चाहता हूं। इसको जयंत जी सुनिए आप इसका एक लिस्ट बनाइए क्योंकि ये नहीं है जो है ना एट द एंड ऑफ द डे लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम इज ए स्टेट सब्जेक्ट। और आप भी भली भांति जानते हैं मान लीजिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास
करीब 700 या 800 का केस में आता है तो हम हर चीज देख नहीं पाएंगे सर। हमारे इन्वेस्टिगेशन डिवीजन पे टोटल 36 लोग हैं और मेरे लॉ डिवीजन पे तो सर आप ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ जो हम इससे भाग रहे हैं। आप सर इसका लिस्ट बनाइए और भले हम स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को भेजे होंगे और काफी दिनों से वहां पर लंबित है, उस पर जरूर हम लोग ने इंटरवीन करेंगे और कार्रवाई करेंगे। दिस इज ए मैं किस लिए बोल रहा हूँ, दूसरे केस की बात अलग है लेकिन नहीं, नहीं, माइनर सर, सर जस्ट इन वन लाइन वी विल एक्ट सर। आप मेरे नंबर पे काइंडली उस लिस्ट का पूरा जो है ना आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, वी विल एक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, 100% वी विल एक्ट। थैंक यू एनी, थैंक यू मनोज। और कोई सवाल पूछेंगे? मैं झारखंड से दिनेश लाल बोल रहा हूँ। दिनेश जी बोलिए। बोल रहे थे सर, मैं RTI कर करता हूँ और देवघर जिला मेरा घर हुआ। हम लोग दिनेश लोग की संख्या में हम लोग सब एक साथ काम करते हैं, भ्रष्टाचार पर हम लोग आवाज उठाते हैं। एक हमारे जिले के अंतर्गत एक पंचायत है, ग्राम पंचायत 12, उसमें रजिस्टर पर ही खानापूर्ति कर सरकारी राशि का गबन किया गया, जिसकी आवाज प्रमोद कुमार वर्मा और इंद्रदेव यादव ने उठाया और सूचना अधिकार के तहत उन्हें सूचना मांगा। सूचना उन्हें प्राप्त नहीं हुआ तो अनुमंडल पदाधिकारी देवघर दिनेश लाल यादव, जो बहुत मनबढ़ू किस्म के आदमी है, मनमानी जिले में कर रहे हैं, जिले में पूरे जिले की जनता उनसे त्रस्त, तो प्रथम अपील अनुमंडल दिनेश जी। जी सर, सर नहीं नहीं दिनेश जी, मैं आपकी बात समझ गया। जी जी, आपके जो मुख्य सचिव है वो हमारे मित्र है और हमारे बैचमेट भी है सुखदेव सिंह जी। जी जी जी, आप मेरे नंबर पे अभी ये जो भी अनुमंडल पदाधिकारी के बारे में बता रहे हैं आप मेरे को तुरंत भेज सकते हैं इस व्हाट्सएप में? हाँ हाँ भेज सकते हैं। या नहीं तो मैं आपको जो है ना आप मेरा रेफरेंस लीजिए, आप चीफ सेक्रेटरी से बात कर सकते हैं तो करिए और वो जरूर, मेरे को पूरी भरोसा है वो उस पर कार्रवाई करेंगे। आपके पास है आपके मुख्य सचिव का नंबर? नहीं सर नहीं है। दिनेश जी नहीं है तो आप लिखेंगे? जी जी ना, आपको डर लगता है? नहीं सर, बात करेंगे। हाँ तो आप मेरे तरफ से जो है ना मेरा रेफरेंस लीजिएगा, जो आपके कोई दोस्त है दिल्ली से आज जो है ना वो अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे, आप अपने मुख्य सचिव का नंबर लिखिए और आपके अनुमंडल पदाधिकारी के बारे में उनको बताइए और उनको लिखित भी दीजिए। 9494 लिखिए आप दिनेश जी। हाँ लिख रहे हैं सर। 311 हाँ 311 जीरो जीरो 44 44 55 55 55 ठीक है। और आपको डर लगता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए, मैं उस पर जो है ना वो SDO के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। श्रीमान जब सुना जाए आप जो अनुमंडल पदाधिकारी है उनका नाम भी दिनेश यादव है, आपका नाम भी दिनेश है और दोनों दिनेश के बीच में जो लड़ाई है अब आप बीच में कहीं मत रहिए, हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बट जो शिकायत है आप हमको भेजिए व्हाट्सएप में। मनोज जी कार्यक्रम में आगे बढ़ा जाए और हमारे बीच में जस्टिस माननीय राजीव लोचन मेहरोत्रा जी हैं, काफी समय से जुड़े हैं तो उनको हम लोगों ने विशेष तौर पे आमंत्रित भी किया था इस सेशन में, तो सुना जाए सर अपना कुछ बात इस विषय पर रखेंगे। इस समय तो हम सुनने के लिए बैठे हैं साहब, प्रधान जी को सुन रहे हैं और जैसा कि डिस्कशन हम सुन पा रहे हैं आप लोग शायद चेंज ऑफ सब्जेक्ट किए देते हैं, इसमें विषयांतर हो रहा है। जैसा अभी प्रधान जी ने बताया, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट दी, सेपरेशन ऑफ पावर है, कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, तो आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हर मामले में हर स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा विद देयर लिमिटेड रिसोर्सेज। इसके अलावा जो अभी चर्चा हो रही थी, अभी प्रधान साहब ने कहा नहीं हम कार्रवाई करेंगे, कौन दिनेश यादव जी हैं, जो एक्चुअली पहले उनको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि वेदर ही हैज कमिटेड एनी रॉन्ग और नॉट,
क्योंकि बिना इन्वेस्टिगेशन के भाई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी दे आर एक्टिंग लाइक जजेस, और वो बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। एग्जैक्टली यही जैसे माइनर रेप्स में है, माइनर बच्चों के रेप्स में है, उनके खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंसेस के विषय में है। इससे ज्यादा मेरी नज़र में इससे ज्यादा कोई घृणित अपराध नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारी व्यवस्था है, जुडिशियल सिस्टम है, क्या बिना हम एक्यूज को राइट टू हियरिंग दिए हुए क्या उसको कन्विक्ट कर सकते हैं? भाई आप शिकायत कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। देखिए बहुत से प्रोविजंस दिए हुए हैं सीआरपीसी में। आपने पुलिस में जाके माइनर रेप की बात की, रिपोर्ट लिखाई, नहीं लिखा गया, देन यू कैन मूव एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी आल्सो बिफोर अ कंसर्न मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट उसको इंक्वायर कर लेगा, मजिस्ट्रेट रिपोर्ट लिखने के लिए कह देगा उससे, वो ऑर्डर रिवाइजेबल है। तो बहुत से चैनल्स बने हुए हैं। देखिए इसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तो प्रकाश में अभी नहीं आ रहा है, ये इंडिविजुअल केस है माइनर रेप का, ये एक जनरल पॉलिसी मैटर है। अगर हम लोग छोटे छोटे ऐसे मैटर्स में सिंगल एक एक्यूज के मामले में, एक रेप के मामले में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को टैक्स करने लगेंगे, तब तो वो बड़े काम कर ही नहीं पाएगा। देखिए बंगाल में उन्होंने भेजा, गवर्नमेंट ने गए, जहाँ पे मासेस में ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है वहां तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जाएगा, जाके उसको मॉनिटर करेगा। अदरवाइज ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन देखेंगे, स्टेट में आप शिकायत कीजिए, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन काम करेगा। और जहां पे जैसे आपने बताया कि माली नागालैंड में या मिजोरम में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है, वहाँ हाईकोर्ट एक्ट कर रहा है, वरना फिर वहाँ के मैटर्स में अगर कोई बड़ी घटना होती है तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तो इमिडिएटली एक्शन ले ही रहे हैं। लेकिन उनकी आप उनको इतना ओवरलोडेड ना कर दीजिए कि वो अपना वास्तविक काम छोड़ के इंडिविजुअल वर्क करते फिरें। मतलब आई एम सॉरी टू से, अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो तो हम माफी चाहेंगे। और बाकी नहीं, नहीं, सर। जी और प्रधान जी बताएंगे सर। नहीं नहीं सर, जो है ना, थैंक यू सो मच। क्योंकि सर कभी कभार होता है ना, जो लोगों का गृहांश स्तर है और जब आदमी सर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है तो फिर जैसे होता है ना सर, आप भी मौके पर मिल गए तो आपको भी सुनाएंगे, संसद महोदय भी मिल गए उनको भी सुनाएंगे। क्योंकि कभी कभार सर क्या होता है ना, अब सर 1980 में आम आदमी का गृहांश का जो था, अभी 2021 दिसंबर महीना में, पहले मान लीजिए एक साइकियाट्रिस्ट होता था इतने लोगों के लिए, आज सर मान लीजिए 1,00,000 लोगों के लिए एक साइकियाट्रिस्ट है। तो जैसे सर हम लोगों का वो हिंदी में कहावत है ना, 1 अनार और 100 बीमार। बिकॉज सर क्वांटिटी इतना हो चुका है तो कहीं ना कहीं लोगों की फ्रस्ट्रेशन जो है सर, आप अभी कहीं पर भी जाइए, भले आप राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जाइए या सफदरजंग हॉस्पिटल जाइए, आप किसी का रेफरेंस लेके भी जाते हैं तब भी सर आपको वहां पर मतलब इतनी सर बेचैनी हुआ है, हम कहां आ गए। क्योंकि सर किसी जमाने में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट था, आज भी वही है, आबादी उतने बढ़ रहा है, बट फिर भी सर अभी भी मेरा तो जो है ना, आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। नहीं एग्जैक्टली बिल्कुल होना चाहिए सब, बिल्कुल। क्योंकि सर देखिए हिंदुस्तान पे अभी भी हम लोग 130 करोड़ आबादी को वैक्सीनेशन कराए, और सर ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्रेडिबल है। सर आप देखिए हमारे साइंटिस्ट ने सर, आप अभी जाते हैं वैक्सीनेशन लेने के लिए 30 सेकंड पे आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है। जी जी बिल्कुल। तो कभी कभार सर हिंदुस्तान पे जो भी काम हुआ है उसको भी हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल। अभी हमने फर्स्ट सेशन में लोगों से यही कहा था कि आप वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, कि अगले 10-12 साल 15 साल में आप बहुत ड्रेस्टिक चेंजेस देखेंगे। और जैसा कि अभी जैसा और लोगों ने अपनी अपनी कंप्लेंट सुलझ कराई है, ठीक है, एक्चुअली जैसे वो कश्मीर वाला अभी पटेल साहब हमारे कह रहे थे कि वो सीआरपीएफ वाले ने बीएसएफ वालों का ईगो, हर आदमी के अंदर ये सच है कि ईगो हमारे अंदर भी हो सकती है, आपके अंदर हो सकती है, हमने कब किसकी ईगो को हल कर दिया। कभी कभी होता है कि आप जाइए, आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जाइए, आप बात कीजिए कायदे से, आपको हो सकता है एक प्याला चाय भी पिलाए। कभी कभी आपने जाके उसके पेरेंट को हिट कर दिया, उसकी ईगो को हिट कर दिया, तो हो सकता है चपरासी से कहते बाहर निकाल दो इनको, हम नहीं मिलते इनसे। तो एग्जैक्टली ये भी है कि ईगो अगर किसी की हर्ट हो गई है, और ये ह्यूमन वीकनेस है, इसमें कोई आदमी पहले से कोई प्रिकॉशन ले नहीं सकता है,
सर क्या है ना, मैं तो जितना समझता हूँ सर, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ सर, हम लोग क्या होता है ना, आज ए ह्यूमन बीइंग सर, हम लोगों का एक स्केल होता है 0 to 100। हम कभी तो सर 100 पे जब रहते हैं वी आर डिवाइन, और जब 0 पे रहते हैं सर वी आर एनिमल्स। और हम जब सर चौक चौरा पे रहते हैं, हमारे हाथ में डंडा है, तो सर हम रिक्शा वाला से लेके फल वाला सब्जी वाला सब पर वो डंडा चलाते हैं। जबकि सर वो फल वाला सब्जी वाला अपना 2 फल बेचेगा तो वो अपना रोजी रोटी कर रहे हैं। बट कभी कभार सर आप सुबह से शाम तक, मेरे को एसपी साहब ने ड्यूटी लगाए चौक पे, तो वो दंडा सर जो है ना उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है। वो ये नहीं है जो मेरे फल वाले सब्जी वाले पर, या जो पकौड़ा बेच रही है या जो मच्छी बेच रहा है उस पर जो है ना। तो सर मेरा ये कहने का तात्पर्य, क्योंकि सर हम लोग ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स। और ये कहते हैं हर आदमी का कुछ ना कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और प्रधान साहब ये कहा जाता है कि हर आदमी के अंदर एक चाइल्ड होता है, उसके अंदर एक एडल्ट होता है और एक उसका पेरेंट होता है। करेक्ट। तो आपने क्या हिट कर दिया उस समय? अगर उसके पेरेंट को हिट कर दिया आपने है, तो समझिए फिर वो बिल्कुल जीरो बा चुका है वो। और तो एक बहुत पुरानी, हालांकि रिलेवेंट यहाँ पे बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन में रिलेवेंट है, ये कहा जाता है कि कौन सी बात कब कहाँ और कैसे कही जाती है। सही बात है। कौन सी बात कब कहाँ और कैसे कही जाती है, इस बात का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बहुत बढ़िया। तो एग्जैक्टली हमें लगता है कि कभी आप, अब आप पुलिस की सिपाही से रास्ते में उलझ जाइए, ना बताइए कि आप आईएएस हैं, सीनियर आईएएस हैं, हम उलझ जाए किसी से बिना बताए हुए कि साहब हम जज हैं, तो फिर आप देखिए वो उसी टोन में बात करेगा जीरो वाले लेवल पे आके। वो जीरो लेवल पे आके पहले दूर से कह देगा, मिलने से मना कर देगा, और दूर से डंडा फटकार के वो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर देगा। चलिए मनोज जी, मेरे को अब जो है ना 4:10 हो चुका है, तो और कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो मेरे को फिर विज्ञान भवन लौटना है। आज गुड गवर्नेंस डे जो है ना, सब लोगों को जानकारी होगा, तो जी सर मैं माफी चाहूंगा, नहीं तो और कोई क्वेश्चन है, मैं नंबर अपना में शेयर कर चुका हूँ। और मैं तो यही कहूंगा, बेहिचक भले हम आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है उसका फुलफिल नहीं कर पाए, बट मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आप जरूर मेरे को व्हाट्सएप भेजिए, एसएमएस भेजिए, और मैं हो सकता है 11 to 4:30 आपकी कॉल की रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊं, बट मैं जरूर कोशिश करूंगा आपको 8 बजे 8:30 बजे कोई इतराज नहीं हो तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। सो कभी कोई सीरियस नेचर के केसेस हो तो मेरे मोबाइल नंबर आपके पास है, आप कभी भी मेरे को एसएमएस व्हाट्सएप भेज सकते हैं और मैं आपको जरूर रेस्पॉन्ड बैक करूंगा। थैंक यू सर, मैं अभी जो एचआरडी का कुछ पॉइंट होगा तो हम बाद में सार के साथ शेयर करेंगे, फिलहाल अभी हम सार को विदाई देंगे। मैं वेंकट रमन जी को रिक्वेस्ट करूंगा, फॉर्मल सार को वोट ऑफ थैंक्स दीजिए। नहीं मनोज जी, आपका ये जो दिन भर का जो भी सब लोग ने काफी अच्छे पॉइंट्स रखे होंगे जी जी, उसको आप एक जो है ना रिपोर्ट के तौर पर बनाइए सर, और इसको काफी जो है ना काफी आइडियाज आया हुआ है, और भले किसी का जैसे वो मी करके जो है किसी का इंडिविजुअल भी केसेस है, उसका इंडिविजुअल केसेस को एक अलग कंपाइल करिए, और जो जनरल नेचर की जो ग्रीवांसेस उसको कंपाइल करिए, क्योंकि आप ये जो वेबिनार कर रहे हैं इसका कुछ जो है ना इसका फॉलो अप एक्शन भी होनी चाहिए। ठीक ठीक है। और सिर्फ साल में एक बार नहीं करिए, मैं तो आपसे यही आगाह करूंगा, हर 6 महीना में आप जरूर मिलिए, स्टेट लेवल पे मिलिए, नेशनल लेवल पे मिलिए, और एनएचआरसी को भी कंपेल करिए, जो एनएचआरसी भी आप लोगों के साथ हर 6 महीना 3 महीना में जरूर इंटरेक्ट करे। श्योर सर जी। वेंकट रमन जी, बिंबादर जी, आई डू नॉट नो हाउ टू थैंक यू, यू आर सो हम्बल, योर ह्यूमिलिटी हैज फ्लोड मी। आप इतने सिंपल भाषा में सबको समझा रहे थे और हर एक प्रॉब्लम को आप डीपली समझ के आप रिप्लाई भी देते थे। आई विश ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस आर ऑल लाइक यू, दैट इज माय ओनली प्रेयर। एंड यू आर इजीली अप्रोचेबल, एंड द वे यू पार्टिसिपेटेड, द वे यू टॉक, द वे यू आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, इट इज अमेजिंग। एंड लुकिंग एट यू, my hope, my this thing, like
I think the human rights situation will definitely improve with people like you around in the human rights organization. And I also wish to thank Rajiv Lochan Mehrotra for also contributing in this session. And I really, on behalf of the host Human Rights Association, as well as the RTI and the Federation, all the three hosts, as a trustee of Forum for Fast Justice, I'm really, really indebted to you for your participation in today's webinar. And on behalf of all the people who are present here, and we all wish you a very, very happy new year. And we look forward to your association with us for long. And once again, I compliment you for your humility, for your easy approachability, and the way you handle the things. And I'm sure many of the grievances are like you are the only person I have come across in the last so many years. You are the first person I can say who understand the common human being. The way you said, the grievances are also shooting up, and the way Rajiv Lochan ji addressed about the parent, adult, child, the three ego states, that is also very relevant, the three. Sometimes from the child ego state, we address the parent ego state. I think that I compliment you, I thank you, and we are indebted to you for being present here. Again, wish you a very, very happy new year to you. थैंक यू सो मच थैंक यू सर थैंक यू सर सभी को बहुत मंगलमय हो जो है ना 2022 जो है सबके लिए मंगलमय हो और सर अभी जो कोरोना की जो भी है सर हम लोगों को तीन चीज करना है हमको जरूर वैक्सीनेशन लेना है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है मास्क यूज करना है और सर मैं तो कहूंगा भले छोटा सीसी हो या बड़ा सीसी हो सबके पास वो सैनिटाइजर रहना चाहिए जरूर और सर ये जो ओमिक्रॉन की जो है अभी सर जैसे दिल्ली में कल 187 केस का बता रहे हैं उसमें 121 लोग जो बाहर से आए हुए हैं तो सर आप जहां पर भी कहीं पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं मार्केट पे जा रहे हैं किसी शादी विवाह पे जा रहे हैं सर प्लीज बी केयरफुल बिकॉज योर लाइफ इज इम्पोर्टेंट एंड Your life is equally important for your near and dear ones. And sir, it is many more times infectious than the previous Delta. Correct, sir. If today it is 1 crore, within 1.5 days, there din pe sir ye doguna ho raha hai. Yeah, exactly, So, isliye sir, please be careful and remain safe. Wish you a happy new year. Wish you a happy 2022. Namaskar. Thank you, sir. Thank you. Namaskar. Namaskar, sir. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर आप हमसे जुड़ने के लिए अभी अभी हमारे पास आधा घंटा टाइम है जो वैलिडेटरी सेशन अभी शुरू होगा वैलिडेटरी के लिए आधा घंटा टाइम है ये हाफ एन आवर टाइम में हम हमारा जो मित्र लोग जो एचआरडी है मैं आग्रह करूंगा वो अपने बात रखेंगे हमारे बीच में आत्मदीप जी हैं पूर्व मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त तो सर आपने हैंड भी रेज किया हुआ है कृपया आप अपनी बात रखें धन्यवाद मैं आदरणीय जस्टिस राजीव लोचन मेहरोत्रा साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा हाई कोर्ट के दो फैसलों की तरफ जो आज के इस नेशनल कन्वेंशन के और इश्यू से जुड़े हैं एक तो मद्रास हाई कोर्ट का फैसला है 2021 का ही जिसमें ये इस आशय की बात कही गई है कि ये ठीक है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन इसलिए बनाए गए हैं कि या इनका काम इस तरह का है कि ये खुद संज्ञान लेके या लोगों की शिकायत प्राप्त करके उनकी सुनवाई करें जांच करें और जो भी जरूरी कार्रवाई उसमें होनी है उसके लिए वो सरकार को रिकमेंड करें लेकिन मद्रास हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ का ये जजमेंट है कि लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिकमेंडेशंस का नेचर मैंडेटरी होता है ऐसा कहा गया और इसी तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 2014 में और 2018-19 में दो फैसले ऐसे दिए जिनमें कुछ कुछ इसी आशय की बात कही गई अगर इन फैसलों की आप थोड़ी सी विवेचना सार रूप में कर सकें तो हमें समझने में आसानी है
आदरणीय मेहरोत्रा सर। सर यहाँ पर निवेदन करना चाहेंगे कि हमें लगता है कि मेहरोत्रा साहब कार्यक्रम से अभी जस्ट जब उनको वो दिया गया विदाई समारोह हुआ तो बिंबाधर प्रधान जी के साथ में वो भी बाहर चले गए हैं, तो ये बात तो भी दिखाई दिए थे इसलिए मैंने पूछा। नहीं 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 बिल्कुल 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 मैं बात नहीं दूसरे पार्टिसिपेंट्स को लीजिए। हाँ इस बात का जवाब हालांकि मनोज जेना जी भी देंगे क्योंकि एनएचआरसी में वो इसके मेंबर्स हैं, और हाँ इस बात से मैं भी इत्तफाक रखता हूँ। आपने जो कहा है कि बात आई है कि यदि हम ये बताएं पुलिस वालों को, हम ये बताएं कि हम जज हैं तो, या हम ये बताएं कि हम कलेक्टर हैं या हम कोई विशेष व्यक्ति हैं, तब वो हमारे साथ वैसा व्यवहार करेंगे। और यदि हम उनको ये ना बताएं कि मतलब हम क्या हैं, या आप ये ना बताएं कि आप सूचना पूर्व सूचना आयुक्त थे और आपने अपनी एक RTI लगा दी, तो लोक सूचना अधिकारी का क्या जवाब आएगा। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर जो बात उन्होंने कही कि जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो वो न केवल सिर्फ विशेष लोगों के लिए हो कि हमें पहचान बता करके वहाँ पे अपना लाभ हम हासिल करें, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए। जब तक हमारे देश की यह व्यवस्था ना हो जाए, जब तक हमारे देश की ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित ना हो जाए कि हर व्यक्ति को, चाहे वह पावरफुल हो या पावरलेस हो, कैसा भी हो, हर व्यक्ति के लिए समान ह्यूमन राइट्स हो, उसका उसकी उसकी वैल्यू की जाए, उसकी कीमत की जाए, उसको सम्मान मिले, तब तक हमें लगता है कि हमारे देश में नियम कायदों का और कोई मतलब नहीं है, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। ये इक्वलिटी होना चाहिए, सबका ह्यूमन राइट्स प्रिजर्व होना चाहिए। तो हालांकि जज साहब के मुख से ये बात निकली थी वहां पर उन्होंने हालांकि वो वास्तविकता उन्होंने बताई कि स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है हिंदुस्तान में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जिस दिशा में जा रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं कि सबके लिए इक्वलिटी आए, तो वो चीज़ें हमें जरूर मिलनी चाहिए। मनोज जेना जी प्रवीण सर भी हैं, तो यदि इसमें कुछ वो शायद जोड़ना चाहें। आपका आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि ये मैंडेटरी होता है और इनको सुबह मोटे एक्शन लेने चाहिए, और सभी के लिए होता है, ना केवल इंडिविजुअल होता है बल्कि कलेक्टिव कलेक्टिव इंडिविजुअल दोनों होता है, कि यदि छोटी से छोटी समस्या यदि एनएचआरसी में जाती है तो उनको उसको एड्रेस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो छोटी सी समस्या है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। सुरुमी लता या कि कोई भी फला व्यक्ति या कि जयपाल सिंह खींची का प्रकरण है और उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए वो एक नेशनल समस्या है, उनके लिए तो पूरा वर्ल्ड है भाई। एक परिवार यदि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन उसका हो गया है, एक व्यक्ति विशेष का, तो उसके लिए तो पूरा संसार है। उससे क्या मतलब है इस बात से के लिए कि पूरे हिंदुस्तान की बड़ी समस्याओं का समाधान हो रहा है लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो आखिर ह्यूमन राइट्स जो भी एसोसिएशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, SHRC है, NHRC है, सब जो भी है, किस दिशा में काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। शिवानंद भाई हम अपना बात मैं समझता हूँ कि ये प्रश्नोत्तर ना रह के ये अपना अपना सब विचार रखे और सजेशन भी रखे, जो HRD वो अपना अपना विचार रखे और क्या जैसे सजेशन भी ठोस रखे, ताकि हम लास्ट में उसका कंक्लूजन क्या क्या हम उस पर काम कार्रवाई करेंगे, काम करेंगे और प्रपोजल देंगे हम रखेंगे। मैं अभी जैसे आत्मदीप जी ने बोले हैं बस वही मुझे बोलने की अनुमति मिलेगी इसमें आपके सुझाव के हिसाब से। देवेंद्र अग्रवाल छत्तीसगढ़ से, मैं बात में जोड़ना चाह रहा था आपकी बातों में, क्योंकि आज सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करे हैं और जो बातें की है वो हमारे सब यूजफुल है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा था कि आज यहाँ पे बहुत सारे एसोसिएशन की तरफ से लोग आए हुए हैं, क्या NHRC हमारे लिए एक व्यवस्था दे सकते हैं सर कि हम अपनी बातों को एक कंपाइल करके सभी संगठन एक तरीके से NHRC के सामने प्रस्तुत कर दे अपने मुद्दों को, अपनी बातों को, जिसपे एक वो एक उच्च स्तरीय एपेक्स कमेटी एक गठित कर दे जो उस पर विचार करके जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का हल निकाल सके, क्योंकि यहाँ पर हम किसी को अगर बोलेंगे एक एक विषय पर तो वो शायद उचित नहीं होगा, लेकिन अगर हम संगठित तौर पर जितने भी यहाँ पे ग्रुप है वो सभी ग्रुप एक बात पे, एक मंच पे, एक चीजों पे साझा करके वो NHRC के समक्ष रख दे तो उस पे एक कमेटी बना के उस पे निर्णय दे दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसको हम लोग अगर बैठ के साझा करके NHRC के सामने रखे हमारी एसोसिएशन तो शायद हम लोगों के लिए बहुत अच्छा निर्णय मिल सकता है। हाँ मैडम बिमवार सर, बिमवार सर, हेलो बिमवार सर,
बिम्बार सर अगर सुन रहे हो तो उनसे मैं इसमें चाहूंगा कि अगर कुछ मनोज जी पटेल सर मनोज जी सर हाँ सर क्वेश्चन एंड इन द मीन वाइल प्लीज वेलकम डॉक्टर चारुवाल अखन्ना शी इज जॉइन या वो मैडम अभी ज्वाइन किया है मुझे भी कॉल किए थे मैडम या मैडम अभी 10 मिनट सुनेंगे सब लोग को सुनेंगे नमस्कार बहुत अच्छा लग रहा है मैं आपको सुनना चाह रही हूँ फिर मैं अपना आप सबको संबोधन करूंगी थैंक यू मैडम थैंक यू मनोज जी 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 मैंने एक ही बात रखी थी कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे एसोसिएशन हम लोग सब साथ में आज एक मंच में है तो क्या ऐसा पॉसिबल है अगर बिम्बार सर हो तो अगर यहाँ से मंच से अगर वो हम लोगों के लिए एक ये घोषणा कर दे कि एक कमेटी तैयार कर अगर हमारी बातों को सबको एक जाई करते हुए कुछ अच्छा निर्णय ऐसा दे दें सभी सेक्रेटरिएट में तो हम लोगों के लिए हेल्पफुल हो नहीं प्रधान साहब जो बात बोले कि जहाँ ये कन्वेंशन का जो सुझाव रहेगा जो प्रपोजल रहेगा दो तीन जो उसके डेलीगेशन जाके चेयरपर्सन से वो मिलेंगे मिलके वो डिटेल जहाँ जो कमिटी का जो कन्वेंशन का प्रपोजल रहेगा वो सब उन पर वहाँ पे डिपॉजिट करेंगे और वो तो बहुत आगे दो कदम आगे जाके बोले कि एचआरडी के लिए एक पॉलिसी होना चाहिए खासकर एनएचआरसी के तरफ से एक अवार्ड भी एस्टेब्लिश होना चाहिए ये भी बोले तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा जो जो प्रपोजल है काइंडली आप हमको सो मेल करिए और हम इसको कन्वेंशन का एक पूरा ड्राफ्ट बना के हम कोई अगर सुझाव देंगे कि तीन हो चार हो पांच हो हम जाके डेलीगेशन वो हम वहां पे जाके सबमिट करेंगे बिल्कुल सर थैंक यू यही ज्यादा बेहतर रहेगा और इसके साथ हम लोग एक मीटिंग इसको सेपरेट रख के उसको तय करें आज के एजेंडे और उन्होंने भी जो प्रपोजल दिया है आज जो हम वर्चुअल मोड में अभी बात कर रहे हैं हम अगर ओमिक्रॉन का ठीक रहा हम फिजिकली हम मिलेंगे सब लोग फिजिकली मिलेंगे हम एनएचआरसी को प्रपोजल देंगे वो हमको भी सपोर्ट करेंगे तो हम फिजिकली दो तीन दिन का एक कन्वेंशन करेंगे फिजिकल सब लोग मिलेंगे जहां आज जितने भी लोग हैं मैं शिवानंद भाई जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जितने भी जो हमारा जो एचआरडी पार्टिसिपेट काइंडली उनका नाम और नंबर भी नोट करिए हम जब स्थिति ठीक हो जाएगा फिजिकली हम एक जगह सब मिलेंगे हम उनको बुलाएंगे जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी और मेरा नंबर इसी जूम आईडी और पासवर्ड है और मैं एक बार पुनः शेयर कर लेता हूँ चैट बॉक्स में तो आप लोग मुझे अलग से एक मैसेज व्हाट्सएप में डालिएगा मैं आप लोगों को एक ग्रुप में ऐड कर लूँगा अलग से एक एचआरडी का ग्रुप बना लूँगा और निश्चित तौर पर और हम ये भी इसमें थोड़ा सा अपनी बात रखना चाहेंगे कि जिस प्रकार से बिम्बाधर प्रधान साहब ने बताया कि हम इस मीटिंग को सिर्फ वर्ष में एक बार तो हम इसको मीटिंग को ऐसा भी कर सकते हैं कि हर माह प्रवीण भाई भी हैं तो हर माह हम पहले वर्चुअल मोड पर ही रखते हैं और उनको बुलाते हैं और अन्य जो भी एसएचआरसी और एनएचआरसी से जुड़े हुए लोग हैं नरेंद्र कुमार जैन साहब आने के लिए इच्छुक हैं हमारे बीच में आत्मदीप सर हैं उन्होंने बात की उनके अच्छे मित्र भी रहे हैं जो नरेंद्र कुमार जैन जी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन मध्य प्रदेश के चेयरपर्सन हैं वर्तमान में तो वो भी आएंगे तो हम लोग इसको एक्चुअली एक मंथली मीटिंग अपन इसको रखेंगे बहुत अच्छा आइडिया आया सजेशन आया इसके साथ अपन फिजिकल मीटिंग तो रखेंगे ही वो भी मतलब तो इसमें कोई हमारा लॉस नहीं है तो इसमें बहुत सारे आइडियाज एक्सचेंज हो जाते हैं आपस में इस तरह से तो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा तरीका रहेगा हमारे बीच में विजय सिंह पालीवाल जी भी हैं और अपनी बात वो रखना चाह रहे हैं विजय सिंह पालीवाल जी बताएं शिवानंद जी मैं बहुत सुबह से ट्राई कर रहा था पहले तो मैं बहुत वेरी वेरी सॉरी मैं बहुत देर से कोशिश तो प्रयास तो कर रहा था लेकिन मैं अपनी बात को नहीं पहुंचा पा रहा था पूरे राजस्थान के एक्टिविस्ट भी देख रहे थे उनके मेरे पास में काफी मैसेज आए हुए हैं ये जो घटना जो घटी है बाड़मेर वाली मैं बहुत शुरुआत के फेस में जब अमी बहन बैठी थी मैं कोशिश कर रहा था क्योंकि ये राज्यसभा में भी उठे ये बहुत खतरनाक केस हुआ है इसमें 8 बदमाशों ने मिलकर अमराराम जी जाट करके एक हमारे जो बाड़मेर के आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनकी जो हड्डी थी उसको हड्डी को पांव की हड्डियों को तोड़ दिया पांव में कीले ठोक दी उनके 8 जगह शरीर घुसा दिए शरीर के अंदर में पूरा का पूरा मांस निकाल दिया और ये अभी पूरा आप देखेंगे पूरे पेपर्स में पूरा टॉप पे आ रहा है अभी एक और बंदे हमारे यहाँ पे कोशिश कर रहे थे प्रयास कर रहे थे कि ये आप तक ये बात पहुंचे हम लोग आज ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं
to know his human right. And RTI, or jo RTI hai, it is the basic, now it is a fundamental right as far as constitution is concerned. और अगर हम लोग ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं और इस मुद्दे को हम लोग इतनी देर तक उठाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, अगर हम हमारी बात को यहाँ नहीं रख पा रहे हैं तो राज्यसभा और लोकसभा में कैसे उठा पाएंगे। मेरा तो यही था आपसे निवेदन कि अगर आप ड्राफ्ट बना रहे हैं, जैना साहब भी ड्राफ्ट बना रहे हैं, तो ड्राफ्ट के अंदर में ये जो केस है ये बहुत ही खतरनाक क्राइम हुआ है, बहुत बर्बर क्राइम हुआ है। इसको जो अमरा राम जाट वाला केस है ये भी आप इसके अंदर में इस आज की मीटिंग के अंदर में ड्राफ्ट बना के कम से कम इसको एक अच्छी जगह इसको देके दें कम से कम, क्योंकि एक बहुत खतरनाक घटना घटी है और ऐसी घटना हमारे यहाँ पे पहले हो चुकी है और उस घटना के उसके विरोध में और पूरे आरटीआई एक्टिविस्ट का सम्मेलन मैं कोटा में ले चुका हूँ। आपके व्यापम वाले अजय दुबे जी हैं, पिछली बार हमारी जब डिस्कशन हुआ था तब शैलेश भाई भी बैठे थे और हमारा डिस्कशन इसी मुद्दे को लेके हुआ था कि आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर में लगातार हमले हो रहे हैं और अब तो जानलेवा हमले हो रहे हैं। तो ये जो बात है इसको बहुत सीरियसली लिया जाए, मेरा आपसे ये निवेदन है। और कम से कम इसको इस जो जैना साहब भी बैठे हैं अभी ह्यूमन राइट वाले बैठ के गए हैं तो इनके सामने सबके सामने इस बात को इस ड्राफ्ट के अंदर में विशेष तौर पे इसको जरूर मेंशन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। विजय जी अभी खुद सेक्रेटरी जनरल एनएचआर के सामने नरेंद्र जी सुना था हाँ, तो मैं उनका नंबर दिया है काइंडली, वो जो कॉपी है जो पिटीशन हो या एफआईआर कॉपी हो तुरंत उनको व्हाट्सएप कीजिए और बात भी कीजिए उनको। जेना सर मेरा तो निवेदन है, ये अभी और बैठे हैं राजपुरोहित जी थोड़ा बात को आप रखिए, बोलिए प्लीज बोलिए। धरने पर बैठे हैं साथी लोग 100 करीब बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में और वहाँ ज्ञापन दे चुके हैं और ह्यूमन राइट्स राजस्थान मानवाधिकार आयोग में मामला दर्ज करवा दिया गया है और सभी को नोटिस जारी हो चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी को और जो भी इससे रिलेटेड सभी को मतलब ये नोटिस जारी हो चुके हैं। और जो साथी हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपए की सहायता का अभी किया है और CIDCB से जांच करने का आश्वासन दिया है, अभी जो सूचना है तुरंत प्रभाव की, और वो अभी हॉस्पिटल में है, उसको ठीक होने में 3 से 4 महीने लगेंगे और उसके किले ऐसी मतलब उसको पैसा पिला दिया गया है, मतलब एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। हमारी एक ही मांग है कि कार्यकर्ता को सुरक्षा देने वाला विस्टल ब्लोअर संरक्षण एक्ट लागू हो तुरंत प्रभाव से, 15 दिन में चाहे महीने में हम सभी मिलकर इस पर विचार विमर्श करें। और ये मैं तो बहुत ही अमात हुए हैं कि बहुत बड़ी एक राजस्थान में बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत बड़ी विचार विमर्श नहीं भाई, एकदम आंदोलन किया जाए। जारी है बाड़मेर में 200 जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अभी मौजूद है। जय हिंद जी, सुन रहे हैं भाई, बोलिए प्लीज। ऑलरेडी ये मैटर को NHRC सेक्रेटरी जनरल ने डिटेल से सुना, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा भी है और डिस्कशन भी इसका बहुत डिटेल से हुआ है और ऑलरेडी ये भी डिसाइड हुआ है कि हम लोग का जो रिजोल्यूशन होगा उसमें ये मुद्दा होगा और आज के दिन में ये मुद्दा तीसरी बार उठा है। नहीं, वो देट हैज बीन डिसाइडेड, आप नहीं थे उस टाइम में, ये ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। दूसरे मुद्दे पे आइए, ये मुद्दा का चर्चा भी हो चुका है, नोट भी हो चुका है और उन्होंने खुद आश्वासन दिया है जो NHRC सेक्रेटरी जनरल ने कि मैं इस पे अर्जेंट एक्शन करूंगा। चलिए प्रवीण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, मनोज जी आगे चलिए जी, कोई और बोलना चाहते हैं बोलिए। मैं एक चीज कहूंगा मनोज जी, जो रिकमेंडेशन की बात जो आती है उसमें सबसे सुझाव मंगा लें कि भाई अपने अपने सुझाव भेजें, इंडिविजुअली तो सबको नोट करना संभव नहीं है। एक सुझाव भेजे व्हाट्सएप नंबर शिवानंद भाई का या आपका, जिसको भी भेजना है वो भेजे और उसके बाद हम लोग कल परसों आपस में 3-4 लोग वेबिनार में इकट्ठे होकर उसको फाइनल करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ दे दीजिए और सबको रिक्वेस्ट कर दीजिए कि रिकमेंडेशन जो चाहते हो, जो सजेशन देना है वो सब इसके अंदर आ जाए, अपना नाम पता पूरा दे, बिना नाम पता हम लोग सजेशन नहीं लेंगे। जी जी जी, इंग्लिश में देने से अच्छा है क्योंकि इंग्लिश में तो हम बात करेंगे ना। हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आना है आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें प्रवीण सर, इसमें हम ये चाह रहे थे कि क्योंकि मैसेज लोगों के ज्यादा आएंगे और ज्यादा डिटेल में, ईमेल मैं दे रहा हूँ हमारे, दे दीजिए। हाँ हमारे ईमेल दे दीजिए, व्हाट्सएप नंबर भी दीजिए, दोनों में डालने के लिए बोलिए। व्हाट्सएप भी दे दिया है, और जो भी सजेशन दे उसके पीछे उसका ग्राउंड दे कि व्हाई दे आर सजेस्टिंग दैट थिंग, उसका बेसिस क्या है।
थोड़ा सा उसको क्या होगा, हम लोग जो मेमोरेंडम देंगे एनएचआरसी को उसमें वजन पड़ेगा। प्रवीण भाई मैं ईमेल मेरा सेट कर रहा हूँ। हाँ ईमेल ज्यादा बेहतर है, और ईमेल में ही हमें भी आप लोग डालें तो ज्यादा अच्छे से उसको वो कर दिया जाएगा, और ईमेल हमने डाल दिया है अपना भी, तो इसमें कृपया आप लोग अपना हाँ, आपका मनोज भाई का दोनों का दे दीजिए। मैंने दे दिया बस, तो फिर हम आप ये तीन और एक दो लोग साथ में लेके एक ड्राफ्टिंग कमिटी बना देंगे और मेमोरेंडम बनाएंगे और ड्राफ्ट मेमोरेंडम सबको सर्कुलेट कर लेंगे और तीन दिन का समय देंगे, विद इन थ्री डेज जो कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग आगे एनएचआरसी को दे देंगे। ये वॉइस वॉट से सबसे ले लीजिए। कार्यक्रम में आप में से कोई और कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं क्या, सार गर्भिक तरीके से और शॉर्ट में संक्षिप्त में यदि आप लोग कुछ बात रखना चाह रहे हैं तो? हाँ सर, मैं बच्चों बोल रहा हूँ ओडिशा से। हाँ जी बताइए। हाँ बोलो बोलो बैष्णव। कौन बैष्णव? हाँ बोलो बोलो। हमारा वो बलागेर का जो दिया था, हमारा जो गांधीनगर का जो इसको उठाना चाहते हैं कलेक्टर जी ने ऑफिस के लिए, तो वो किसी क्या कर रहा है उच्चत के लिए, तो वहाँ का आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आवाज क्लियर करो। हमारा बलागेर डिस्ट्रिक्ट का गांधीनगर का जो केस है, वहाँ के वहां से 40 साल से 600 आदमी लोग वहां से रहते हैं, 40 साल से वहां रह रहे हैं, लेकिन कलेक्टर ने अभी इसको ऑर्डर दिया है उचित करने के लिए। हाँ जो बात आपने शेयर किया था मैं सभी को जानकारी के लिए बता दूं, उड़ीसा के बलांगिर डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है वैष्णव दलाई, जो उन्होंने एक केस को हैंडल किया है, वो कि 40 साल से जो लोग रहे थे उनको जोर जबरदस्ती प्रशासन के तरफ से डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, तो वो उनको भी सॉलिडरिटी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का एक जिद्दी भी है उनको कैसे वहां से भगा जाए। तो मैं वैष्णव जी आपसे आग्रह करूंगा कि तुरंत एक पिटीशन बना के आप मुझे दीजिए, मैं एनएचआरसी से फाइल करूंगा ताकि एक तुरंत इसको ऑर्डर एक रुकवाने के लिए एक ऑर्डर मिल जाए उसको, क्योंकि आपको जानकारी है कि कटक में ऐसा एक हुआ था जो फनी के टाइम में जब बाढ़ जो साइक्लोन के हुआ था, करीब 1800 फैमिली को कटक म्युनिसिपैलिटी कमीशन ने डिस्प्लेसमेंट किया था, मैंने तुरंत पिटीशन दिया तो वो एसएचआरसी ने ऑर्डर दिया कि उनका जब तक उनका रहना खाना और हेल्थ का ठीक नहीं होगा म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर हैज नो राइट टू डिस्प्लेस देम, ये तुरंत ऑर्डर हुआ। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप तुरंत पिटीशन बना के मुझे कल ही दीजिए, वो मंडे को हम उसको डायल करके उनको बोलेंगे कि वो ऑर्डर करेंगे। राजीव सर को दे दिया सर, राजीव सर, राजीव जी से बोलेंगे कि वो मुझे दे दीजिए, मैं राजीव जी से बात कर लूंगा। ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक यू। लता और कोई एचआरडी बोलना चाहेंगे अभी? नहीं तो हमारा गेस्ट आगे हैं, अभी वैलिडेटर हम वैलिडेटरी के लिए प्रोसीड करेंगे। हाँ सुशांत जी बोलिए बोलिए। सर सुशांत ओडिशा से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो बोलो। सर तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो संविधान में जो राइट्स एंड ड्यूटीज में अभी फर्क पड़ रहा है, तो राइट सरकार जो राइट देते हैं लेकिन हैवी ड्यूटी लेते हैं, तो आर्टिकल से जो कहता है जो बात है आर्टिकल से वह संविधान नहीं चलता है, वो जो चलता है वो स्टेट सरकार उसको नहीं तो कार्यकारी करता है, इसलिए इसी बारे में आप जानना चाहता हूँ सर प्लीज।
वो अपना पावर को वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। Okay, तो ये ऑफिसर्स टू ऑफिसर वेरी करता है, और लॉ के बात है, हमारा ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, सब कुछ है, लेकिन जो आपने सही बोल रहे हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन के बात होता है वो तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हमारा जो हम जो एचआरडी है, हम पॉजिटिव थिंकिंग करके हम इसको, ये सब आएगा, ये सब थ्रेटनिंग आएगा, ये चैलेंजेस हमारे पास आएगा, okay, लेकिन हम लोग धैर्य रख के और पॉजिटिव थिंकिंग करके हम अपना ये काम करते रहेंगे, और जो भी ये प्रॉब्लम होगा आप पर्सनली मुझसे शेयर कीजिए, okay. मुझसे पर्सनल शेयर कीजिए, जहां तक मेरा सपोर्ट है मैं पूरा आपके साथ सपोर्ट दूंगा और आपके पास भी हाजिर हो जाऊंगा। ओके सर, थैंक यू। एनी अदर कैन स्पीक, नहीं तो अभी फॉर्मली हम वैलिडेटरी करेंगे। प्रवीण जी, हम वैलिडेटरी करेंगे, वैलिडेटरी मेरे ख्याल से कर लीजिए। रोबिन इज आल्सो देयर, अपना चारू वाली खन्ना भी आ गई है, और भगवान जी रयानी इज आल्सो हियर, तो कैन स्टार्ट आई थिंक। या तो प्रवीण जी, मैं आप इस वैलिडेटर सेशन को आप प्लीज मॉडरेट कीजिए, मेरे को मत कर। हेलो, हाँ जी सर, दो मिनट में अपने बात रख सकता हूँ सर? एक मिनट, शिवानंद भाई विल मॉडरेट नेक्स्ट सेशन, वैलिडेटर सेशन शिवानंद जी मॉडरेट करेंगे ना? या अच्छा, अभी कोई विनोद कुमार क्या बोल रहे हैं चाहते हैं सुन लेते हैं। विनोद जी आपके बात रखिए, फिर हम वैलिडेटरी करेंगे में जाएंगे। जी जी सर, ये पूछ रहे थे कि सर अपने यहाँ आचार संहिता लगी हुई है, उस आचार संहिता के अंतर्गत पंचायत में अभी मनरेगा का अंतर्गत काम चलाया जा रहा है, तो उसके लिए सर क्या बेसिकली किए हैं, और गलत फर्जी तरीके से काम कराया जा रहा है, जो राशि बची हुई है उसको आहरण किया जा रहा है, उसके लिए सर मैं किस तरह से कर सकता हूँ? कौन सा स्टेट की बात है? मध्य प्रदेश की बात है सर, सिंगरौली जिला की बात। शिवानंद भाई ही इसमें देख लेंगे, बाकी आप एक इसको नेट से कैसे इंफॉर्मेशन लेना उसके बारे में जानकारी है? नहीं आपको पूछ रहा हूँ विनोद जी, नहीं सर नहीं पता है। आप काम का नाम ले लीजिए, नेम ऑफ द वर्क, नेम ऑफ द वर्क से काम का प्रपोजल अभी नेट में सो ही नहीं कर रहा है, मैंने चेक कराया था जाके कहीं। काम का प्रपोजल से नहीं मिलेगा, आपको नेट में जाना है, काम का नाम चाहिए, काम का नाम डालेंगे तो पूरा उसके बाद एक बार एक फाइल उसकी मिलेगी, नेम ऑफ द वर्क जी वो पहले दीजिए। अच्छा, और शिवानंद भाई से टच में रहिए, हम लोग जी बिल्कुल आपस में चर्चा करके बात करेंगे, अभी तो क्योंकि वैलिडिटी में जाएंगे तो डिस्कशन में। हाँ थोड़ा बता, यस सर, ये जो पंचायत चुनाव की मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगी और फिर भी कोई काम कराया जा रहा है, तो देखिए उस बारे में वैधानिक स्थिति है कि जो काम पहले से स्वीकृत हैं वो आचार संहिता के बावजूद कराए जा सकते हैं, कोरोना की वजह से रुके हैं और किसी वजह से रुके थे या राशि आवंटित नहीं हुई की बात में हो, तो काम कराए जा सकते हैं, उसमें आचार संहिता बाधित नहीं है। आचार संहिता में केवल नया काम जो लोगों को लुभाने के लिए शुरू किया गया हो जिससे मतदाता प्रभावित होता है वो नहीं करना है, और फिर भी आपको लगता है कि आचार संहिता का उल्लंघन करके कोई काम कराया जा रहा है, तो आप एक तो आपके यहाँ पीठासीन अधिकारी है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जो जिला पंचायत को आप शिकायत कर सकते हैं तथ्यों के साथ सबूतों के साथ, और दूसरा राज्य निर्वाचन आयुक्त जिनको मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी कहते हैं, अरेरा हिल्स भोपाल में उनका कार्यालय है, राज्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन सदन अरेरा हिल्स भोपाल, उनकी मेल आईडी भी आप देख सकते हैं एमपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, उनको भी आप मेल से या ऑफलाइन शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन नया काम है, नया काम की शुरुआत हो रही है सर, नया काम हुआ है, शिकायत करिए, साथ में तथ्य लगाइए, आपकी बात में वजन आएगा। बिल्कुल बिल्कुल तथ्य है सर, ठीक है चलिए आगे कार्रवाई करने दीजिए। कानो पकल कुछ बोलोगे?
कानू पकल चलिए शिवानंद भाई आप आगे बढ़िए हम आपके साथ हैं नारा पूरा करिए सर बैकग्राउंड आवाज कहाँ से आ रहा है शिवानंद कानू शिवानंद भाई मिंट भाई नारा कंप्लीट करिए पहले शिवानंद भाई आगे बढ़ो नारा साथ हैं नारा कौन सा शिवानंद भाई आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं अरे वो आप बोलो भाई ओके 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 मैं लगा कि कोई बात की आप पंचायत की बात जी जी बिल्कुल शिवानंद भाई जी जी सुन रहे अच्छा चारू अली खान जी का परिचय मनोज भाई देंगे रॉबिन रावमी का परिचय मैं दे दूंगा जी जी तो कार्यक्रम में हमारे लिए अभी कुछ खास यहाँ पर है नहीं पर अब आप कह रहे हैं तो मैं एक बार पुनः जो भी हमारे इस कार्यक्रम में अभी तक पधारे हमारा कार्यक्रम 11 बजे से प्रारंभ हुआ पहला सेशन लगभग 2 बजे तक चला हालांकि उसको 1 बजे संपन्न होना था और बहुत ही विशिष्ट अतिथियों ने हमारे बीच में अपना अमूल्य समय दिया जिसमें से इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस राजीव लोचन मेहरोत्रा जी राज्यसभा की सांसद सम्माननीय याग्निक जी को फाउंडर ADR के जगदीप छोकर जी विपुल मुदगल जी कामन काज के राहुल सिंह जी मध्यप्रदेश के सूचना आयुक्त आत्मदीप जी जो हमारे बीच में भी जुड़े हुए हैं पूर्व सूचना आयुक्त लेनिन रघुवंशी जी बिंबाधर प्रधान जी सेक्रेटरी जनरल NHRC के आप सबने इतना अच्छा अपना अमूल्य समय दिया और इतना फ्रूटफुल डिस्कशन रहा इस सब में आप सबका महत्वपूर्ण रोल रहा जिसमें से प्रवीण पटेल जी ऑनरी ट्रस्टी फॉर आर फास्ट जस्टिस वेंकट रमन जी मनोज जेना जी NHRC के सदस्य और साथ में ह्यूमन राइट्स फ्रंट के चेयरमैन और ह्यूमन राइट्स के लिए इतना बेहतरीन ढंग से काम करने वाले सभी का इतना अच्छा योगदान और यहाँ पर इतना सब कुछ सीखने को मिला हमारे यहाँ पर उपस्थित अन्य जो भी हमारे सभी साथी जिनका बहुत सारे लोगों का नाम छूट रहा हो तो चूंकि समय कम है और अब आगे के हम सेशन में आगे बढ़ेंगे तो आप सभी का स्वागत एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए और फिर आगे कार्यक्रम को अपन आगे ले चलते हैं और सुश्री डॉक्टर चारू वली जी खन्ना जी हमारे बीच में हैं वो अपनी बात रखेंगी डॉक्टर रॉबिन रोमी हेनी सोशल एक्टिविस्ट है इम्पाल से वो अपनी बात रखेंगे और अन्य जो भी हमारे कार्यक्रम में अतिथिगण हैं वो अपनी बातें रखेंगे और एक बार पुनः सबका स्वागत करते हुए और सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए जो यहाँ पर आए कार्यक्रम को हम प्रवीण भाई पटेल जी और मनोज जेना जी के को हैंड ओवर करते हैं धन्यवाद आपका धन्यवाद शिवानंद जी और अभी हम पूरा दिन भर सेशन को अभी अभी वैलिडेटरी खत्म करने जा रहे हैं अभी वैलिडेटरी में मैं मुझे तो बहुत खुशी लगता है कि आज पूरा 1-2 घंटा का वेबिनार में बोरिंग हो जाता है लेकिन आज पूरा शुरू से 10:30 बजे से अभी चल रहा है बीच में सिर्फ आधा घंटा 45 मिनट से लंच रहा लेकिन फिर 2:30 बजे फिर सब लोग जुड़ गए हैं इतना आग्रह है तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये शक्ति जरूर कुछ चेंजेस लाएगा और जरूर कुछ काम करेगा और खासकर जो NHRC का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा वो डेफिनेटली हम आगे जाके कुछ कर पाएंगे तो अभी हमारे बीच में जो आपने बोला कि डॉक्टर चारू अली खाना जी है जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट जी की मैडम भी आप जानते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के मेंबर रह चुके हैं मैडम और मैडम भी प्लीज मैडम भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के मेंबर रह चुके हैं और काफी एक्सपीरियंस है खासकर ये जो ह्यूमन राइट्स रिलेटेड इश्यू को हैंडल करने के लिए और खासकर जो चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड का जो वायलेशन होता है उन पर भी मैडम ने काफी काम किया है रिसेंटली मैडम ने NHRC के सपोर्ट में एक बहुत बेहतरीन स्टडी किया थे जो ICC है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी और LCC लोकल कंप्लेंट कमिटी
जहाँ पे जो वुमेन जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का होता है वर्क प्लेस में जो होता है उनके लिए जो कमिटी बना है सारा देश भर से मैडम का एक स्टडी किए थे रिसर्च किए थे और मैंने भी मुझे भी उड़ीसा के जो पार्ट को इन्वॉल्व किए थे और उसमें से हम मैडम भी खुद बताएंगे कि क्योंकि आईसीसी एलसीसी वो जो दूसरे हम बाकी जो एचआरडी ने कहा कि कानून तो है अच्छे अच्छे कानून तो है लेकिन कानून का सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है यही प्रॉब्लम है। तो ये आईसीसी एलसीसी भी हमारा कानून बना है लेकिन अभी तक जो कानून का भी वही ना कमिटी भी को भी मालूम है ना कलेक्टर को भी मालूम है कलेक्टर उसको प्रायोरिटी भी नहीं देते। तो इसीलिए वो स्टडी था बहुत बेहतरीन स्टडी था स्टडी को भी प्रपोजल को भी एनएचआरसी को प्रेजेंट किया था मैडम उस पर डिटेल बताएंगे और हम लोग को खुशी होगा कि मैडम हमारे साथ जुड़े हैं। मैं और देर न करके मैं इन मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा इनवाइट करूंगा वो आप अपना बात रखें। नमस्कार मैं आयोजकों को बहुत आभार प्रकट करना चाह रही हूं कि आज उनने मुझे इस कार्यक्रम पे बुलाया और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि 25 दिसंबर है और यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए गवाया तो ये भी बहुत बड़ी बात है सिंबॉलिक डे है। मैं थोड़ी देर पहले ही आप लोगों की बातचीत में जुड़ गई थी और आपकी बातचीत सुन रही थी और मुझे अपने आप को छोटा महसूस की कि आप लोग ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स जो मानव अधिकारों का संरक्षण करती है कितना महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। आप ये काम कर रही हैं कि हम लोग कि आम जनता की स्वतंत्रता समानता और गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए और ये कि सरकार के कानून और नीतियां जो हैं उनका फायदा लोगों को मिले। आज आप समाज के आँख कान और आवाज हो और बहुत ही आपकी आवाज बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण ही नहीं जैसे अभी बाड़मेर की भी बात हुई अभी किसी और ने भी बात की कितनी कठिन परिस्थितियों में आप संघर्ष कर रहे हैं काम कर रहे हैं कि दूसरों के मानव अधिकारों को बचाने के लिए। सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो आप पे हमला ही करते हैं हमला ही नहीं जेल भी होती है आपको काम करने से रोकते हैं हर तरह की परेशानियां आपके सामने आती हैं फिर भी आप हताश नहीं होते तो ये बहुत ही आपकी महत्वपूर्ण का बात है। और मैं क्योंकि मैं जेंडर इश्यूज से जुड़ी हुई हूँ मानव अधिकारों के हनन के लिए भी मैं काम करती हूँ मैं उम्मीद ये करती हूँ कि महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव हो रहा है उसके विरुद्ध आप आवाज उठाएं और जागरूकता उत्पन्न करें। अभी किसी ने ये सवाल पूछा कि हमारी संविधान तो बहुत सुंदर है या कुछ इस तरह से लेकिन आर्टिकल्स तो है लेकिन ये लागू नहीं हो रहे। देखिए सबसे सर्वोच्च हमारी संविधान है और वो आपके नाम पे है वी द पीपल। वो अलग बात है कि अगर संविधान का के जो प्रावधान है उनका पालन राज्य सरकार या नहीं कर रही है या सरकारें नहीं कर रही हैं वो उनके एरोगेंस है वो उनका करप्शन है क्योंकि संविधान हमें रास्ता दिखाती है और मानव अधिकार की बात करती है। सारे जो हमारे अधिकार हमें मिले हुए वो मानव अधिकार है वो संविधान से ही कहीं ना कहीं निकलते हैं। मैंने महिलाओं की बात की और मनोज जी ने ये बात की कि बहुत अच्छा उन्होंने हमारे संग जुड़ के काम किया उड़ीसा में हर जिले में हमने ये सर्वेक्षण किया था क्योंकि अधिनियम तो बन जाते हैं हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया अधिनियम है लेकिन लागू करना उनको या कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ सरकार की लापरवाही है कहीं सीरियस गंभीरता नहीं है क्योंकि अगर वो लागू होते हमारा देश कुछ और होता। जैसे ये सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉश एक्ट जिसे कहते हैं प्रिवेंशन यौन शोषण महिलाओं का रोकना कार्यस्थल पे यौन शोषण रोकने के लिए जो अधिनियम बना दिया है 10 से ज्यादा लोग जो कार्यस्थल बड़े कार्यस्थल हैं उनके लिए उधर एक सेक्सुअल कमिटी बननी जरूरी है इंटरनल आंतरिक कमिटी। लेकिन हमारे देश में करीब मैं आई थिंक 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं अनौपचारिक काम कर रहे हैं
ऑर्गेनाइज नहीं है, तो उनके लिए क्या प्रावधान है, उनको किस तरह से सुरक्षित करें, उसके लिए एक लोकल कंप्लेंट्स कमेटी बन गई है जो कलेक्टर बनाता है। तो उसमें उनको नियमित लोगों को नियुक्ति करनी होती है। और अनफॉर्चुनेटली बड़ी दुख की बात है कि इतने पढ़ाई करके ये अधिकारी पदाधिकारी बनते हैं, क्वेश्चन पेपर चाट चाट के, ट्यूशन करके अधिकारी का पद मिलता है, लेकिन अधिकारी बनने पर कहीं ना कहीं वो उनमें टेक इट इजी एटीट्यूड आ जाती है, क्योंकि उनको अपने दायित्व और अपने कार्यभार का पूरा पता नहीं होता। जैसे हम गए बड़े लोगों एसडीएम से मिले, बहुतों को तो पता ही नहीं था कि ये ऐसा होना चाहिए। और हर जो अगर आपको जो मैं आपके ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के लिए बता रही हूँ एचआरडी के लिए, कि जो महिला है अगर उसका कहीं काम कर रही है और उसका एम्प्लॉयर या कोई उसको प्रताड़ित यौन शोषित करता है, तो उसको अपनी शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी लोकल कंप्लेंट्स कमेटी के लिए। लेकिन जो छोटे राज्य हैं जैसे हरियाणा समझ लीजिए या दिल्ली, वो तो जिला छोटे छोटे जिलों में, छोटे राज्य छोटे छोटे जिलों में बटे हैं, तो वो महिला का कंप्लेंट डीसी ऑफिस या एसडीएम ऑफिस जाना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जो भौगोलिक बहुत बड़े हैं, स्प्रेड आउट है, वास्ट है, जैसे उड़ीसा, उस महिला का वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसका मतलब है उसको एक दिन की अपनी कमाई छोड़ के छुट्टी लेके जानी पड़ेगी। तो ये बड़ी दिक्कतें हैं। इसके लिए भी कानून में प्रावधान है कि लोगों का की नियुक्ति हो, कि वो महिलाओं से उनकी शिकायत ले, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कानून और उसके एनफोर्समेंट और अधिकारियों में तालमेल नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो आप मानव अधिकार के डिफेंडर्स हैं वो ये बातें उठा रही हैं। जैसे अभी किसी ने आचार संहिता के होने के बावजूद काम की बात की, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि नया काम हो, आपको ये काम नया लग रहा हो, लेकिन इसकी फाइल अगर पहले से उस पर हस्ताक्षर हो गए हों और उस काम की शुरुआत की स्वीकृति दे दी हो, तो वो नए काम में नहीं आता, बट फिर भी आप सारे तथ्यों के संग लिखिएगा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक एपेथेटिक एटीट्यूड है, सरकार की, कि हमें आपको ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को इतना संघर्ष करना पड़ता है कि लोगों को उनके अधिकारों को सुरक्षित और सुनिश्चित कराने के लिए। और मनोज जी, ये मेरा तो यही छोटी सी बात मैं ये रखना चाह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की रक्षा करते हैं, आपको प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं आई हूँ आप लोग सब लोगों से बात करने के लिए। और आप ये कभी मत समझिए कि आप अकेले हैं, जैसे अभी इतना बड़ा जुट, आप 10:30 बजे से आप लोग सब जुटे हुए हैं और एक दूसरे को का मोराल बूस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमें दीजिए, हम संग जाएंगे। तो जैसे बाबा साहिब ने कहा था, एजुकेट ऑर्गेनाइज एजुटेट, तो जो संगठन में जो शक्ति है वो अकेले नहीं है, तो संगठित रहिए और जरूर आपकी, आप जिन लोगों के लिए आवाज उठा रहे वो सुनी जाएगी। और मैं एक चीज और आपको बताना चाह रही हूँ, शायद पहले सुबह बताई गई थी, कि ये आपकी जो अस्तित्व है वो द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स उसको पहचानती है कि आपका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, दायित्व है कम्युनिटी में, समाज में, और आपको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और हर तरह से अगर आपको कुछ भी चाहिए, इसीलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों का गठन हुआ है और राज्य मानवाधिकारों का गठन हुआ है, तो अगर आपको किसी तरह की भी दिक्कत हो, आप बेझिझक एक दूसरे से संपर्क करिए या आयोगों से संपर्क करिए। मेरा यही छोटी सी बात थी, धन्यवाद, नमस्कार, और कोई भी सवाल हो तो मैं लेने को तैयार हूँ। जी जी जी, कोई सवाल हो तो पूछिए, किसी से कोई सवाल हो तो मैं मैडम से पूछिए। जी सर, सूरज मौर्य सूरत से बात कर रहा हूँ सर।
मैडम से सर एक सवाल था जी। सर जो महिलाएं कामकाज करती हैं, जो मतलब अदर स्टेट या कामकाज जो करते हैं, उनका जो शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है, मानसिक शोषण होता है, सर उसके लिए मतलब मैडम का मतलब क्या कार्य की रूपरेखा है? देखिए ये यौन शोषण की जो बात है, जैसे महिलाएं जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट पे जाती हैं सड़क निर्माण वगैरह, आजकल तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, और विशेषकर ग्रामीण इलाकों में और जनजाति जहाँ है ट्राइबल इलाकों में ही हो रहा है, और बहुत देखा गया है कि कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई और हो यौन शोषण हो रहा है, तो उसका यौन शोषण की जहाँ तक बात है वो उसके लिए ये अधिनियम बना गया, और आपको अपने जिले के ही जो है जिले की शिकायत कमेटी के पास जाना पड़ेगा, बट अगर किसी और तरह का है तो मैडम जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे कि गुजरात जो है ज्यादातर लेबर जो है लेबर ज्यादा रहते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे इनका शारीरिक शोषण हो गया एक, और फिर काम काज का शोषण हो गया, जैसे 8 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी करना है, 16 घंटे 18 घंटे की ड्यूटी कराते हैं, ये सब जो शोषण हो रहे हैं उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ मैडम। जिस इलाके में ये हो रहा है, जिस जिले में ये हो रहा है, वहां आप जिले अधिकारी के जो दफ्तर है उधर जाइए, एसडीएम ऑफिस जो है उधर जाइए और पूछिए उनसे कि ये लोकल कंप्लेंट्स कमेटी स्थानीय शिकायत समिति कहाँ है, पॉश एक्ट में महिला यौन संशोधन का कार्यस्थल पे महिलाओं का यौन संशोधन, पॉश इसको शॉर्ट में पॉश कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, आप ये सवाल पूछिए अपने, और वैसे तो हर जगह उनके जो गठित की हुई है समिति उसका एसडीएम ऑफिस, जैसे दिल्ली में हमने काफी इस पे काम किया तो जो जिलाधिकारी के दफ्तर के बाहर बड़ा सा एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें सारों के नाम दिए गए हैं ताकि उनसे संपर्क किया जा सके, और अगर कोई दिक्कत आए तो आप हैं, आप किसी से वहां संपर्क करिए, हमसे संपर्क करिए, जरूर आपको हर तरह की मदद मिलेगी। मैडम देखिए हर चीज तो है, सही बात है आपकी, हर चीज कायदा कानून जो है सही बात है, लेकिन जैसे भी कोई काम कर रहा है या कोई मतलब अगर वो शिकायत करने जा रहा है तो उसको नौकरी से पहले हाथ धोना पड़ता है, पहले उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, सारी दिक्कतें आती हैं कि उसको एक दिन की कमाई भी करनी पड़ेगी। मैडम उसके बाद में कंप्लेन किसी तरह दर्ज भी कर ली जाती है थाने के अंदर में, तो उसको इतना प्रेशराइज किया जाता है कि वो मतलब स्टेट छोड़ के भाग जाता है यहाँ से, जिस स्टेट आया था वहां छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि उसको काम धंधे नहीं मिलते हैं, छोड़ के चला जाता है, उसके लिए मतलब क्या प्रावधान है? वही है, नहीं प्रावधान तो वही है, लेकिन वही जो ये कॉन्ट्रैक्टर है ये बाहुबली होते हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े ठेके ने ले लिए हैं, तो पुलिस के संग और अधिकारियों के संग मिलीभगत होती है, वही मैं कह रही हूँ कि ये जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण आपकी रोल है, आवाज उठाइए उनके लिए, वो तो नहीं कर पाएंगी लेकिन उनके लिए आवाज उठाइए और कहीं एजिटेट करिए, थोड़ा घराव करिए, एसडीएम से मिलिए, मीन्स कि संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत दुख की बात है कि अगर हम इस देश में गरीब पैदा हुए तो बहुत हमारी जीवन बहुत हमारा संघर्ष के संग बीतेगा। मैडम 100 में से सिर्फ 2 से 4 केस ही सामने आते हैं, बाकी 95% केस तो बाहर आते ही नहीं है। वो बिल्कुल मैं आपकी बात में सहमत हूँ, क्योंकि हमने भी करीब 3,000 महिलाओं का के बारे से ये सर्वेक्षण किया था 3 स्टेट्स में, दिल्ली हरियाणा और उड़ीसा, और कोई बात खोलने पे तैयार नहीं था, और कहीं ना इन्हें महिलाओं ने इसको नॉर्मलाइज कर लिया था कि ये तो होता ही है। बस ठीक है मैम, थैंक यू जी। और कोई सवाल? मनोज जी टाइम का भी ध्यान रखिएगा। जी जी जी, तो थैंक यू। थैंक यू मनोज जी। जस्ट आई'ड लाइक टू ऐड कि इन्हें ये जो बात रखी है, हमने पहले भी वो
डिफेंडर्स ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स की ट्रेनिंग ऑन दिस पॉश एक्ट के हमने प्रस्ताव रखा था मानवाधिकार आयोग, आप ये रिकमेंडेशंस में दे दीजिएगा अगर NHRC हम फिर से हम मूव करेंगे अगर उनको पसंद आया शायद इस प्रस्ताव को वो मान लें। ठीक है मैडम, ये रिकमेंडेशन हम दे देंगे मैडम, थैंक यू मैडम। अभी प्रवीण जी नेक्स्ट स्पीकर। या नेक्स्ट स्पीकर मैं उनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जी, जस्ट अ मिनट। या नेक्स्ट स्पीकर जो हमारे है डॉक्टर रोबिन राव मई हैनी, वो फाउंडर प्रेसिडेंट है कंपेशन चिल्ड्रन मिनिस्ट्रीज, चेयरमैन है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल पीस काउंसिल UNIPC UN वॉलंटियर और भी कई सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। बेसिकली मणिपुर में इम्फाल में रहते हैं और वाइडली ट्रैवल्ड अलग अलग जगहों में, जो नागालैंड के इश्यू हैं या आदिवासियों के नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज हैं, खास करके बच्चों के मामले में वो बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस मणिपुर के अंदर एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने भी हमारे साथ काफ़ी कोशिश भी की है, वो आज हमारे बीच अपना अनुभव शेयर करेंगे। खास करके जब मेरे से वो बात कर रहे थे दो तीन दिन पहले, तो उन्होंने ये कहा कि जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है जो मणिपुर में 1958 में लगा है और आज जो 2021 में 63 ईयर्स हो गए, ह्यूमन राइट वायोलेशन उसमें कितने प्रकार का कितने होते हैं, जैसे कहें कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और जब हम ह्यूमन राइट वायोलेशन के ऊपर कन्वेंशन करते हैं या पूरे इंडिया के लोग बात करते हैं, तो मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एट्सेट्रा, वहाँ कई कहानियाँ हैं जो किताबों के अंदर में पन्नों में जगह भी नहीं पाती है। तो वी हैव ए फाइटर एंड एमिनेंट पर्सनल एजुकेशनिस्ट डॉक्टर रॉबिन राव मई, ही इज विथ अस। तो नेक्स्ट स्पीकर इज ही एंड देन वी विल गो टू फोरम चेयरमैन एंड अदर पीपल। रोबिन जी, वी वेलकम यू। You speak in English or Hindi? Thank you so much. Merry Christmas to everyone. And Merry Christmas to you also. Yes, thank you. And actually, I'm so glad to National Convention for Human Rights Defenders and also Human Rights India RTI Revolutionary Groups of India and the National Federations of Societies for Fast Justice. And my heartfelt thanks to and the gratitude with much respect to Sri Pravin Patilji. He is an eminent social war reformers and human rights defender. I know him long times and I call him even Guruji. And also I'm so thankful to Sri Manoj Jina, Chairperson HRD India, and Sri Vibhamdhar Padhanji, you know, General Secretary, National Human Rights Commission, and various excellencies. With much respect to all for this privilege, and I always wish to stand and fight for human rights and humanity. And today, as we have been discussing, I have been listening various issues that we are facing today. In the midst of it, I want to just share the grim story of Armed Special Force Power Act in Northeast India and especially in Jammu and Kashmir territory. You know, the very India that prides itself to be the world's largest democracy, you know, has adopted for itself the very repressive, oppressive, and inhuman instruments to subjugate and people much against their wills and aspirations. And, you know, this amendment has been amended again. It has been implemented in 1986, but still then it is amended in 1972 and 1986, and has empowered the military power and the paramilitary war machines, you know, with unlimited power to extend their evil clause and judicial impunity to arrest, torture, kill, and to commit everything inhuman, you know. For more than 60 years, Northeast people
especially the Nagas and the Kashmiris have been, you know, suffering from the colonial mindset of the Indian government. And we cannot blame Indian government. We respect and honor Indian citizens and our government. But the question is, we have seen almost all peoples around who people who live in Kashmir in Northeast, most of the fields burned down several times, women falls and mothers disgrace, men fall arrested with warrants, jail without trial, or are, you know, history is rewritten and indigenous culture practice spat on. And, you know, this is how it has been manipulating and torturing. The simplicity of our human life and the joy of living has been, you know, taken away, terribly exposed to frustrations of colonialism. And this is what we are facing today, even for these many, many years. And so every time the dignity of livelihood, existence, not only that freedom and happiness is, you know, trampled upon without any remorse by the government of Indian agencies. You know, these perpetrators, again, they receive medals, awards, and honors for victims. You know, the government's war machine kill, arrest, rape, loot, or tortures, and they continue to be free from any legal persecution. You know, this is something that we need to focus the Armed Special Power Act, you know, 1958, which has been, you know, imposed upon the land of, you know, Northeast, especially in Manipur, Nagaland, and some part of Arunachal, and also in some part of Assam, you know, in many places. You know, this has been conflict, protect, and defense the Indian military and intelligence personnel for violating human rights. And so the security, the, you know, the clear contraventions of this existing international standing on war ethics, human rights, and entitlement to which India is also a, you know, signatory for this. And then, you know, we have been facing this. Now, I would like to substantiate the story about the affairs of the people of Northeast under the, you know, Armed Special Force Power Acts regimes by the chronological exiting major atrocities perpetrated upon Northeast and Jammu and Kashmir. And so I, if I note down and explain one by one, there are a lot of, there are numbers of people, you know, as incident that has taken place. And I have already sent before in 2014 or 15, Pravinji, we had a meeting in Raipur. Even that time, I already presented one book, which is written, Justice Never Come. Justice Never Come, written by Nandita Laskar. And then she's an advocate. She forced, as you know, she has been working for this for many, many years. She has written a huge book, you know, on July 1987, that we call it Operation Bluebird. You know, that was launched by the 21 Assam Rifles on July 9, 1987, which lasted till October 1987. You know, 27 person were killed, 3 women were raped, and 5 women sexually molested. More than 300 person were, you know, tortured by the 21 Assam Rifle. 125 residents' houses were burned. 122 houses were dismantled. 6 schools and 10 churches were dismantled. A book written by, you know, Nandita Laskar. It says, justice never come. The question is, who will defend this injustice in India? No. You know, we are facing this. And even, you know, the Shiri incident, when we talk about Nagaland, and this incident has taken place in Manipur. And in Nagaland, you see, on 27 December 1994 at Mokokchung, you know, 7 civilians were gunned down. Another 5 were burned alive, including one infant, and more than a dozen individuals were missing. 89 saw 48 houses, 17 vehicles, and 72 wheelers were raised to ages, excluding those destroyed by gunfire and sailing. You know, this is how it has been happening. And recently,
If I say recently on 4th of December 2021, outing in a village in Mokokchung, I'm in the Mon district. You know, while 8 innocent coal miners were running and returning home from a mining site, and 6 civilians were brutally killed in cold blood in broad daylight, while 2 were gravely, you know, injured by the 21 para forces of the Indian Army. You know, this is another 7 civilians who belongs to the search party were mercilessly killed on the fed that evening itself again. So on the following day, another civilian was killed while protesting against the atrocities perpetrated by the armed forces. You know, the fact that the above mentions, you know, there are a lot of issues, dehumanizing and atrocities acts committed upon the Nagas and also the people in the Northeast, and especially in the Jammu and Kashmir territories, Union territories. You know, all this you see, the problem that we are facing. Now, this is what, you know, if all the human rights defenders come up and then defends this human rights, practically we see with our eyes, and for what purpose, how many people are not defending, how many people do not know this story? Everyone knows, and openly it has been, even the book has been, you know, flowers and everywhere it's there, and we cannot blame our nation. But the people who are ruling, they should understand why this reality is going on. What is the, you know, genuine aspirations of the people? You know, we should not allow the things to happen, whether they like it or not. It has to go like that. It's not the way we should have. You know, we have to see the human, you know, mental, the human sentiment. What really they feel it, what they really they like it, whether this is legitimate to do or this is right. You know, willingly, we personally, individually know it is violating human rights. Knowingly, we could not able to see this differentiation. And so my appeals today to this all these human rights defenders, and all the others related organizations, you know, let us fight for these human rights. Let us defend for them. Let us join together and just leave off this AFSPA. You know, especially even this time, you know, this is a consequence. On 13th November 2021, last month, ambush incident at Churachandpur, you know, everyone, the whole nation heard about this, where Colonel Tirupati, you know, 46 SM rifle, his wife, sons, and 5 soldiers were killed. You know, this is, I feel so pained. I can't able to express the pain that, you know, we see. Other things are okay, but killing his wife and the son, who will spare this? You know, it is unforgivable incident that has taken place. And on the other side, you know, that just happened in Oinam incident. And on the other side, from Indian side, you know, this is all happening. It is all there, directly or indirectly, incident that has been taking place because of this AFSPA. Now, special arms, special arms. Now, from both ends, we are suffering. We cannot bear this. And it is heartbreaking. I respect honors, and who will say that, who will support to this kind of people who have already killed our Colonel Tirupati, his wife, son? You know, nobody will forgive this. Nobody will forgive this. But this kind of incidents are happening in Northeast and even in Jammu and Kashmir. Now let us see. This can, and not only that, you see, during this corona, since last year March till today, you know how many human beings has been violated, how many people are coming for defending this? So a lot of issues are there. So I would request you just help out in Jammu and Kashmir territory as well as in Northeast, and and especially this disrupt area.
there are some issues, problems that we are facing. We know that. But we have to see the real sentiment of the people there. What they please feel. Please conclude, sir. So, for this, I appeal you to join hands together to remove this outspot so that let people live peacefully. And also, let us find their consequences and let us help out. Thank you so much. Thank you so much. May God bless you. And thank you for listening. Thank you for sparing me a precious time. May God bless you. Thank you very much, Mr. Robin. Dr. Robin, rather. I request you to send us a note on this one, what that should contain the issues pertaining to Northeast particularly, and what are the recommendations, what you want as a solution. So bring that thing that will be incorporated in our charter of demand when we submit to NHRC in near future. Second thing for your information, we are already planning to have a webinar on specifically on this issue, the Armed Force Special Power Act, and for which we are in touch with some people, including top army men, so that we can bring all the stakeholders together and discuss what could be the solution, where the human rights violation should stop. Thank you, sir. And I again hand it over back to Sivananji. Or Madhav, okay. Sorry, Manojji. Manojji is... And next speaker is Bhagwanji Rayani. Yeah. Ravinji. Yes, sir. You call Bhagwan Bhai Ji. Baba, moderator, aap hai. You introduce. Bhagwanji Bhai Rayani, sir. I'll just now call him. Yeah, please. He's there. I don't see him on the screen. He's there. I don't see him. One. Hello. अभी दो स्पीकर है ना. Telephone was from Bhagwanji Bhai. Uh-huh. He has some technical problem with his internet connectivity. So bring some other gentleman in between. He will be joining after 5-7 minutes. Raj Kachurji, I don't think he has joined. His battery is down. He is joining in 10 minutes. Bhagwanji Bhai is on the line. Okay. Then who else? Raj Kachurji. Robin. Baki to aur koi nahi hai. Bhai, aap bhi thoda sa chalu kar lijiye. Nahi, to better hai. Vijay Paliwal ji, aap 5 minute boliye. And then Manoj ji, till Bhagwan ji comes, we can discuss about the recommendation and the charter of demand, etc. Yeah. Joints we'll have, and then we'll finalize. This is very important, I think so. Yeah. Paliwal ji, aap 2-3 minute bol dijiye. बिल्कुल. मनोज जैना जी, एक्चुअली आज जो हमारा पूरा डिस्कशन चल रहा था उसमें काफी आरटीआई एक्टिविस्ट भी थे, काफी ह्यूमन राइट डिफेंडर भी थे. तो मेन जो मुद्दा है, जो अभी बात हमारी कर भी रहे थे, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली एडमिनिस्ट्रेशन में जाता रहता हूँ, कलेक्ट्रेट वगैरह में, और कोर्ट्स में मेरा जाने का ऑलवेज चलता रहता है. तो ज्यादातर जो से आप बात कर रहे थे कि अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन जो होता है तो कोई भी आदमी एसडीएम के पास में या फिर डीएम के पास में जाता है या एडीएम के पास में जाता है. जनरली एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन राइट एंड लॉ एंड ऑर्डर एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. और प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर सपोज करो उसने कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है और उसके ऊपर में ह्यूमन राइट वगैरह का भी इशू है, कोई भी इशू है, तो अगर उसका कुछ हो नहीं रहा है तो वो फिर आरटीआई एप्लीकेशन लगाएगा, नेचुरली है. और आरटीआई भी देखा जाए तो इट्स ऑल्सो अपना फंडामेंटल राइट है एज पर एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसर्न. लेकिन उसको जब आरटीआई में भी अगर नहीं मिलती है तो आप ये देखिए, इट इज वेरी डेंजरस कि जो पब्लिक पीपल्स इशू उठाते हैं उनके ऊपर में हमला होता है.
खतरनाक हमला होता है। हम लोगों ने ये पिछली बार यहाँ पे सेशन रखा था, कोटा में काफी बड़ा सेशन भी रखा था, क्योंकि आप देखिए व्यापम वाला मुद्दा है, फिर राजस्थान के अंदर तो हमले बहुत ज्यादा हुए हैं, हम राजस्थान के अंदर तो हमले रिपोर्टेड भी नहीं हुआ है। आप देखिए जो आरटीआई का जो कानून आया था वो राजस्थान से आया था, और अरुणा राय और निखिल डे जब आए थे तो शंकर जी हैं, शंकर जी के ऊपर में खुद के ऊपर में हमला हुआ था, शंकर जी के ऊपर में जो वसुंधरा जी का क्षेत्र है उसके अंदर में हमला हुआ था, और उसका जो शंकर जी वाला मैटर को हम लोगों ने उठाया था सबसे पहले। तो अगर ये जो ह्यूमन राइट जो हैं, और अगर हमारा इस तरह से बार बार हमले होने लग जाएं, तो आप सोचिए कि ह्यूमन राइट तो गया, आदमी अपनी जान बचाएगा पहले, और हमारे को जितने एक्टिविस्ट हैं पर्टिकुलरली उनको पूरे हिंदुस्तान के हैं, क्योंकि प्रवीण भाई से मेरी काफी डिटेल में इस बारे में पहले भी बात हुई है, क्योंकि हमारे को सारे हिंदुस्तान के एक्टिविस्ट को जोड़ना पड़ेगा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। और वही बात जगदीप छोकर जी भी वही बात बोल रहे थे, क्योंकि क्रिमिनल्स आर एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स, तो अगर हमारे मेजोरिटी के अंदर में बड़े सदनों के अंदर भी अगर क्रिमिनल बैठे हुए हैं तो हमारे राइट को कौन प्रोटेक्ट करेगा। इन सब मैटर्स के ऊपर भी हमारा चर्चा किया जाना बहुत जरूरी है। प्रवीण भाई मेरे को आप जस्ट आप उंगली खड़ी करके मेरे को बता दीजिएगा, भगवान जी एंटर होने के बाद में फिर भगवान जी का ही रोल रहेगा। तो नहीं, एक मिनट, हाँ भगवान जी के पहले हम लोग अपना चार्टर ऑफ डिमांड और रेजोल्यूशन के ऊपर डिस्कस करना है। ओके ओके, हाँ, ओके। तो आप एक आध मिनट में कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, तो मेरा यही मानना था कि हमारे को ये जो ह्यूमन राइट की बात हम लोग करते हैं ना, तो ह्यूमन राइट तो एक्चुअली हमारा जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बोलता है, नॉट ओनली अबाउट ह्यूमन राइट बल्कि पूरा लिविंग बीइंग का राइट के बारे में, और जहां तक हम लोग अगर पूरे दुनिया में अगर मानव पूरी प्रजाति की लिविंग प्रजाति की बात करें तो ह्यूमंस तो पूरा जो अगर पूरा उसके हिसाब से देखें तो दैट रिप्रेजेंट ओनली 0.01 ऑफ ऑल स्पीसीज जो पूरी पृथ्वी के ऊपर में जितनी स्पीसीज है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा अगर धरती को हानि अगर पहुंचाते हैं तो ह्यूमन बीइंग ही पहुंचाते हैं, और ह्यूमन बीइंग को भी सबसे ज्यादा कोई हानि पहुंचाते हैं तो वो भी ह्यूमन बीइंग ही पहुंचाते हैं। तो मेरे हिसाब से हम लोग इस चीजों को थोड़ा सा आगे लें, और ये मुद्दा जो है जो पर्टिकुलरली जो राजस्थान वाला मुद्दा है उसको तो हमने उठाई दिया, उसको आगे तक लेके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई। थैंक यू सर। नमस्कार, क्या मैं एक मिनट ले सकता हूँ? अक्षय गोस्वामी दिल्ली से। मनोज जी। हाँ जी, अक्षय जी बोलिए। हाँ सर, मेरा ये कहना था कि जो कुल मिला के जो बात आती है, देखिए फंडामेंटल राइट्स हो गए, ह्यूमन राइट्स हो गए, मेरा जो अपना मानना है कि देखिए जहां पर जो किसी भी राइट का किलिंग हो रही है, वायलेशन हो रही है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की जा रही है। मेरा ऐसा कहना है कि जितने भी बैल या जो आरटीआई एक्टिव से अगर ह्यूमन राइट से उनको सपोर्ट मिले तो शायद कुछ सॉल्यूशन निकले, क्योंकि काम हर एक आदमी जो भी आज हर एक आदमी सफर एक जनरल आदमी सफर कर रहा है अपनी अर्निंग के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो अधिकार के लड़ने के लिए क्यों आगे नहीं बढ़ते? क्योंकि उनको बेसिकली सपोर्ट नहीं मिल पाता अपनी लाइफ को किल करके। आज मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं गन पॉइंट पे, मुझे थ्रेड मिल रही है, यानी कि जैसे अभी सर कह रहे थे राहुल सर जी कि भी आप टोटल मीटिंग में ये चलाए कि आप डीएम को अप्रोच करिए, एसडीएम को अप्रोच करिए। सर स्टेट में बताइए, गवर्नर से बड़ा भी कोई होता है क्या? अगर गवर्नर के ऑर्डर पे कार्रवाई नहीं होती और मुझे थ्रेड मिलने में गन पॉइंट पे आया हुआ तो आदमी पब्लिक जाएगी कहाँ? अगर मेरे साथ ऐसा कल को हो जाता है तो 10 आदमी तो और भी नहीं आएंगे साथ में। जो कोई साथ आना चाहे तो वो क्यों आएगा? वो कहेगा, एक उदाहरण हो जाएगा कि उस बंदे ने आवाज उठाई करप्शन के अगेंस्ट या एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, हुआ क्या? डेड बाई किल ऑन दी रोड, शूट आउट। तो मेरा एक रिक्वेस्ट था कि जो आईटीआई वर्कर्स हैं उनको सपोर्ट मिले ह्यूमन राइट मेंबर्स के रूप में, और जो ह्यूमन राइट मेंबर्स हैं वो आईटीआई को तो यूज करते ही हैं। तो जैसे एक आईटीआई वर्कर है, आईटीआई पे काम करता है, देश के लिए करता है, समाज के लिए करता है, ह्यूमन राइट्स की अगर उनको सपोर्ट मिले एज ए मेंबर, तो हो सकता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन उनकी ना सुनता हो, मुझे इतना डिटेल नहीं पता है ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग, तो क्या हो सकता है कि वो जो आज डीएम के पास जा रहा है एक आईटीआई एक्टिविस्ट के रूप में, अब वो जा रहा है आईटीआई एक्टिविस्ट प्लस ह्यूमन राइट वर्कर, तो मैं समझता हूँ कि शायद जो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी बात को नहीं सुन रहा तो शायद सुन ले। थैंक यू गोस्वामी जी, वॉट एवर यू से यू काइंडली सेंड इट टू मनोज भाई, एंड वॉट एवर द सजेशन आर देयर, सो
so that we can include in the charter of demand. Okay, sir, I will forward the details. I will take the number with the Shivanand sir, and I will forward okay, send to Shivanand by Manoj by anyone, no problem. No, in the chat box, I have given my email ID or mobile number. Please. Okay, not an issue. I will send you, sir. Yeah. Okay. Manoj bhai, Bhagwanji bhai has joined. Okay. Goswami ji, बहुत बहुत धन्यवाद. ये अभी भगवान भाई जी रियानी जी अभी हमारा साथ जुड़ गए हैं. सर मेरा मनोज सर मेरा निवेदन था अभी रुके जितने भी स्टेट के ह्यूमन राइट डिफेंडर और आरटीआई एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं जो इसका जर्नल बेस बनाया जाए जो वहां पर लेटर भेजा जाएगा तो अगर स्टेट बाय जितने लोग किल हुए हैं या उनको थ्रेट्स मिले हैं या कई लोग ऐसे हैं जो अभी तक मैंने देखा है पढ़ा है कि 7 लोगों ने थ्रेट करने के बाद आत्महत्या कर ली तो अगर इस तरह से बेस अगर बनाया जाए अगर सभी लोगों के पास डेटा हो स्टेट वाइज तो अगर वो उसमें मेंशन कर दिया जाए उसको एक जो हम लोग ड्राफ्टिंग करेंगे वो उसमें स्पेसिफिक मतलब अगर नहीं स्टेट वाइज हो पाए फिर भी कितने को थ्रेट हुई कितने मार दिए गए या कितने पर हमला हुए और कितने लोग थ्रेट के बाद जो है उन्होंने आत्महत्याएं की तो ये अगर स्पेसिफिक डेटा एक हो ऑन डेट वाइज उनको भी ऑन जैसे जनरल सेक्रेटरी साहब के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के साथ रखा जाए तो जिससे कि उनको इजी हो और वो पूरे देश के ह्यूमन राइट डिफेंडर और आरटीआई एक्टिविस्ट को मेघराज जी मेरे बात सुनिए मेघराज जी अभी अभी जो सेक्रेटरी जनरल एनएचआरसी क्या कहा वो अभी एचआरडी के लिए कोई पॉलिसी नहीं है ठीक है ना अभी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर अगर कोई अटैक करता है वो जो आम जो सिटीजन के हिसाब से वो प्रोसीडिंग होता है मतलब थाना में आप आम सिटीजन अभी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर कोई स्पेशल कैटेगरी किसी ने नहीं मान्यता दिया है कोई स्टेट ने नेशनल ने मान्यता नहीं दिया स्टेट ने मान्यता नहीं दिया है हम लोग अपने जीवन को माने दांव पे ताम रख के काम कर रहे हैं तो ये जो आपने जो बात कहा कि ये एक पॉलिसी होना चाहिए और ये अगर पॉलिसी नहीं है तो डाटा कहाँ से मिलेगा डाटा सिर्फ जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से जो पिटीशन फाइल हुआ है एचआरडी के जो नाम से वही से डाटा मिलेगा और किसी ऑफिस स्टेट ऑफिस हो नेशनल ऑफिस है किसी से एचआरडी के खिलाफ भी कोई डाटा अवेलेबल नहीं होगा तो इसीलिए जो कुछ आपको डाटा वही एनएचआरसी से मिलेगा तो हम लोग इस पर काम करेंगे सुझाव भी रिकमेंडेशन देंगे अभी हमारे साथ भगवान जी रायनी जी अभी जुड़ गए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा भगवान भाई जी रायनी जी अभी फोरम फॉर फास्ट जस्टिस मुंबई के अध्यक्ष है और ये हमारे लिए भी एक मार्गदर्शक है भगवान भाई जी मार्गदर्शक है काफी फास्ट जस्टिस कहो और जुडिशियल रिफॉर्म कहो और भगवान भाई जी बहुत काम किए हैं और ये काफी उन्होंने रीट पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत रीट पिटीशन फाइल किया है वो एक मिसाल है हमारे लिए एक उदाहरण है भगवान भाई जी रियानी क्योंकि अभी हम जो काम एचआरडी जो है वो मेरे ख्याल से वो सबसे सीनियर एचआरडी है हमारे बीच में भगवान भाई जी रहने तो वो सबसे सीनियर ठीक है लेकिन कोई भी हो चाहे मेघराज जी बीच में डिस्टर्ब मत करिए अरे वो आप ऑनलाइन ऑफ इंडिया शिवानंद भाई बंद कीजिए माइक सब फंडामेंटल राइट्स क्या चल रहा है ये यस सर हां तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा भगवान भाई जी रियानी जी वो अपना बात रखें भगवान जी भाई प्लीज अनम्यूट आपका माइक हेलो यस हाँ सुन रहे हैं सर अच्छा देखिए अभी अभी लास्ट में थ्रेट जो होते हैं जो ऐसे काम करते हैं ह्यूमन राइट्स के और दूसरे इसके लिए थ्रेट्स होते रहते हैं मेरे पर भी एक दफा मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा था 3 साल पहले की बात है तो मैंने एक रूलिंग पार्टी के एक पॉलिटिशियन थे उसका नाम लिया
कि ये इलीगलिटी आचर रहे हैं, तो उसको एक सीनियर सीनियर ऑफिसर को उधर भेजा जाए और कॉग्निजेंट ऑफिस ऑफेंस है इसके लिए उसका रिपोर्ट लेके इमीडिएटली उसकी अरेस्ट किया जाए। मगर कोर्ट ने वो तो सुना नहीं, मगर उन्होंने इमीडिएटली ऑर्डर दिया, जैसा अभी मनोज ने कहा कि बार बार मैं कोर्ट में जाता हूँ, ये एवरी पिटिशन ऑफ माइन इज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। तो इसके लिए इनको लगा, आफ्टरनून जब मैं नहीं था तभी जजीद को लगा कि ये रियली इनके ऊपर कुछ थ्रेट जरूर है, तो उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया कि भाई इनके लिए सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे उनके लिए प्रोटेक्शन दिया जाए। तो अभी बिफोर कोविड आया और अभी अभी तक 1.5-2 साल से, पहले मेरे साथ 4 साल तक प्रोटेक्शन रहता था, बाद में अभी ज़्यादा मैं बाहर नहीं निकलता, घर से बाहर और ऑफिस से बाहर नहीं जाता, इसलिए मैंने बंद करवा दिया। और ये मेरा कहने का ये है कि ह्यूमन राइट्स को जो डिफेंड करते हैं वो अनआर्म्ड होते हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं होता है, उनके पास लाठी भी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, तो उसके लिए उनका उनके ऊपर अटैक होना काफ़ी स्वाभाविक है, और उसमें ये लड़ते लड़ते मर भी जाते हैं। और मेरे पास दो प्रोटेक्शन वाले पुलिस होते, वो कभी 20-25 का कोई आ जाता तो उसमें मेरा क्या हो सकता था, कुछ नहीं। दो पुलिस क्या कर सकते हैं, जब भी पूरा एक टोली आ जाता है तो उसके लिए कुछ ये ह्यूमन राइट्स में जो हम प्रवक्ता हैं वो भी उसमें कुछ नहीं कर सकते, शायद दो दो प्रोटेक्शन होके फिर भी मर जाते हैं। अभी देखिए आगे मैं पढ़ता हूँ, इसके लिए ये बोलता हूँ कि भाई ये जो AFSP आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट की जो बात है वो 1958 में इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ सुधार करके शुरू किया, मगर उसमें ओरिजिनली इट वाज एस्टैब्लिश इमीडिएटली आफ्टर द 1857 स्वतंत्र संग्राम हुए, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार गया विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के तहत और ब्रिटिश राज का शुरू हो गया। 1858 से वो शुरू हुआ है ये आर्म्ड ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट स्पेशल पावर, तो उसमें अभी अभी देखते हैं कि भाई अभी अभी ये नागालैंड में 14 आदमी को मार दिया पुलिस ने और बाद में बोले कि हमारी गलती हो गई, मगर ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके आगे जाते हैं तो इंटरनेशनल जो कोवेनेंट्स है ह्यूमन राइट्स का, उसकी शुरुआत 1948 में हुई और उसके बाद कितने भी कोवेनेंट्स बने, कितने भी रेजोल्यूशन बने, ये सब में इंडिया इज अ सिग्नेटरी, एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मगर मेरे पहले जो जो महानुभाव आए सबने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, जितना जितना मैंने देखा इट वाज एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन, और अपने अपने क्षेत्र में वो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं और हमारे जैसे लोग भी उनको देखते हैं कि अच्छी तरह से वो सब काम हो रहे हैं, मगर हमारा जो काम है, हमारा जो हमारी आवाज़ है वो सरकार तक बराबर पहुंचती नहीं है। इधर नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, स्टेट कमीशन से सबसे, मगर एक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दे आर ऑल एडवाइजरी, अफकोर्स उनके पास पावर से समन करो, वारंट भेजो उसको बुला के उनको सुनने का, इन्वेस्टिगेशन करने का, उनके घर पर रिकॉर्ड कलेक्ट करने के लिए ऑफिसर को पूछना, ये सब बराबर है, मगर उनके पास सब पनिशिंग का पावर नहीं है कि किसी को इसमें करो और जेल में डालो, दे हैव टू अप्रोच टू द कोर्ट ऑल्सो इट दैट वे। तो इसके लिए कभी कभी लगता है कि भाई ये कमीशन जो बनाए ह्यूमन राइट कमीशन, दे आर मोर और लेस टूथलेस हो जाते हैं हमारे पास। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उन्होंने तो रेशियल एलिमिनेशन प्रोटेक्शन टू ऑल वीमेन चिल्ड्रन एट्सेट्रा, मगर फिर भी उसके रिजल्ट बराबर नहीं आते। हमारे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसमें 51 मेंबर्स है, उसमें 26 काम कर रहे हैं, बाकी का 51 की तो वैकेंसी पड़ी है, वो क्या काम करते होंगे। तो इसके लिए ये इनके पास सीओ मोटो पावर से मर विटनेस को बुला के उनको हियर करने का, उनको रिपोर्ट तैयार करने का और सरकार को भेजने का। इसके बजाय सरकार को तो आप और हम जानते हैं कि सरकार को क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है। इसके लिए आगे बढ़ते हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 2009 में हमारी सरकार ने बनाया, इतना लेट, जब 1958 में ये शुरू हो रहा है और एक्ट बन रहा है 2019 में। इसके अलावा मगर ये तो कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, पुलिस एक्ट भी है, इंडियन पिनल कोड भी है, और ये सब होने के बाद भी जो हम चाहते हैं कि भाई क्रिमिनल भाई और बहनों, मैं दुनिया के 34 कंट्रीज में घुमा हूँ, मगर मैंने किधर भी नहीं देखा कि जो हमारे यहाँ हमारे न्यूज़पेपर में देखते हैं तो आधा न्यूज़पेपर तो ये लूट मार क्रिमिनल बलात्कार ऐसे ही भरा पड़ता है। मगर इसके लिए भी हम बोलते हैं कि निर्भया का केस आया, उसका एक्ट भी आया, मगर फिर भी ये बलात्कार तो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ता जाता है, उसको कुछ नहीं करता है। गवर्नमेंट बार बार बोलती है लोकसभा में राज्यसभा में और बाहर भी कि इसके लिए अवेयरनेस होना चाहिए, मगर अवेयरनेस किसकी तरफ से होगा? गवर्नमेंट तो कुछ करता नहीं है, प्रजा के पर छोड़ देते हैं कि आप अवेयरनेस करो अवेयरनेस करो। ये अवेयरनेस के ग्रुप भी हैं, जैसा ये मनोज चला रहे हैं और भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, मगर इसका कितना असर पड़ते हैं वो तो हम ही जानते हैं, क्योंकि आवाज़ तो पहुंचती नहीं है सत्ताधारियों को। इसके लिए केशवानंद भारती वर्सेस एक केरला, उसका एक बहुत बड़ा ये लैंडमार्क जजमेंट आया 1973 में। तो 13 जजेस वो करते थे और काफ़ी बड़ा अच्छा जजमेंट आया, उसमें स्पष्ट किया है कि भाई जो मौलिक अधिकार है जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के डॉक्यूमेंट्स में है और हमारे जो हमारे एक्ट्स हैं उसमें भी जो लिखा गया है वो एक मौलिक अधिकार है, उसको गवर्नमेंट नहीं तो संसद भी उसको ये नहीं कर सकती है। मगर एक मैं बार बार कोर्ट में बोलता हूँ और लिखता भी हूँ हमारे मैगजीन्स में भी कि भाई ह्यूमन राइट्स वायोलेशन जो होते हैं
सबसे ज्यादा कोर्टों में होता है। आपको पता है कि 25-30-40-40 साल तक आदेश कोर्ट का जजमेंट आता नहीं है, और बाप जब भी फाइल करेगा कोई केस और पिटीशन तो वो तो मर जाता है। एक इंस्टेंस में देता हूँ कि बड़ौदा में एक मेरी जमीन है और उसमें हम 10 लोग पिटिशनर हैं, उसमें से 5 तो मर गए 36 साल के बाद। अभी 36 साल के बाद वो पड़ा है गुजरात हाई कोर्ट में, वहाँ तक सुनवाई नहीं होती है, तो पूरा हिंदुस्तान मर रहा है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 1,460,00,000 केसेस पेंडिंग है इंडियन फॉरेन में, एक एक में 3-3, 4-4 ये पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट्स होते हैं, और उसमें से 4-5 हर एक रिस्पोंडेंट और पिटिशनर को 4-5 फैमिली मेंबर्स होता है, तो करोड़ों लोगों 50-60 करोड़ लोग अभी सरगर्म हैं। हमने प्रेजेंट किया है हमारे मैगजीन में और हमने समझाया है बार बार जाके पॉलिटिशियनों को कि भाई एक एक ये अमेंडमेंट लाओ और सुप्रीम कोर्ट में एक ये लाओ कि भाई सुप्रीम कोर्ट की 4 और ब्रांचेस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में होनी चाहिए। तो ये कोर्ट में और ने भी कोई गया था मगर नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो बोलती है कि नहीं 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 इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी देखो नेचा चेन्नई में कोई किसी ने पिटीशन किया है और डिपेंड कर रहा है, ये टू ट्रैवल बाय ट्रेन बाय अबाउट 40 आवर्स, उधर जाके फिर भी डेट पड़ती है तो वापस आता है। तो मतलब ये ह्यूमन राइट्स वायोलेशन कोर्ट में ही हो गया। जो मैंने एक यादी तैयार की है, बिफोर आई कंक्लूड दिस आई वुड लाइक टू रीड इट, के पिटिशनर्स गेव ए लिस्ट ऑफ 18 ह्यूमन राइट वायोलेशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन नेशनल ग्रोथ। एक पिटिशन मैंने एडमिनिस्ट्रेशन सुधारने के लिए हाईकोर्ट के सामने रखा है, वेर द हाईकोर्ट इज द डिफेंडर एंड आई एम द पिटिशनर। उसमें मैंने लिखा है कि भाई इम्पैक्ट ऑफ ए कोर्ट का डिले, दैट इज ह्यूमन राइट्स वायोलेशन जो कोर्ट में होता है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कि मोरल स्टैंडर्ड डाउन, नंबर 2 एटीट्यूड डेवलप फॉर स्वेलोइंग इनजस्टिस, मुझे इनजस्टिस हो रहा है कि फेरो कोर्ट में नहीं जाना, किलिंग द स्पिरिट ऑफ फाइटिंग फॉर जस्टिस, फाइटिंग फॉर जस्टिस दुनिया भर में करता रहो, एज इन अवर केस फोरम फॉर फास्ट जस्टिस, सिंस 15 इयर्स वी आर फाइटिंग बट देर इज नो रिजल्ट, नोबडी वांट्स टू लिसन टू अस लाइक दैट, क्रिमिनल्स इन सोसाइटी एम्बोल्डन, क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स प्रोस्पर, गवर्नेंस बिकम्स इनएफिशियंट एंड अनफ्रेंडली, करप्शन इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर flourishes, judges tend to become corrupt, a crop of middlemen operates, conduct rampant corruption, investment climate adversely affected, environmental pollution increases, lawyers tend to become exploitative, billions of productive man hours wasted, democratic values suffer, nation losing image at the international level, growth suffers, country ruins, encourage human rights violation, rights of women, children, prisoners and socially backward not protected, the respondent didn't care to reply this letter. Santo ke yehi hota rehta hai. Please conclude. आई एम कंक्लूडिंग दिस के भाई ये सब तो लड़ते रहते हैं, आप भी लड़ते रहते हैं, हम भी लड़ते हैं, और जो सेंसिटिव लोग हैं हमारे सोसाइटी में ये बहुत दुखदायक है उन सबको लिए, मगर उनका परिवार है
उनका बिजनेस है, सबको संभालने के बाद ये फील्ड में आ नहीं सकते डिफेंडर्स के लिए। इसके लिए मुझे तो ये अपना हिंदुस्तान का भविष्य ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 100 ईयर्स ऑल्सो ऐसा ही जो चलता रहेगा तो मुझे लगता है कि इंडिया का अस्तित्व भी शंका में पड़ जाएगा। तो मनोज जैना, आपने बहुत अच्छी तरह से ये सेमिनार वेबिनार अच्छी तरह से कंडक्ट किया है पूरे दिन के लिए। बहुत बहुत एक्सपर्ट्स को हमने सुना है और इसके लिए कुछ न कुछ तो रिजल्ट इसको आना ही है, मगर सत्ताधीशों को पहुंचे नहीं पहुंचे, एक समय ये आएगा कि मेरे और आपके जैसे लोग ये कोर्ट का दरवाजा खटखटा के कुछ न कुछ तो न्याय जरूर मांगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी सो पेशेंटली एंड क्वाइट सो लॉन्ग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भगवान भाई, आपने जुडिशियल बॉडी का दरवाजा खटखटाते हैं, मैं क्वासी जुडिशियल दरवाजा खटखटा दूं। तो ये हमारा यही कोशिश रहता है कि जस्टिस कैसे मिले, और कमी है लेकिन हम भी यही तो हमारा जो रूल ऑफ लॉ है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जुडिशियल सिस्टम है, उस पर भरोसा करना चाहिए और उसको भी हम मॉनिटरिंग सुपरविजन कहो और उसको भी हम पिटाई करते रहेंगे, और ताकि जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, जो विक्टिम के लिए हम लड़ रहे हैं, उनको कैसे जस्टिस मिले, न्याय मिले, ये हमारा कोशिश रहता है। तो चाहे हमारा जीवन इसके लिए बाजी में रख के लड़ रहे हैं कि जो हो, लेकिन हम अपना लेवल में उसको करते हैं। थैंक यू, आपने अपना वो अनुभव शेयर किया और हमको भी प्रेरणा दिया, और काफी हमारा साथ भी जो यंग डिफेंडर जुड़े हैं उनको भी आपसे सीख के प्रेरणा मिलेगी कि आप इतने एज में भी दूसरे के लिए बा लोगों के लिए कॉमन कॉज के लिए आप लड़ते हैं। थैंक यू। तो अभी हम राज कच्चू जी आए हैं, प्रवीण जी नहीं आए, तो हम अभी क्या वो रिकमेंडेशन पार्ट को जाएं? या तो अभी सभी का धन्यवाद देते हैं, सभी का धन्यवाद देते हैं। अभी बाकी हम 10-15 मिनट में की जो डेटा रिप्रेजेंट करना है, तो सर देखो डिफेंडर नहीं तो चाहे वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो चाहे विसिल ब्लोअर हो, तो सबके ह्यूमन राइट तो है ही है, तो उन्हीं को देकर के एनएचआरसी आदेश नहीं अगर रिकमेंड कर दे तो शायद उस रिकमेंड से एक होम मिनिस्ट्री या चीफ सेक्रेटरी और उसमें कोई आदेश जारी हो जाए। मेघराज जी आपको हमने बोला कि आपका जो भी सजेशन है, रिकमेंडेशन है, काइंडली मेरे नंबर पे शेयर कीजिए। तो अभी अभी हम वही उसी पार्ट को जाते हैं, अभी लास्ट में, अभी जो 10-15 मिनट में हम खत्म करेंगे, शेष करेंगे, तो अभी रिकमेंडेशन पार्ट को जाते हैं कि दिन भर से अभी जो चर्चा हुआ सुबह से लेकर 11 बजे से लेकर अभी तक जो पूरा होल डे को हमने चर्चा किया, अभी हमको जो ये कन्वेंशन का लास्ट में हमको ये मिनट्स बनाना है, और जो एसजी एनएचआरसी ने कहा कि उनको भी एनएचआरसी को भी रिकमेंडेशन देना है, तो मैं अभी सभी से आग्रह करूंगा कि आपका पॉइंट टू पॉइंट रिकमेंडेशन दे, ताकि मैंने ज्यादा बात ना करके सिर्फ पॉइंट में क्या रिकमेंडेशन है दीजिए। प्रवीण जी आप नोट कर लीजिए, नहीं वो रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा ठीक है फिर। सबसे पहले तो इसमें एक चीज, मनोज जी, प्रवीण भाई, धन्यवाद, और इसमें एक चीज तो ये जोड़ी जाए
जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, वैसे हमने एक आपको ऑर्डर भी शेयर किया है, ऑर्डर का एक्चुअली वो पार्ट है। राहुल सिंह जी ने मध्य प्रदेश सूचना आयोग में एक केस हुआ था, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था एक घटना, उसके विषय में हमने जब मामला सूचना आयोग में रखा तो उस पर उन्होंने एक्शन लेते हुए ये कुछ सर्कुलेशन जो जारी हुए थे डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री वगैरह से, इनका एक अनेक्सर उसमें उन्होंने प्रतिलिपि उसमें भेजी थी। तो उसमें लिखा हुआ है कि एनएचआरसी का भी ये मानना है कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे, मतलब उनके ऊपर अटैक यदि है तो मतलब वो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स के ऊपर है। तो इस बात को एक बार पुनः रीइटरेट किया जाए और एनएचआरसी को ये बात बताई जाए कि ऐसा ये बार बार हो रहा है तो इस पर वो मतलब इस पर वो संज्ञान लें। हमारे ख्याल से ये ज़्यादा जरूरी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आरटीआई से जुड़े हुए लोग ज़्यादा हमारे पार्टिसिपेशन में हैं, इसलिए बार बार वो अपना कंसर्न रेज कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमारी तरफ से एक पॉइंट इसमें नोट किया जाए। जी शिवानंद जी, मैं ये बोलूंगा कि आरटीआई एक्टिविस्ट भी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है। ह्यूमन राइट्स डिफेंडर नॉट ओनली जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज में, आरटीआई भी ह्यूमन राइट्स में आता है। वोमेन राइट्स पर जो काम करते हैं, चाइल्ड राइट्स पर जो काम करते हैं, फॉरेस्ट राइट्स पर जो काम करते हैं, दलित राइट्स हो, SC ST हो, माइनॉरिटी राइट्स हो, लैंड इश्यूज, लैंड राइट्स एक्टिविस्ट हो, ये सारे जो एक्टिविस्ट लोग में जो वाटर राइट्स पे काम कर रहे हैं, सब ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है। तो आरटीआई एक्टिविस्ट भी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है। इवन जुडिशियल रिफॉर्म में जो काम करता है फास्ट जस्टिस के लिए, वो भी HRD है, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है। तो ये भी उनको मानना नहीं है, NHRC भी उनको ही माना है ह्यूमन राइट्स डिफेंडर। अभी हमको पूरा क्लियर ठोस सजेशन देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, मेरा जो सुझाव एक दो दूंगा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ह्यूमन राइट्स में जो बहुत सारा ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए मैं अपने जो ये फोरम के तरफ से, जो आज जो नेशनल कन्वेंशन हो रहा है फोरम के तरफ से, तो एक तो प्रस्ताव आया था, एक तो मनोज मेरा एक सजेशन है जी, कि जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 2019 जो बना है, उसमें गवर्नमेंट को अपने रेजोल्यूशन जो भी बना रहे हैं उसके रिकमेंडेशन भी में भी लिखना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स स्टेट और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उनको ये पावर्स देना चाहिए अमेंडमेंट करके, कि भाई उनको प्रोसिक्यूशन का पावर भी होना चाहिए। अभी इनके पास प्रोसिक्यूशन पावर नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, समन करते हैं, रिकॉर्ड निकालते हैं, वो सब पावर्स है जी, समझ गया। प्रोसिक्यूशन का पावर्स नहीं है। जी जी, बहुत अच्छे बात आपने बोला कि ये जो 2019 में इसका अमेंडमेंट हुआ है, पहले तो 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ, जिसके तहत NHRC बना, और ये अभी ये रिकमेंडेशन, अभी ये रिसेंट रिकमेंडेशन हुआ। आपने ठीक बोला कि उसका प्रोसिक्यूशन पावर होना चाहिए, सही बात है, ये एक एक पॉइंट हुआ। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मनोज जी। जी, मेरा एक सजेशन ये है जी, NHRC के पास जब कंप्लेंट फाइल करते हैं, उन लोग उस कंप्लेंट की जांच करने के लिए पुलिस को भेजते हैं। इन सर्टेन केसेस, जो मेरी खुद की जो कंप्लेंट अगेंस्ट द पुलिस किलिंग पीपल, मैं बस्तर की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में, वहां पे उन्होंने विद एविडेंसेस दिए हैं, इंक्लूडिंग वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द सरपंच, उन्होंने सर भेजते हैं पुलिस को, DGP को, वी आर फाइलिंग कंप्लेंट अगेंस्ट द पुलिस दैट दे हैव किल्ड पीपल एंड इट गोज टू DGP, और DGP खुद जो है उसको बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ करके खत्म कर दिया और केस वॉज क्लोज्ड। तो इसमें कहेंगे कि जब पुलिस या जो भी एजेंसी हो जो जिसके खिलाफ कंप्लेन है, उसकी जांच इंडिपेंडेंट कोई दूसरी बॉडी से होनी चाहिए, नॉट बाय द सेम पुलिस। जैसे आपके पास में और भी सरकार के पास है, CBI है, दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, नहीं, या कोर्ट मॉनिटर्ड एजेंसी कर दे। नहीं नहीं, हम अगर बोलेंगे तो फैक्ट बोलेंगे कि अगर पुलिस के, अगर मान लीजिए कोई SP के अगेंस्ट में हम कंप्लेन करते हैं,
Yes. तो कौन उसको एसपी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट करेगा? जस्ट अभी अभी रिसेंटली ये जो केस हुआ है आपका टेनी का, क्या बोलते हैं लखीमपुर का, उसमें क्या हुआ? पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, पुलिस ने लिपापोती किया, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जो है केस विद हाई कोर्ट जज, वो मॉनिटर कर रहे, 3 IPS ऑफिसर बाहर क्या है? ये तो हाई लेवल का केस है, मैं हाई लेवल और लो लेवल की बात नहीं आती है, एक आदमी की जिंदगी की बात आती है, ह्यूमन राइट डिफेंडर की बात आती है, लो लेवल हाई लेवल, हाई लेवल लो लेवल से कोई लेना देना नहीं है, वी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ लखीमपुर खीरी। नहीं नहीं मैं ये बात हम कई बार भी रखा है, लेकिन हम उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप बताइए? सजेस्ट यही देंगे कि लखीमपुर खीरी का एग्जांपल है कि जिसके खिलाफ में मामला है वही उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो होता ही नहीं है। आप मान लीजिए कोई इंस्पेक्टर के खिलाफ है, हम अगर कोई कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? अभी प्रेजेंट एसपी इन्वेस्टिगेट करता है, अगर कोई पुलिस इंस्पेक्टर आईएसी के खिलाफ में, तो अगर एसपी के खिलाफ में कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? हम बोलेंगे कलेक्टर इन्वेस्ट करे? अच्छा, नो, कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो सकती है, दूसरी एजेंसी गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीआईडी है, सब कुछ है। एक चीज आपकी बात में अपन जोड़ना चाहेंगे मनोज जी, थोड़ा सा आधा मिनट का समय, ठीक है, मान लीजिए आपका कहना होगा, एनएचआरसी का कहना होगा कि हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है, वी आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन द स्टेट, तो ठीक है वो हम मानते हैं कि वो पुलिस से ही करवाएंगे, लेकिन आपके एनएचआरसी या एसएचआरसी में जो सबसे बड़ी कमी है मैं वो बताता हूँ, वो वहाँ से लेटर जारी करेंगे, पहला लेटर जारी करेंगे 4 सप्ताह में 8 सप्ताह में, फिर दूसरा तीसरा रिमाइंडर, और ये 4 रिमाइंडर के बाद में जब पुलिस या जो भी वायलेशन करने वाले लोग जब अपना जवाब देंगे, तो उसमें जो शिकायत करता है उसका कोई पक्ष नहीं लिया जाता, उससे संपर्क नहीं किया जाता, मतलब उसका बयान नहीं लिया जाता, उसके तथ्य नहीं लिए जाते हैं, जो रिपोर्ट जाती है तो एक्सक्लूसिवली पुलिस ने जो भी फैब्रिकेट किया हुआ है या जो भी वो पार्टी फैब्रिकेट करके वो बनाती है वही चला जाता है, और उसको कवर अप करते हैं। हाँ, बिल्कुल, हमें मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी रिसेंट एग्जांपल, एक जो एयरपोर्ट के अंदर अथॉरिटी है, रायपुर एयरपोर्ट की बात कर रहा हूं। प्रवीण जी, यस प्रवीण जी, ये बात हम सबको मालूम है, मैं अभी पॉइंट पर आता हूं, मैं ये पॉइंट की बात कर रहा हूं कि जिसके खिलाफ कंप्लेन है वो सेम उन लोग इन्वेस्टिगेशन न करे, बस वो ठीक है, दैट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय सम अदर एजेंसी और सम बाय अंडर सम कोर्ट और समथिंग लाइक दैट। नहीं, ये सिर्फ पुलिस, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ पुलिस में प्रॉब्लम होता है, लेकिन दूसरे जैसे डिपार्टमेंट, जैसे मेडिकल रिलेटेड इंसिडेंट है, मान लीजिए कोई डॉक्टर नेग्लिजेंस से किसी का डेथ हो गया, तो वो क्या करते हैं कि वो चीफ सेक्रेटरी को देते हैं और ये हेल्थ सेक्रेटरी को देते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन होता है बाय थ्रू डीएम और हेल्थ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी, ये तीनों को नोटिस करते हैं, बाकी वो दूसरे जो वायलेशन होता है जो डिपार्टमेंट के वो प्रॉब्लम नहीं रहता है, जैसे एजुकेशन में भी ऐसा होता है, लेकिन ये पुलिस में अगर पुलिस का वायलेशन होता है तो मान लीजिए कि कोई इंस्पेक्टर का लेवल से वायलेशन होता है, एसपी के लेवल से वायलेशन होता है, तो वो उसका उनका वो सीबीआई से तो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर छोटा इंडिविजुअल केस को तो सीबीआई नहीं कर सकते, कोई ऐसे सेंसिटिव बहुत बड़ा केस हो तो सीबीआई फिर स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन करता है, लेकिन ये जो क्योंकि ये रैम्पेंट जो पुलिस का जो केसेस जाता है तो किसको दे, वो तो इंस्पेक्टर को लेवल का केस तो वो देते हैं, एसपी को देते हैं, चाहे तो एसपी का केस तो डीजीपी को देते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो हम क्या रेकमेंड करेंगे कि सेक्रेटरी लेवल से करे कि डीएम लेवल से करे कि सीबीसीआईडी? वी कैन गिव एन एग्जांपल, एग्जांपल के साथ देंगे। ओके, छत्तीसगढ़ के अंदर देखिए छोटे और बड़े की बात नहीं आती है, एनकाउंटर किलिंग की बात जैसे वहां पे अभी हुआ है, विकास दुबे, पुलिस ने उसको मारा, इट इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, अब उसकी इंक्वायरी वही पुलिस कैसे करेगी? तीसरी बात, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, नक्सल एरिया में 12 आदमी को मारा है, गोलियों से मारा है, कुल्हाड़ी से मारा है, कैन यू इमेजिन 21st सेंचुरी के अंदर आप कुल्हाड़ी से मारोगे लोगों को? और जब मैंने उसकी कंप्लेन दी है विद इनफ एविडेंस इंक्लूडिंग द वीडियो क्लिप ऑफ द सरपंच हु सेज दैट वी हैव किल्ड, और उसके बाद में भी डीजीपी को देते हैं, डीजीपी बोलते ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैटर क्लोज हो गई। मैं अभी एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ,
दूसरी एजेंसी का। प्रवीण जी मेरे पास, मैं तो कंप्लेन फाइल करता हूँ, मेरे पास 100 से दो बहुत सारा हजारों से कंप्लेन। तो बस अवर क्लियर कट रिकमेंडेशन शुड बी देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। ओके ओके डन। नेक्स्ट और एक बात आपको कह दूं, आप सब लोग को जानकारी के लिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक जो एचआरडी ह्यूमन राइट डिफेंडर के लिए फोकल पॉइंट है, तो फोकल पॉइंट वो एक जो जिम्मेदारी दिया गया है जिनको, उनका उनको भी एक मोबाइल नंबर दिया गया है, तो वो अगर कोई एचआरडी का इससे अटैक होता है, हैरेसमेंट होता है, वो उस नंबर पे फोन करेंगे। तो हमेशा मेरा भी यही, जब कोर ग्रुप मीटिंग होता है मैं भी आर्गुमेंट करता हूँ, वो क्या है जो एडिशनल जॉब देते हैं, एक एक जैसे जैसे एक रजिस्टर लॉ है, उनको ये एचआरडी के लिए एडिशनल जॉब देते हैं। हम कई बार उनको कहा है कि एक स्पेसिफिक पर्सन को, अधिकारी को उनको दीजिए एचआरडी के लिए, तो ये डिमांड हम कर सकते हैं। यस डेफिनेटली, स्पेसिफिक पर्सन शुड बी alerted to hear the grievance of HRD. Yes. Specific officer. No, sir. क्योंकि additional job हो जाता है उनका, वो अधिकारी बोलते हैं कि सर ये तो मेरा additional job है, मैं इतना सारा फोन आ रहा है, इतना कैसा है, कैसे handle करूं, मुझे भी दूसरा काम है, तो ये नहीं है। हम एनएचआरसी को सजेस्ट करेंगे स्पेसिफिक पर्सन को दीजिए। yes. मेरा एक निवेदन है मनोज सर, अभी जो अपने बाड़मेर वाले मामले में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया है, सीआईडी सीबी से जांच करवाएंगे, और वो टीम भी एक अधिकारी के नेतृत्व में जयपुर से निकल चुकी है। जी जी, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद हमें प्रश्न रखने का। आप लोग का प्रेशर के वजह से ये तुरंत ऐसे काम कार्रवाई हुआ है। मुक्तर भाई है कि नहीं है जी? मुक्तर भाई आपके सजेशन दीजिए, फोन में तो बहुत बताते हैं हम लोग को। हाँ नहीं, सजेशन देने की कोई बात नहीं है, बाहर पटना में फिर भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं हम, तो अभी पटना में है। हाँ कलकत्ता में नहीं, फिर भी हम इधर भी बात कर रहे हैं, आपका मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं। नहीं, आपका कोई सजेशन है कि नहीं? आप फोन में तो हम लोग को बहुत बार ही बातें करते हैं आप। सिन्हा सर से एक निवेदन है मेरा। मुख्तार अहमद भाई, हाँ वो बोल रहे थे कुछ सजेशन जो है, जो बात को हमको बोलना हो तो आप लोग डिस्कस ऑलरेडी कर ले, हम तो इसलिए चुप हैं। आप बीएसएफ की बात बहुत करते थे। जी जी, तो बीएसएफ उसके बारे में क्या सजेशन है? बीएसएफ का लेकर के तो सजेशन जो है वो हम ऐसा करते हैं, हम लिख करके के उसको मेल लिख के भेज दीजिए, लिख के भेज दीजिए, लिख करके मैं भेज देता, लिख के मनोज भाई को भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, मनोज भाई को भेज देता हूँ। ठीक है, इनके एरिया में प्रॉब्लम है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से नजदीक इनका एरिया है, जिसको जब मर्जी पकड़ के ले जाते हैं। हाँ वो तो मनोज भाई को तो मालूम भी है, मनोज भाई साथ में काम। अरे बाबा, आप लिख के दीजिए, चार्टर ऑफ डिमांड जब जाएगी, रिकमेंडेशन जाएगा, उसमें पार्ट आना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं एकदम बिल्कुल कह रहा हूँ। ठीक, और प्रवीण भाई, ये जो एसजी ने दो सजेशन बोले, पॉलिसी फॉर एचआरडी, उसको आप लिख लीजिएगा ना, उसके बाद हम लोग एक साथ कंपाइल करेंगे। पॉलिसी फॉर एचआरडी और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एक्ट, सेफगार्ड प्रोटेक्शन एक्ट फॉर एचआरडी, वो पॉलिसी में आता है शायद। हाँ उसमें आ जाएगा, आ जाएगा पॉलिसी और प्रोटेक्शन। और जो एक अवार्ड के बात किया, अवार्ड appreciation करते हैं, appreciation of HRD's work। और हम लोग को भी ये जो और क्या challenges है मनोज सर, ये विस्टर ब्लोअर एक्ट सरकार लागू नहीं कर रही है, या फिर कोई इसमें क्या issues आ रहे हैं जो एक्ट है?
अभी अभी कोल्स्टर में है, संसद के कोल्स्टर में है। और विसर ब्लोअर एक्ट को एनएचआरसी से कोई मतलब नहीं होगा, वो सुनेगा भी नहीं। हम लोग अभी एनएचआरसी को देने के लिए बता रहे हैं। और भी एक एक्ट है 1984 में जो टॉर्चर को लेके एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था, इंडिया भी सिग्नेटरी है 84 से, अभी तक वो संसद में उसका कोई कानून भी पारित नहीं हुआ। इसको भी हम डिमांड कर सकते हैं कि yes, ये मेरे नॉलेज में भी है। जो ट्रिटी आपने किया है 84 से, अभी तक कानून में क्यों नहीं लाया? उस एक्ट का थोड़ा जानकारी चाहिए थी मुझे, अगर हो सके तो मैं अपने गृह मंत्रालय में बात रख सकूं। 1984 में जो एक टॉर्चर मैंने एंटी टॉर्चर को लेके एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था, मतलब जो टॉर्चर होता है चाहे वो ह्यूमन राइट डिफेंडर पर हो, जिन पर हो, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कानून पारित करना चाहिए, डोमेस्टिक लॉ। बहुत जानकारी देता हूँ, 3 मई 2007, 3 मई या 4 मई है, यूनाइटेड नेशन में इंडियन डेलीगेशन ने 27th पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट का यूएनएचआर की बात कर रहे हैं। इंडियन डेलीगेशन लेड बाय मुकुल रोहतगी, उनके वर्ड्स हैं, टॉर्चर इज एलियन टू अवर कंट्री। हमारे देश में टॉर्चर परग्रह जैसी बात है, इट इज डजंट एग्जिस्ट। इससे बड़ा झूठ और क्या होगा, बिना टॉर्चर पुलिस तो बात ही नहीं करती है। तो बहुत सारी बातें हैं, ये एक अलग सब्जेक्ट है, 1984 का इंटरनेशनल कन्वेंशन और इंडिया बीइंग अ ट्रीटी, वी आर नॉट फॉलोइंग इट। नहीं, हम ये डिमांड करेंगे, जैसे अपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बंडल लेबर को इम्प्लीमेंटेशन के लिए एनएचआरसी को मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है, वैसे ही हम एनएचआरसी को सजेस्ट करेंगे कि टॉर्चर लॉ को डोमेस्टिक लॉ करने के लिए तो गवर्नमेंट को आप सजेशन दीजिए। वैसे भी टॉर्चर तो इलीगल है। वही तो, वही एनएचआरसी रिकमेंडेशन करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। मनोज जी, टॉर्चर विक्टिम्स को कॉम्पेंसेशन का लॉ, कॉम्पेंसेशन तो एचएनआरसी देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कम ऑर्डर करती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो ऑर्डर करती है और पेमेंट भी होता है। नहीं, वो एक प्रॉब्लम है प्रवीण जी, जैसे कोई रेप विक्टिम हो ना, रेप विक्टिम के लिए कंपेंसेशन है। क्या है कि रेप विक्टिम के लिए अगर एनएचआरसी 5 लाख का कंपेंसेशन ऑर्डर करता है तो स्टेट गवर्नमेंट ने 10 लाख दे देते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, एनएचआरसी वो फाइल भी क्लोज कर देते हैं, क्योंकि सर देखिए हम तो 5 लाख का, मतलब भाई देखो ये तो कंपेंसेशन का पार्ट है, तो आप तो कुछ उनको ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए सजेस्ट करो कि जो ये है, नहीं तो ये मामला कोर्ट चला जाता है, बात ये है कि मामला वहां से कोर्ट चला जाता है। हाँ, वही है, इसलिए वो दोनों चीज उसमें हम लोग इंटरवेंट नहीं कर पाएंगे। कंपेंसेशन पार्ट में देयर इज नो प्रॉब्लम, ये कानून ही बना हुआ है, कंपेंसेशन का कानून ही बना है। यही तो एनएचआरसी कंपेंसेशन करते हैं ना। हाँ, उसमें दिक्कत नहीं है। तो प्रवीण भाई थोड़ा सा ये मैं ये कह रहा था कि यहाँ थोड़ा बिजली का भी संकट उत्पन्न हो गया है। ओके, नेटवर्क भी काफी स्लो जा रहा है, मुझे नेटवर्क तो मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ कुछ स्लो जा रहा है। तो 1 मिनट सर, कंक्लूड करने के लिए मनोज भाई सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने अपने हिसाब से आप जो भी सजेशन देना चाहते हो वो सजेस्ट भेजिए, आपका कोई स्पेसिफिक आपके रिमार्क्स हो तो उसको भी दीजिए, और सजेशन के साथ में आपको ग्राउंड दीजिए कि आपने ये सजेशन क्यों दिया, तो हम लोग उसको अच्छे से ड्राफ्टिंग कर सकेंगे। मनोज भाई, देवेंद्र सक्सेना जी क्या बोलना चाहते हैं? जी सर, सर मैं माफी चाहूंगा, मैं प्रवीण जी और शिवानंद जी से दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हम सबकी तरफ से, कि हमारे पास इश्यूज तो बहुत सारे हैं और आएंगे भी आपके पास में काफी इश्यूज, लेकिन शायद प्रायोरिटी पे हमारे लिए एक तो सुरक्षा
और दूसरा मतलब जो हम लोग संगठित होकर के काम करें, ये काम हम लोगों के एक दूसरे तक कंटिन्यूज एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो गया है, दैट हैज बीन नोटेड, हो गया है वो, लिखा गया है। अब आपने जो संगठित होने की जो बात कही है, मैं आप बात नहीं काटे, मैं जो मेरा नहीं नहीं काटने की बात नहीं, दैट हैज बीन नोटेड, 100 चीजें आएंगी, लेकिन प्रायोरिटी पे हमें सुरक्षा और जो एक्टिविस्ट हमारे एचआरडी के काम कर रहे हैं उन लोगों की सुरक्षा पे महत्वपूर्ण मतलब टॉप पे होना चाहिए, ये है। इसमें ऐसा कर सकते हैं जैसे देवेंद्र जी, एक डिमांड जो आपके आने के बाद हम लोग जो बनाएंगे मेमोरेंडम, उसमें हम रहेंगे, मनोज भाई रहेंगे, दूसरे हमारे नित्यानंद मिश्रा जी जो वकील हैं वो भी रहेंगे, वेंकट जी हैं, बनोट साहब हैं, तो ये ड्राफ्ट जो बन जाएगा वो सबको सर्कुलेट कर देंगे कि भाई दिस इज द ड्राफ्ट, उसमें जो जो सजेशन आएगा उसको लेके फाइनल कर दिया जाएगा, किसी को कोई ये ना रहे कि भाई हमारी बात नहीं सुनी गई। ठीक है, ये बल्क में जाते हैं ना तो वो लोग हमारी चीजों को काट देते हैं, काट छाट देते हैं। देखिए बल्क हम लोग का अनुभव है, आप काटने की बात करते हैं, इफ आप यदि प्रेजेंटेशन प्रॉपर है और विद वैलिड ग्राउंड्स हैं तो किसी को काटने की हिम्मत नहीं होती है। ठीक है, आज ये कई 22-23 साल से तो मैं आदिवासी इलाके में करता हूँ, आज प्रधान साहब ने क्यों बोला कि आपसे मिलना है, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं जो कह रहा हूँ वो हकीकत है। बिल्कुल, आप सीनियर हाँ। सर आप लोगों ने बहुत मेहनत की, सीनियर जूनियर नहीं है ये काम करने का, ये बाल सफेद ऐसे नहीं हो गए सर, बिल्कुल आपका और बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में काम किए हैं, कई बार तो 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है। नहीं देवेंद्र जी, देवेंद्र जी मैं एक कहूंगा कि देखिए बहुत सारे ये जो हमारा एचआरडी है, खासकर बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट है, उनको ज्यादातर ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे लॉ एक्ट और गाइडलाइंस के बारे में मालूम नहीं है, तो इसलिए मैं करूंगा अगर कोई स्टेट में ऐसा कोई ट्रेनिंग का एक दो दिन का आप अरेंज करेंगे तो उसका भी हम किया जाएगा। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया, चाहे आप 50 एचआरडी ह्यूमन राइट डिफेंडर को बैठाइए और उनको ट्रेनिंग करिए, एक दिन का हो दो दिन का हो, उनको एडवांस ट्रेनिंग करिए ताकि उनको पता चलेगा फैक्ट फाइंडिंग कैसे करेंगे, वो कंप्लेन फाइलिंग कैसे करेंगे, रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, वो जो ह्यूमन राइट्स कमीशन को कैसे एक्सेस करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे, ये सब उनको जो नॉलेज मिलेगा। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा वो आप अपना स्टेट में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करिए, और हम लोग तो जैसे हम कन्वेंशन करते हैं हर एक 3 महीने में, ये उसमें लिखा नहीं है ये कब चला, हर एक 3 महीने में हम ऐसा ही कन्वेंशन करेंगे, चाहे वर्चुअली हो या फिजिकली हो, तो हम कोशिश करेंगे एवरी क्वार्टर हम आप सब लोग मिलेंगे। वर्चुअली कम ना करें सर, ये रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि हम लोग आपसे जुड़े रहें, वर्चुअली में जुड़े रहें, व्यक्तिगत तो मिलेंगे आपसे सबसे, वर्चुअली जरूर होती रहे। मनोज जी इसमें ये है, हम इसको 3 महीने में नहीं करेंगे, इसको हम हर महीने करेंगे, और प्रवीण जी बहुत जल्दी हो जाएगा, 2 महीने में एक बार रखो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ये शिवानंद भाई सबके लिए 2 महीने में एक बार रखो, साल में 6 रखो, नहीं नहीं क्योंकि सुनिए ना प्रवीण भाई, 3 महीने इसलिए ठीक है क्योंकि हम कुछ टैक्स देंगे, 3 महीना हो तो और अच्छा है, हर महीने कुछ नहीं कर पाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, कुछ टैक्स लेके जाएंगे वो 3 महीने में, वो टैक्स कंप्लीट करे, ऐसे तो हम उनका कोई कंप्लेन हो तो डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, उनका जिसका जो प्रॉब्लम हो समझ वो तो करेंगे, उसके लिए आगे और चर्चा करेंगे, लेट द रिजोल्यूशन और ये रिकमेंडेशन चला जाए, उतना होने के बाद हम लोग जो है एक कमिटी हो जाए जैसे कई लोगों ने डिमांड किया, और 3 महीने का डेट है कि हर महीने 3-3 महीने में एक इस प्रकार का कन्वेंशन होगा, और एनुअल कन्वेंशन साल में एक बार होगा, और उसकी डेट फिक्स कर देंगे 10 दिसंबर को एनुअल कन्वेंशन, 10 दिसंबर को मत करिए क्योंकि 10 तो वो डिसाइड कर दीजिए, कमिटी डिसाइड करे, आप डिसाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें, दिसंबर में ही रखेंगे, कोई भी महीना हो दिसंबर का साल का, मार्च जून सितंबर या अक्टूबर जो आता है वो, और दिसंबर 3-3 महीने में एक एक हो, और एनुअल लास्ट जो दिसंबर वाला एनुअल कन्वेंशन होगा, ठीक है, इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर हो जाए, तो नेशनल कन्वेंशन फिजिकली हम दिसंबर में करेंगे हर साल। सुरेंद्र भनोट जी हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं शुरू से लेकर के अंत तक, उनको भी मैं वही सोच रहा था भनोट जी बोलते क्यों नहीं है, भनोट जी अपने आप को अनमोट करिए और कुछ दो चार शब्द आप भी बोलिए कार्यक्रम में अपने। सर जो जैसे
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ऐसे ही स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, और जो एक्ट है मूल उसमें डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट कमीशन का भी विवरण है जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अगर हम अपने इस रिकमेंडेशन में इसका भी अगर मेंशन कर दें तो आप लिखिए ना, भेजिए ना, रिकमेंडेशन दीजिए जी मनोज भाई को या शिवानंद भाई को, ईमेल कर दीजिए। ईमेल दिया है, ईमेल या उसमें ईमेल सर सर अभी नोट हो रहा था, उसी में नोट कर लिया जाए, फिर भी मैं कर दूंगा। अरे बाबा ये नोट जो है वो अलग इश्यू है, इसको हम लोग अभी थोड़ा नोट में जो किया उसका रिसर्च करना है, उसमें से और आगे पीछे खोजना है। ठीक है पटेल सर। या बनोट साहब आपकी आवाज तो सुने कम से कम हम लोग। मैं सुन रहा हूँ। मैंने सबको नमस्कार। पहले तो आप एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैं 2011 में जुड़ा था, एक मैंने TOTA अटेंड किया था ह्यूमन राइट के बारे में लखनऊ में, 2 हफ्ते का इन हाउस ट्रेनिंग था। तो और उसमें ये सब चीज़ें जो हैं ये तो सीखी थी, पर इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट का स्ट्रक्चर है जो जिनेवा में वो कैसे वर्क करता है, और आगे हमें उनकी रिपोर्ट जो UPR है, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है ह्यूमन राइट्स, तो उसके बारे में काफी कुछ सीखा हमने। और अभी हम काम कर रहे हैं UPR 4 पे। UPR 3 में तो आपने बताया ना वो जो हमारे 27 था, हाँ जस्टिस जिन्होंने कह दिया कि हमारा बड़ा रोजी पिक्चर है, हमारे यहाँ कोई वायलेशन नहीं, टॉर्चर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जबकि हमने 150 केसेस इकट्ठे करके दिए थे। हमने एक पीपल्स कमीशन ऑन श्रिंकिंग डेमोक्रेटिक स्पेस के ऊपर इंडिया के 4 स्टेट्स में अलग अलग एविडेंस इकट्ठे किए और विटनेस इकट्ठे किए, और हमने एक बुकलेट छापी जो 800 पेजेस की थी, जो हमने गवर्नमेंट को और ह्यूमन राइट कमीशन को और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट को भेजी। उसमें से गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, उस बुक में से ही सारा कुछ उनको मटेरियल मिला, और उस बुक में ही जिनेवा में और फिर बाद में UNO में इंडिया के जो ये थे वो लिए गए, और जो इन्होंने बाद में सरकारा ये रफेल डील जो हुई थी फ्रांस और दूसरी कंट्रीज की वोट को गेन करने के लिए की गई थी, ताकि फ्रांस और दूसरी कंट्री उस इंडिया को सपोर्ट करे UNO में, और वही हुआ। तो ये बड़ा बहुत लंबा चौड़ा खेल है, बड़ी लंबी चौड़ी पॉलिटिक्स है। तो इन पॉलिटिशियंस के आगे और कॉरपोरेट्स के आगे ह्यूमन राइट की कोई वैल्यू नहीं है, दे आर जस्ट कीड़े मकोड़े। तो हमें ना ये सब जो छोटी मोटी चीजें इनसे उठ के बात करनी है। अभी हेनरी थिपांग ने है जो शायद आप जानते होंगे, सब जानते हैं, उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं हम। महीने में कोई 25-20 लेटर जो नेशनल फोकल पॉइंट है उनको लिख देते हैं, वो उनके थ्रू ये सारे लेटर्स जाते हैं ह्यूमन राइट के, वो एक्शन भी होता है, पर वो एक्शन इतना मीक होता है ना, जो विक्टिम है उस तक तो खबर ही नहीं पहुंचती कि कोई एक्शन हो गया। तो हमें फिर वो उसको फॉलो अप करना पड़ता, सारा कुछ करना पड़ता। तो आपका जो जो ग्रास रूट पे ये जो एफर्ट हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, तो इसको करिए और करते रहिए। हमारी वैसे अपनी टीम्स हैं ऑन द स्पॉट इन्वेस्टिगेशन की और इसके एविडेंस कलेक्शन की और सारा कुछ करने की, तो हम वो करते हैं और केस बिल्डअप करके सारा कुछ करते हैं। अब ये जनवरी में हमारी UPR 4 पे नेशनल कन्वेंशन होने वाली है दिल्ली में, तो उसमें भी मैं आपको लिंक भेज दूंगा, इनवाइट कर लूंगा कि आप लोग भी आके देखो क्या हो रहा है। ठीक है। तो आज इनफैक्ट हेनरी को आज आना था, क्रिसमस के कारण नहीं आया है। उनको भी इनवाइट किया गया था, मनोज भाई ने उनसे बात भी की थी। जी जी। तो चलिए ऑल द बेस्ट टू यू। आप थैंक यू सर, मैं भी आपके साथ ही हूँ और मेरी जो ड्यूटी लगाएंगे आप, आई विल डू इट। हम लोग क्या ड्यूटी लगाएंगे सर। शिवानंद भाई
जी प्रवीण भाई अब क्लोजर अनाउंस कीजिए और जनगणमन कर दीजिए। जनगणमन एक सेकंड 27 बच्चे हैं। प्रवीण भाई यस सर ये तो ये डिटेल्स मिनट्स कैसे वो होगा हिदायत से मैं मंगाता हूँ उनको बोला तो है वो बोला कि मैं ट्रांसक्रिप्ट नहीं हो रही थी सुबह ही मेरी बात हुई बोले फेसबुक से मैं सब कुछ लेके आपको रिपोर्ट बना के दे दूंगा ठीक है और एक प्रेस रिलीज आप कर दीजिए मैं नहीं कर पाऊंगा शिवानंद भाई कर लेंगे शिवानंद भाई का तो पेपर में आज रात को ही छप जाएगा वो बहुत फास्ट है उसमें शिवानंद भाई आप एक प्रेस रिलीज कर दीजिए मुझे भी भेज दीजिए मैं लोकल लैंग्वेज में कर दूंगा कोई प्रॉब्लम है शिवानंद भाई हाँ तो म्यूट हो गया वो क्या है फाइल चेंज करेंगे जनगणमन बजाने के लिए हाँ नहीं वो हम गाना गा देंगे अच्छा ओके हाँ उसे गा देंगे सब लोग उसकी बात कर रहे थे मैं एक्चुअली मूड था मुझे पता नहीं था मैं बोल रहा था लेकिन मैं समझ रहा था कि एक प्रेस रिलीज के बात कर रहे थे प्रेस रिलीज बिल्कुल वो अपन बनाते हैं हमेशा बनाते थे लेकिन दो तीन बार से ये थोड़ा सा कुछ डिफिकल्टी आ गई थी कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे तो दिक्कत आ रही थी मैं उसको करूंगा और जरूर आपको भेजूंगा एक दो दिन में जीना जी नहीं नहीं दो दिन हो गया तो वो प्रेस नहीं छपेंगे अच्छा तो ठीक है मैं आज रात में ही इसको करता हूं आज रात को दे दीजिए क्योंकि हमको भी फिर यहां लैंग्वेज चेंज करके फिर भेजना है आप तो हिंदी में देंगे ना कि इंग्लिश में देंगे नहीं हम तो हिंदी में बनाते हैं और काफी डिटेल रहता था बट अभी थोड़ा सा तो इसमें अपन वो करें इतना सारा हुआ है उसमें सब थोड़ा थोड़ा लिख दोगे तो भी बहुत हो जाएगा छोटा सा कर दीजिए ना हम भी कुछ ऐड कर देंगे बिल्कुल बिल्कुल तो दिक्कत हो रही है नहीं नहीं दिक्कत नहीं हो रही जस्ट हो रहा है बस बहुत जल्दी हो रहा है ठीक है जनगण आप लोग कुछ देख पा रहे हैं क्या सुन पा रहे हैं आपको हमें तो सुन पा हम क्या सबको अपील कर देते हैं खड़े हो जाएंगे हाँ सभी खड़े हो जाना है और ये जनगणमन खत्म होने के बाद शिवानंद भाई और मनोज भाई सबको बाय कहिए गुड बाय कर दीजिएगा चलिए बजा दीजिए सब लोग अपना कैमरा का पोजीशन भी ऊपर कर दीजिए सर बहुत बहुत धन्यवाद मैं क्या बताऊं आज इतना शानदार
इतना बहुत फ्रूटफुल पूरा दिन भर ये कन्वेंशन रहा। इसके लिए मैं सभी जो ऑर्गेनाइजर है, खासकर मैं फोरम सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस से प्रवीण पटेल जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब मैंने ये बात पहले आपके साथ शेयर किया कि ऐसे एचआरडी का एक कन्वेंशन होना चाहिए, आपने तुरंत राजी हो गए। अभी कहा कि मेरे पास ऐसे एक बड़े प्लेटफॉर्म है जिसमें 500 एचआरडी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हो गया कि आपने भी डेट भी डिसाइड कर लिया कि 25 को हम करेंगे, तो इतना फास्ट हुआ और इतना क्वालिटेटिव हुआ, मतलब सारे जितने भी एजेंडा से लेकर और पूरा डिजाइन से लेकर आपने जो कहा किया वो बहुत सराहनीय है। बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, मैं आपको देता हूँ, सच में आपका कमिटमेंट के आगे मैं नतमस्तक हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और मैं शिवानंद भाई जी से बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो आरटीआई रिवोल्यूशनरी ग्रुप ये इस काम को इतना शानदार से किया, चाहे पोस्टर डिजाइन से लेकर हो, चाहे ये सारे डिजाइन और मॉनिटरिंग और टेक्निकल जो असिस्टेंट और कोऑर्डिनेशन, ये सबने शिवानंद जी आपसे बहुत प्रेरणा मिला है। और आप इसीलिए मैं शुरू से बोला कि आपके बारे में दो शब्द बोले कि आपने इतना शांत अच्छी तरह से मैंने संचालन किया और ये पता नहीं चला एक दिन कैसे चला गया, तो ये बहुत फ्रूटफुल रहा। और सारे जितने भी बड़े बड़े हस्ती जुड़े और डेफिनेटली हमारे साथ भी बहुत सारे सुबह से इतने एनएचआरसी के एसजी जो उन्होंने मना कर रहे थे कि मुझे थोड़ा एक्सक्यूज करिए, मैं रिग्रेट लेटर दे दूंगा मैं बोला कि सर बिल्कुल नहीं, आपको आना है क्योंकि सारे एचआरडी आपको ही सुनेंगे, आप जो सारे जो जिनका कंप्लेन है वो सब काम करते हैं, आप तो बोलते हैं एनएचआरसी एचआरडी ह्यूमन राइट डिफेंडर्स आर आईज एंड ईयर ऑफ कमीशन, तो अगर आंख जो कान है आंख है तो आप और कान आंख को तो आप देखना चाहिए, तो आपको जरूर आना है। तो वो बोले कि जरूर, तो ठीक है, मैं सुबह का वो विज्ञान भवन में मीटिंग अटेंड करके 3 बजे ज्वाइन करूंगा। तो वो भी आए और वो पूरा फ्रेंडली की तरह वो आपने शेयर किया हमसे। वो तो शुरू कह रहे थे कि मैं एचआरडी क्या बोलेंगे, हमको अटैक करेंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलेंगे, कमीशन के अगेंस्ट बोलेंगे। मैं बोले जो भी बोले आप सुन लीजिए, दिल खुल के सुन लीजिए। तो आए वो अपने बात पे रखा और बहुत शानदार बात रखा, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। सभी जितने भी गेस्ट है, चाहे चोको साहब हो, चाहे अग्रवाल जी हो, वेंकटरमन जी, तो इतना अच्छा अप्रिसिएशन किया है और बहुत धन्यवाद देते हैं। भगवान भाई जिरयानी वो हमेशा हमारा प्रेरणा है। तो लास्ट में मैं पता नहीं था, बनोट साहब लास्ट में बोले कि वो हेनरी तो मेरा गुरु भी है, तो मैंने भी उनको कहा था कि सर आप ज्वाइन करिए, तो वो बोले कि अरे वो क्या है, क्रिसमस एक दिन है और फैमिली के साथ मैं जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा, शायद वो नहीं आ पाए, तो हम आगे भी मिलेंगे। तो बाकी सारे जितने भी साथी लोग हैं, मैं डिटेल शिवानंद भाई जी सबका नाम लेंगे, मैं और एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ और होपफुली हम फिर जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। The person who mooted the idea of today's convention, उसको तो आप तारीफ कीजिए, मनोज जी। तो आपस में एक दूसरे की तारीफ करते रहेंगे तो गाड़ी छूट जाएगी। Without him आज का कार्यक्रम होता ही नहीं। नहीं, today it I told in the day also कि today's program brainchild was मनोज जैना। उन्होंने जब मुझे फोन किया कि ये करना है, आप कैसे करेंगे, इसको हो सकता है क्या, मेरे को हो सकता है क्या, हो गया समझ लो, कब करना है, तो बोले कब कर सकते हैं, तो शिवानंद भाई से मैं पूछ के बताऊंगा बोला। शिवानंद भाई को पूछा 25 तारीख को हो सकता है, बोले हाँ हो सकता है। देन द डेट वाज डिसाइडेड, एवरीथिंग वाज डन विद इन 2 आवर्स एंड टुडे विद इन ए वीक वी हैव कंप्लीटेड द प्रोग्राम आल्सो। चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज अ टीम वर्क। देखिए सभी मिल के साथ में काम करें तो रिजल्ट आना ही आना है। मनोज जी ने बताया कि इतना फास्ट आपने ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम। मनोज भाई को अभी इतने सारे वेबिनार हुए, कभी आए नहीं ना, आए होते तो ये सवाल भी नहीं बोलते।
मेरा मन में ये आ रहा था कि अभी से अपना संस्था का नाम आपको रख के प्रवीण भाई जब तक रहेगा फोरम फॉर फास्ट जस्टिस, जस्टिस तो नहीं होता है, फोरम फॉर फास्ट प्रोग्राम करके नाम चेंज करेगा, कुछ भी प्रोग्राम फास्ट ऑर्गेनाइज कर लेगा, FFFP कर लो। अरे बाबा ये टीम है, एक आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता है। मनोज जी ने बहुत अच्छा मॉडरेट किया, टेक्निकल सेशन भी एंड लास्ट में भी, ही डिड अ एक्सीलेंट जॉब। आज मुझे तो भगवान जी भाई का भाषण अच्छा लगा। अच्छा आज फर्स्ट टाइम मेरे को लगा कि भगवान जी भाई टू द पॉइंट चल रहे हैं। मेरा सोच की बात है, लेकिन मेरा तो लास्ट 45 years का दोस्ती है उनसे, लेकिन आज उनका बहुत अच्छा लगा और रॉबिन का भाषण भी बहुत अच्छा था। रॉबिन वाज फैंटास्टिक, रॉबिन वाज गुड, हिज डिलीवरी वाज गुड एंड ही वाज वेरी इमोशनल एंड अदर थिंग, ही वाज टू गुड। जमीन से जुड़ा हुआ है ना। हाँ वो अच्छा था। और मैं उनके साथ मणिपुर के इंटीरियर एरिया में गया हूँ। अच्छा बहुत सारे जगह गया हूँ मैं। वो तो गुरुजी बोलते है ना, गुरुजी बोलते, मैं बोला क्यों गुरुजी बोलते हो, तो बोलते जो मेरे को नहीं मालूम था वो सब आपसे सीखा हूँ कि काम कैसे किया जाता है। हम तो एक ही बात बोलते हैं, जब फील्ड में जाइए हर एक आदमी को पूरा रिस्पेक्ट दीजिए, आप कभी बॉस बन के मत जाइए। कई एक्टिविस्ट लोगों का यही होता है कि भाई हम आए हैं तुम्हारे पास, बॉस बन के बात करेंगे, कुर्सी लाओ ये लाओ, हम बोला कुर्सी बुर्सी छोड़ो। बस्तर में मैंने जब काम किया, जो लोहंडी गुड़ा की जमीन रिटर्न हुई, पता है ना मनोज भाई? हाँ जी हाँ जी। आई स्टेड विद द ट्राइबल्स इन देयर विलेज इन लुंगी एंड बनियान, तीन चार दिन वहां रुके, इसीलिए कि उनको कॉन्फिडेंस आया कि ही इज वन ऑफ अस, नहीं तो लगेगा कि टाटा का एजेंट है। एंड द रिजल्ट इज वी वॉन द बैटल, जमीन पूरी पूरी रिटर्न हुई। अब गवर्नमेंट बोलती है क्या करेंगे, करोड़ ऑफ रुपीज हैव बीन पेड, हम बोला पैसा टाटा ने दिया सरकार को, बोला आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, टाटा मेड द मिस्चीफ, लेट हिम सफर। आज का जो यूथ जो पार्टिसिपेट किया जोधपुर से, उनका नाम क्या, राज पुरोहित समथिंग यूथ, लड़का थोड़ा इमैच्योर है। आई अप्रिशिएट हिम, क्योंकि नहीं बराबर है, मगर एक ही बात को आप 5 बार बोलोगे तो उसका इम्पोर्टेंस खत्म हो जाता है। प्रवीण भाई आज है ना, इसी द एंग्री यंग मैन इज टोटली मिसिंग, आजकल यूथ पूरा भटक गया, दे डोंट हैव एनी। नहीं 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 नहीं, वो जो बोलता है कि मेरी बात सुनो, टुडे आज इतने सारे लोग हैं, एक आदमी की बात को एक ही एजेंडा पे आप कैसे ना कंसंट्रेट करेंगे। लेकिन क्या हमारा सबका उम्र हो गया है, लेकिन आज अरे बाबा मैं यही बोल रहा हूँ, लड़का में इमेच्योरिटी है, हम लोग उसको ये नहीं बोलते हैं कि भाई वो क्यों बोला क्या है बोला, ये बात नहीं है, उसको समझ में आएगा 2 साल में, वो अपने आप सही हो जाएगा। मेरा कहना क्या है भाई, इनकी एनर्जी जो है ना, इनकी एनर्जी को सही डायरेक्शन देना है, इनको सही नहीं करना है, मतलब सही इन द सेंस है, अपन ये चाहते हैं कि वो एकदम शांत हो जाए, ऐसा भी नहीं है, उनमें एजिटेशन होना चाहिए, वो एजिटेट करेंगे तभी ये मुहिम आगे बढ़ेगी, और उन्ही में एनर्जी है और वही ये कर पाएंगे, और इसलिए वो सही काम कर रहे हैं। और मैं तो हमारे हर कार्यक्रम में आते हैं, RTI के कार्यक्रम में, वो अपने बीच के सब लड़के हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, और उनकी जो उनका जो गुस्सा है, उनके अंदर का जो वो है एक तरह से, वो हमें हमें सब... अभी देख जंगल मन में कैमरा तो ऊपर चला गया था। मेरा भी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया है, तो प्रवीण भाई कार्यक्रम बंद करें, अभी बंद करें जी। सभी को नमस्कार, फिर सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नव वर्ष शुभेच्छा एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर आल्सो, थैंक यू।